जान दो सर पीजीपी। इसके क्वेश्चन में जब अपन सॉल्व करेंगे तो 115 बीएसी का काफी कुछ इंप्लीकेशन, जैसे एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता, सेक्शन 35 नहीं मिलता, 35 एडी नहीं मिलता, बहुत सारे सेक्शन का इम्प्लीकेशन है, तो वो हम लिखेंगे जब क्वेश्चन करेंगे तब। अभी स्टार्ट करते हैं प्रोविजन पढ़ते सर, ठीक है। पीजीपी अगर बात करते हैं एग्जाम पर्पस के लिए, रिविजन पर्पस के लिए, तो सेक्शन 28 में कुछ ही बातें ध्यान रखने वाली बात है। सबसे पहला देखो, अच्छा सेक्शन 28 तो याद है ना सर, चार्जिंग सेक्शन। ये बोलता है सर कोई भी पर्सन अगर प्रॉफिट या गेन होता है फ्रॉम बिजनेस या प्रोफेशन तो वो टैक्सेबल है पीजीपी हेड के अंदर। इसमें कंपनसेशन याद रखना सर, इससे रिलेटेड एक पॉइंट आ जाता है, मतलब बड़े से क्वेश्चन का एक छोटा सा पॉइंट होता है सर कंपनसेशन, ठीक है। आपको कंपनसेशन रिसीव हो रहा है सर इंडियन कंपनी, अदर कंपनी, एजेंसी से, और इन रिलेशन टू कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन, ये वाले पॉइंट का क्वेश्चन आया था सर, ये वाले पॉइंट का क्वेश्चन आया। ऐसा नहीं है कि इसी का आएगा, किसी भी पॉइंट का आ सकता है, बट याद रखना सर कंपनसेशन अगर आपको मिल रहा है इन रिलेशन टू टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन इन द टर्म्स एंड कंडीशन, चाहे वो इंडियन कंपनी से मिले, अदर कंपनी से मिले, एजेंसी से मिले, कॉन्ट्रैक्ट से मिले या फिर गवर्नमेंट के थ्रू मिले, तो सर वो टैक्सेबल है पीजीपी में, ये थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। इनकम डिराइव बाय अ ट्रेड एसोसिएशन प्रोफेशन फ्रॉम स्पेसिफिक सर्विसेज टू इट्स मेंबर, अगर कोई ट्रेड एसोसिएशन वगैरह ये सब अपने मेंबर्स को सर्विसेज दे रहे हैं तो वो भी टैक्सेबल पीजीपी में, ये आता है सर। इंसेंटिव फ्रॉम एक्सपोर्ट बिजनेस, इसमें ना पूरे पॉइंट नहीं आते, कभी ये आता है, कभी ये वाला पॉइंट आता है, कभी ड्यूटी ड्रॉबैक्स आते हैं, ये सब पॉइंट्स आते हैं। कोई भी एक पॉइंट पिकअप करके देता है वो आपको पूरे पॉइंट तो देगा नहीं सर, ठीक है। ये सब टैक्सेबल होता है, ये टैक्सेबल होता है, आपको जो देगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उस प्रॉफिट लॉस में क्रेडिट साइड में ये दिखेगा। क्रेडिट साइड में अगर ये दिख रहा है तो कुछ करना मत, मतलब ऐसा मत कर देना उसको हटा दिए वहां से, नहीं नहीं वो ठीक है प्रॉपर है, ये पीजीपी में ही टैक्सेबल है सर, ठीक है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इम्पोर्ट एंटाइटलमेंट, कैश असिस्टेंस, ड्यूटी ड्रॉबैक, ठीक है, ये सब टैक्सेबल है। बेनिफिट और परक्विजिट अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, इस पॉइंट का तो ग्रेट रिलेवेंस हो गया सर, क्योंकि इसमें अमेंडमेंट भी है तो इससे रिलेटेड बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंस है इसका, कि बेनिफिट और परक्विजिट जो भी बिजनेस और प्रोफेशन से, चाहे कैश में हो चाहे काइंड पे हो, वो टैक्सेबल होता है सर, ठीक है। चाहे कैश काइंड कैसे भी हो टैक्सेबल हो। जब अपन सेक्शन 37 पढ़ने जाएंगे तो वहां पर नीचे देखेंगे सर बेनिफिट और परक्विजिट, वहां पर और डिटेल में पढ़ेंगे। पार्टनर का रेम्यूनरेशन, ये हमने बोला था सर जो भी पार्टनर्स को सैलरी मिलती है वो पीजीपी हेड के अंदर ही टैक्सेबल होती है सर। नॉन कम्पीटिंग फीस, वहां बंद करके पीजीपी के हेड में टैक्सेबल है सर, ठीक है। एक्सेप्ट कुछ मतलब वो आपको एग्जेम्पशन है, मतलब कुछ केसेस है जहां पर टैक्सेबल नहीं होगा सर, याद है ना सर। कंपनसेशन फॉर मल्टीलेटरल फंड ऑफ द मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल, जो ओजोन लेयर को डिप्लीट करने वाले, अगर ये नहीं डिप्लीट करने के लिए आपको पैसा मिल रहा है तो ये टैक्सेबल नहीं होगा। किमेन इंश्योरेंस पॉलिसी, सिंपल बात ये है सर, पहला तो अगर सैलरीड पर्सन है तो सैलरी में, बिजनेसमैन है तो पीजीपी में, और अगर ये दोनों नहीं है तो आईयूएस में। ये दो पॉइंट अभी छोड़ दो, आगे इसका रिलेवेंस रहता है, आगे हम इसको कवर करते हैं। सेक्शन 29 क्या होता है सर, यहाँ पर हम पीजीपी हेड के अंदर इनकम कंप्यूट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं सर। नेट प्रॉफिट से कहानी चालू होती है सर, एड करते हैं जो भी एक्सपेंसेस जो पीजीपी में माइनस नहीं होने चाहिए थे आपने माइनस कर दिए सर, पर्सनल एक्सपेंस एड हो जाएंगे सर। लेस ऐसे एक्सपेंस जो आपने डेबिट नहीं किए आपको करने चाहिए थे सर, कई सारे एक्सपेंस आप डेबिट कर, किसी को सैलरी पे किए डेबिट करना भूल गए आप माइनस करेंगे सर। लेस ऐसी इनकम जो पीजीपी में टैक्सेबल नहीं होना चाहिए, जैसे रेंट की इनकम है वो यहाँ क्यों टैक्सेबल होगी सर। एड ऐसी इनकम जो टैक्सेबल होना चाहिए था बट आपने लिया नहीं है सर, तो अनएक्सप्लेन मनी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो आपको देखना पड़ेगा, डिपेंड करेगा सर। तो ये सब एडजस्टमेंट्स करोगे तो आपकी पीजीपी की इनकम आ जाती है सर। पीजीपी पढ़ने का मेन सेंस या मेरे को जो लगता है इसका फायदा तब मिलता है जब आप इस चैप्टर को पढ़ो और इसके क्वेश्चंस बनाओ। जब तक आप इसके क्वेश्चन नहीं बनाओगे ना, थ्योरेटिकली ये चैप्टर पढ़ने का इरेलेवेंस है, सेंस ही नहीं है सर। थ्योरेटिकली पढ़ के इसमें कुछ नहीं होने वाला, किसी का कुछ नहीं होने वाला। ये चैप्टर सबसे फायदा तभी देगा जब आप इसके क्वेश्चंस बनाओ, और क्वेश्चंस इस चैप्टर के एंड के भी बनाओ और प्लस टोटल इनकम के, क्योंकि टोटल इनकम इसके साथ चलता है सर, साथ साथ चलते हैं ये, ठीक है। इन चार पांच पॉइंट में से मेरे को लगता है अगर आपको याद ही रखना है तो ये वाला पॉइंट याद रख सकते हो सर, कि प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट, बिजनेस स्टार्ट होने से पहले का जो प्रॉफिट है वो बिजनेस में टैक्सेबल नहीं होता सर, पीजीपी हेड में टैक्सेबल नहीं होता सर, क्योंकि उस टाइम तक बिजनेस एग्जिस्टेंस में ही नहीं आया है तो पीजीपी हेड में ही क्यों टैक्सेबल होगा सर। फिर बात आती है स्पेक्युलेटिव ट्रांजेक्शंस, इससे ऐसा पूरा लिखने को नहीं आता है बट आपसे ये जरूर होता है कि एक आध कोई भी ट्रांजेक्शन दे देता है, ठीक है, ये सब ट्रांजेक्शन से आपको इनकम दे देता है, और इनकम देने के बाद ये चेक करता है कि आप इसको कैसे ट्रीट कर रहे हो,
मैंने आपको पहले भी बताया था सर, जब आप जीडीपी से इनकम निकालोगे तो उसको दो हेड पे डिवाइड करते हो आप, एक जनरल बिजनेस इनकम और स्पेकुलेशन बिजनेस इनकम। अब अगर क्वेश्चन में स्पेकुलेशन देगा तो अलग अलग हेड करना, नहीं देगा एक ही दे रहा है तो फिर क्यों अलग अलग हेड करोगे सर, ये चीज का ध्यान रखना। वे ऑफ प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है इसमें, ठीक है। रेगुलर क्लासेस में मैंने आपको ये प्रेजेंटेशन बताया भी था, लिखवाया भी है, सिखाया भी है, तो ये ध्यान रखना सर, ठीक। स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन हमने क्या बोला था सर, ऐसे ट्रांजेक्शन जिसमें अदरवाइज देन बाय एक्चुअल डिलीवरी और ट्रांसफर ऑफ कॉमोडिटी और स्क्रिप्ट हो तो हम उसको क्या बोलते हैं, स्पेक्युलेटिव। याद आया सर, जहां पर डिलीवरी नहीं होनी चाहिए, डिलीवरी हो गई तो वो स्पेक्युलेटिव नहीं कहलाएगा सर, ठीक। कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन जिनको स्पेक्युलेटिव नहीं मानते, तो इसमें एग्जाम में इन लोग क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट फ्रॉम ट्रेडिंग ऑन डेरिवेटिव दे देते हैं, ठीक है। अगर ये दे देते हैं तो आप सिंपल इसको नॉर्मल बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस मानोगे सर। फर्क इसलिए पड़ जाता है सर, क्योंकि अगर स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस मान लोगे या प्रॉफिट मानोगे, तो सर स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस मानोगे तो स्पेकुलेशन बिजनेस की इनकम से एडजस्ट होगा और 4 साल कैरी फॉरवर्ड होगा। अगर आप इसको नॉर्मल बिजनेस का लॉस मानोगे तो 8 साल कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा सर, ठीक है। और स्पेकुलेशन बिजनेस प्रॉफिट से भी एडजस्ट हो सकता है, तो इसीलिए ट्रीटमेंट इसका इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये कोई एकदम रॉकेट साइंस नहीं है जो आपको पूरा लिखने को आ जाएगा सर, बट कहीं ना कहीं इसका ट्रीटमेंट जरूरी होता है। बड़े से क्वेश्चन में एक छोटा सा पॉइंट दे देता है ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। तो हमने ऐसे कुछ ट्रांजेक्शन बोले थे, ये 5 ट्रांजेक्शन थे जिनको हम स्पेकुलेटिव नहीं मानते सर, स्पेकुलेटिव नहीं मानते मतलब नॉर्मल मानते हैं, ठीक है। फिर हमने डीम्ड स्पेकुलेशन पढ़ा था। डीम्ड स्पेकुलेशन क्या था सर, जहां पर मान के चले जाते कि ये स्पेकुलेटिव है सर। हमने क्या बोला था, ऐसी कोई भी कंपनी जिसका पार्ट ऑफ द बिजनेस क्या है सर, परचेज एंड सेल ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटी, और पार्ट ऑफ द बिजनेस दूसरा काम करती है। तो हमने बोला था सर, अगर कोई कंपनी पार्ट ऑफ द बिजनेस ये कर रही है ना सर, तो जितना पार्ट वो शेयर्स और सिक्योरिटीज वाला काम कर रही है उसको डीम स्पेकुलेशन माना जाता है सर, ठीक। फिर वही बाकी स्पेकुलेशन वाली कहानी, 4 साल कैरी फॉरवर्ड लॉस और स्पेकुलेशन प्रॉफिट से ही एडजस्ट हो सकता है सर, ठीक है। इसके कुछ एक्सेप्शन भी थे सर, ऐसी कोई कंपनी जिसका ग्रॉस टोटल इनकम पीजीपी हेड से नहीं है, या फिर ऐसी कोई कंपनी जिसका मेन काम ट्रेडिंग इन शेयर्स ही है सर, तो ये दो लोग डीम स्पेकुलेटिव की कैटेगरी में नहीं जाएंगे। इसके बाद ये पॉइंट्स अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं तो ना भी पढ़ो तो चलेगा सर एग्जाम टाइम के लिए। हाँ नहीं, वो भी ना करो तो चलेगा, ठीक है, क्योंकि कुछ बेसिक्स, हाँ जिनको बेसिक ही क्लियर नहीं है रेगुलर क्लास में, वो थोड़ा ध्यान रखे कि लॉस रेवेन्यू नेचर का होना चाहिए। कैपिटल नेचर के लॉस यहाँ आते ही नहीं है सर, कैपिटल नेचर के लॉस के लिए कैपिटल गेन जिंदा है सर, ठीक है, यहाँ रेवेन्यू नेचर के लॉस होते, ठीक। इसके बाद आती है सेक्शन 30-31 की कहानी, बड़ी सिंपल है सर, याद है, रेंट रेट टैक्सेस इंश्योरेंस और प्लांट मशीन बिल्डिंग रिपेयर, याद आया, फर्नीचर, ये सब होते थे सर। इनके अगर करंट रिपेयर है तो आप पीएल अकाउंट में क्लेम कर लो सर, कैपिटल नेचर के रिपेयर है तो आप उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम करते हो सर, याद आया सर। जितना भी डेप्रिसिएशन रहता है वो किसको मिलता है, लेजर की लेजी, लेजर सोच लो सर, लेजर क्लेम करता है सर। अगर कोई सुपर स्ट्रक्चर लेजी ने बनाया है तो उस पर डेप्रिसिएशन लेजी क्लेम करता है सर, ठीक है। और अगर कोई चीज आप हायर पे लियो, कोई बिल्डिंग हायर पे लियो, गाड़ियां हायर पे लियो, तो डेप्रिसिएशन वो क्लेम करेगा जो उस गाड़ियों को या बिल्डिंग को हायर पे लिया होगा, वो क्लेम करेगा डेप्रिसिएशन, ठीक है, याद रखना सर। सिंपल है, इजी है, टफ नहीं है सर, एकदम सिंपल टॉपिक है, कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है सर, ठीक है। कोई किसी का बिजनेस है सर घर किराए पे देने का, तो उससे रिलेटेड म्युनिसिपल टैक्स यहाँ आएगा, और अगर किसी का बिजनेस नहीं है घर किराए पे देने का फिर भी किराए पे दे रहा है तो वो आईएचपी में जाएगा, ठीक है। जब 5 हेड के क्वेश्चंस बनाओगे ना तो ऐसे दिमाग चलने चाहिए, प्रॉपर चलना चाहिए, सिस्टमैटिक तरीका होता है सर। म्युनिसिपल टैक्स हो सकता है, कोई भी हो सकता है, आपको रिपेयर का भी खर्चा दिया हो घर का, तो याद रखना सर, अगर मेरा घर रेंट पे देने का बिजनेस ही है तो मैं रिपेयर में का खर्चा क्लेम कर सकता हूँ सर, बट अगर मेरा धंधा नहीं है सर और फिर भी मैं किराए पे दे रहा हूँ तो उस केस में सर आईएचपी में रिपेयर का एक्सपेंस मिलता ही नहीं है, 30% मिलता है। ऐसे पढ़ने का तरीका होना चाहिए, इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और आपकी जो चीजें सब हेड को एक्यूमुलेट करके याद रखने वाली बातें ही अच्छी होती है, लेवल अच्छा होता है, क्वालिटी अच्छी होती है, इससे आपका क्या होगा, क्वेश्चन बनाने का तरीका अच्छा हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ पढ़ने के लिए ना पढ़ो, आपको ऐसा थोड़ी कि सर सिर्फ पीजीपी का ही क्वेश्चन आएगा, नहीं आता पीजीपी का तो क्वेश्चन ही नहीं आता, टोटल इनकम का क्वेश्चन आता है, उसमें पीजीपी घुसा हुआ रहता है सर। तो आप अगर एक साथ एक्यूमुलेट करके याद नहीं रखोगे तो आपकी बैंड बजेगी। हाँ ये मैं बोल सकता हूँ कि सर पीजीपी और सैलरी एक साथ याद मत रखो, मेरे को चलेगा, क्योंकि दोनों क्लैश कभी नहीं करेंगे, बट सर पीजीपी तो आईएचपी के साथ क्लैश करेगा, आईओएस के साथ क्लैश करेगा, कैपिटल गेन के साथ क्लैश करेगा, तो आपको सब चीजें मिला के याद रखनी चाहिए, ठीक।
ठीक है, जब पहली बार क्लास में पढ़ते तो अलग 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 ठीक है सब याद रख लिए, बट जब खुद रिवाइज करो तो अब एक्यूमुलेट करके पूरा दिमाग इधर उधर दौड़ना चाहिए, पूरा दिमाग हर तरफ जाना चाहिए, हर चीज के ट्रीटमेंट जितनी जगह भाग रहे ना सब जगह दिमाग दौड़ना चाहिए। इसका फायदा ये, अगर आप अभी से दिमाग को उस तरीके से दौड़ाओगे ना तो एग्जाम में जब पेपर आएगा तो आपका दिमाग वैसे ही हर तरफ दौड़ेगा, नहीं तो फिर क्या होगा, एक जगह स्टक हो जाओगे, दूसरी जगह ट्रीटमेंट नहीं करोगे वो तो मार्क्स काटेगा सर। उसको तो जितनी जगह ट्रीटमेंट चाहिए मीन्स पूरी जगह हर जगह ट्रीटमेंट चाहिए, आप एक जगह भी छोड़ दोगे तो मार्क्स काट देगा। इसलिए सर थोड़ा सा ढंग से पढ़ना, ध्यान रखना, ठीक है, समझ आया? ठीक है, उसके बाद डेप्रिसिएशन, ये तो गजब है सर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट भी रहता है क्योंकि इसमें वो आपके साथ बहुत कुछ छेड़छाड़ कर सकता है। वैसे तो बेसिक हम पढ़ते हैं सर, डेप्रिसिएशन एसेट पे मिलता है, ब्लॉक ऑफ एसेट्स पे मिलता है, ये सिंपल सी बात है सर, एसएससी का ओनर होना जरूरी है सर, रजिस्टर्ड नहीं तो बेनिफिशियल ओनर हो जाए चल जाएगा, एसेट 180 डेज से ऊपर होना चाहिए तो पूरा डेप्रिसिएशन मिलेगा, 180 डेज से कम रहेगा तो 50% डेप्रिसिएशन मिलेगा सर, पुट टू यूज देखा जाता है, रेडी टू यूज नहीं देखा जाता है, ये सब ठीक है। अच्छा सर, डेप्रिसिएशन जब हम क्लेम करते हैं तो हमें कई सारी चीजें और भी ध्यान रखनी होती है सर, अगर कोई चीज का ट्रायल रन है तो उस पर भी डेप्रिसिएशन मिलता है सर, ठीक है, ये ध्यान रखना, कुछ चीजें है जो ध्यान रखना सर, ठीक है, ट्रायल रन के केस में भी डेप्रिसिएशन मिलता है सर, ठीक है। अच्छा, डेप्रिसिएशन में मेरे को जो लगता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है गुडविल, क्योंकि गुडविल पे डेप्रिसिएशन मिलता नहीं है सर, जैसे अपन पढ़ते हैं ना इंटेंजिबल एसेट्स पे 25% का डेप्रिसिएशन रेट है सर, गुडविल पे नहीं है सर, गुडविल पे कोई डेप्रिसिएशन नहीं है, तो ये चीज को ध्यान रखना है कि सर लास्ट प्रीवियस ईयर 1920 तक गुडविल पे डेप्रिसिएशन था, उसके बाद गुडविल से डेप्रिसिएशन हट चुका है सर, तो आप तो 23-24 में बैठे हो सर, आप लोग के टाइम तो गुडविल पे डेप्रिसिएशन की बात ही नहीं आती है सर, ठीक है। डेप्रिसिएशन क्लेम करना मैंडेटरी है सर, रेट्स तो सब बुक्स वगैरह में दिए हुए सर। डेप्रिसिएशन क्लेम करने के लिए जो एसेट की एक्चुअल कॉस्ट है, याद है सर, एसेट की एक्चुअल कॉस्ट सेक्शन 43 सब सेक्शन 1 में हम निकाल देते सर, जिसमें बोलते थे सर 10,000 से ज्यादा कैश पेमेंट नहीं होना चाहिए सर, उससे ज्यादा होगा तो वो एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा सर, ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना। इसके बाद कॉस्ट निकालने का तरीका भी होता था हमारा, परचेस प्राइस प्लस करते हैं जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो एसेट से रिलेटेड लगे, ठीक है, फिर ऐड करेंगे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कब तक का सर, एसेट को पुट, इस पॉइंट को लेके जबरदस्त क्वेश्चन पूछी थी इंस्टीट्यूट, कंसेप्ट चेक कर दी थी, 2 मार्क्स का एमसीक्यू था, एमसीक्यू में चेक करी थी कि सर पुट टू यूज से पहले का जो भी इंटरेस्ट है वो एसेट की कॉस्ट में ऐड होता है, पुट टू यूज के बाद का इंटरेस्ट पीएल अकाउंट में रेवेन्यू नेचर में क्लेम करते हो, तो जब आप एसेट की कॉस्ट में ऐड करते हो तो डेप्रिसिएशन भी तो बढ़ जाएगा ना सर, यही इंस्टीट्यूट ने चेक किया था, इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन ऐसे ही फ्रेम किया था, उसमें इंटरेस्ट दिया था, पुट टू यूज के पहले का इंटरेस्ट भी दिया था और बाद का भी दिया था, और इंस्टीट्यूट ये चेक कर रही थी कि बच्चा डेप्रिसिएशन कितने अमाउंट पे निकालता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनाई थी, 2 मार्क्स का था वो, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, ठीक है। बाकी ये तो ठीक है, सिंपल है, लेस अमाउंट ऑफ ड्यूटी ऑफ एक्साइज और एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम, ये लेस हो जाएगा, लेस गवर्नमेंट वगैरह से आपको कोई ग्रांट सब्सिडीज वगैरह मिलती है तो ये भी लेस हो जाती है, ये वाला पॉइंट इसके साथ एक्यूमुलेट किया था इंस्टीट्यूट ने, ठीक है, जो 2 मार्क्स का एमसीक्यू बनाया था उसमें ये इसको एक्यूमुलेट करके चेक करे थे कि सब्सिडी और ग्रांट बच्चा रिड्यूस करता है कि नहीं, करेगा ना, क्यों नहीं करेगा, ये आपकी कॉस्ट रिड्यूस करता है सर। फिर एड और लेस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से रिलेटेड फ्लक्चुएशंस होते हैं, फॉरेन करेंसी से रिलेटेड फ्लक्चुएशंस होते हैं, अगर बढ़ गया रेट, 50 में खरीदा था 51 हो गया तो ऐड करूंगा, 50 में खरीदा था 49 में पेमेंट्स कर रहा हूं तो सर क्या होगा, लेस होगा, ये ध्यान रखना, इसकी प्रैक्टिस भी किए, मतलब क्वेश्चन एक प्रैक्टिस भी किए सर। फिर आती है WDV वाली बात, पूरी लड़ाई तो इस पे खेलते हैं, याद है पन, खोखा है खोखा नहीं है, याद आया वो कहानी, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती थी, याद रखना, उसमें मैं आप लोग को ऐसे चार्ट बनवाया था, याद है, ये ऐसे करके चार्ट था हमारा, रेगुलर क्लासेस में बने थे सर, जहां पर हम बोले थे सर ब्लॉक एग्जिस्ट, ब्लॉक सीजेस टू एग्जिस्ट, ब्लॉक एग्जिस्ट है उसके अंदर भी 2 कहानी थी, याद आई कहानी सर, बहुत सारी चीजें बोले थे, ब्लॉक में सर एसेट्स 5 पड़ी है, 1 आपने और खरीद लिया, 8 लाख की एसेट है, 2 लाख की और खरीदा, बेचा सर मान लो 4 एसेट है तो सर 6 लाख में बेचा, ये 2 लाख पे क्या क्लेम करेंगे अपन, डेप्रिसिएशन, याद आया। फिर वही बात सर, 5 एसेट है, 8 लाख की पड़ी हुई है, 1 एसेट आपने 2 लाख की खरीदी, 4 एसेट बेची, 4 एसेट आपने 12 लाख में बेच दी सर, तो 2 लाख क्या आ जाएगा सर, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, याद आया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। यहाँ पर तो ब्लॉक एग्जिस्ट ही नहीं करता सर, जहां ब्लॉक सीजेस टू एग्जिस्ट है वहां याद रखना, या तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस या तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, यहाँ डेप्रिसिएशन वाली बात ही नहीं आती है सर, याद आया ना, ब्लॉक सीजेस टू एग्जिस्ट मतलब पूरी एसेट बेच दी हो आप, 1 एसेट नहीं बचाए हो,
आई बात याद आई, टैक्स कोई नहीं भूलता, बस फर्क ये है कि रिवाइज करने की जरूरत होती है। टैक्स कैसे भूल जाओ, ऐसे कैसे भूल जाओगे सर टैक्स? कोई आदमी अनपढ़ थोड़ी क्या है, जो इतना मेहनत से पढ़ा है क्लासेस 3 4 महीने, भूलोगे कुछ नहीं। आपको सिर्फ रिकॉलिंग चाहिए, बार बार रिविजन चाहिए, क्योंकि नया सब्जेक्ट है, रिविजन होगा तो याद आते रहेगा। आप रिवाइज करते रहो, ये भूलता ही नहीं आदमी, कैसे भूल जाएगा, ऐसे कैसे भूल जाओगे सर? आप लिख के ले लो मेरे से, अभी आप लोग इंटर में पढ़ रहे हो, चैलेंज है 2 साल, तो आप फाइनल में पढ़ोगे नहीं सर? अभी फाइनल तो 2 साल बाद होगा ना सर, आप चैलेंज है 2 साल बाद भी आप पीजीईपी का ये सुनोगे? आपको क्या लगता है फाइनल में पीजीईपी नहीं है? ऐसा हो ही नहीं सकता सर, है पूरी एक बुक है इसकी। तो सर फाइनल में पीजीईपी जब रहेगा तो बेस तो यही रहेगा, आपको क्या लगता है डेप्रिसिएशन वहां बदल जाएगा सर? कहानी तो यही रहेगी, आप ऐसे कैसे भूल जाओगे? आपको याद आएगी चीजें, कैसे नहीं आएगी? आप एग्जाम दिए रहोगे वो चीज याद आएगी। बस ये है कि रिविजन होनी चाहिए, जितनी ज्यादा रिविजन होती है उतना ज्यादा याद रहता है वो। इसलिए बोलते हैं चलते फिरते संडे वनडे कभी भी बैठो, उठाए बुक फटाफट फटाफट एक बार ऐसे पेज पलट लिए, देखा हुआ रहता है ना तो चीजें रिकॉर्ड रहती है, नहीं देखोगे तो चीजें भूल जाओगे, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। एक बार अकाउंट्स ना भी भूलो, क्योंकि प्रैक्टिकल होता है, कॉस्ट ना भी भूलो प्रैक्टिकल होता है, बट लॉ टैक्स ऐसा है थ्योरी है, नहीं देखोगे एक बार तो भूलते जाओगे, दिमाग से स्किप होते जाएगा, ठीक है। उसके बाद डब्ल्यू डी बी ऑफ इन केस ऑफ लॉक ऑफ एसेट कैसे निकालते हैं सर? सिंपल सी बात है, डब्ल्यू डी बी एट द बिगनिंग एड करते हैं सर, जितनी भी एसेट हमने परचेस किया बस गुडविल नहीं आएगी सर, गुडविल आना ही नहीं है सर। लेस जितनी भी एसेट हमने बेची, स्क्रैप करी, डिमोलिश करी, जो भी करी सर, एसेट्स निकाल दो बाहर और गुडविल को बाहर निकाल दो सर, क्योंकि 1920 के बाद 1920 उसके बाद से गुडविल पे डेप्रिसिएशन नहीं मिलता, तो गुडविल को खोखे से बाहर निकाल दो सर, अगर पहले से पड़ी होगी तो, नहीं पड़ी होगी तो मत छूना, ठीक है। अभी भी इंस्टीट्यूट गुडविल से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं पूछी है, पता नहीं अभी तक टच क्यों नहीं करी, अनटच टॉपिक है सर। और ऐसा नहीं है नहीं आएगा, अमेंडमेंट कब से हो चुका है, ये फाइनेंस एक्ट 21 का अमेंडमेंट है, आप 23 का अमेंडमेंट पढ़ लो सर, बहुत पहले का ये, पता नहीं क्यों नहीं पूछी अभी तक, बट पूछेगी किसी ना किसी दिन, तो इसको लेके जरूर पूछेगी सर, ठीक है। डब्ल्यू डी बी एट द एंड ऑफ द ईयर लेस डेप्रिसिएशन वगैरह करते हैं तो डेप्रिशिएटेड वैल्यू आ जाती है, आया समझ? डब्ल्यू डी बी इन केस ऑफ स्लम सेल सर, स्लम सेल हम यहाँ कवर नहीं करते सर, सेक्शन 50B होता है वो कैपिटल गेन में अच्छे से कवर होता है सर, यहाँ छोड़ देते हैं हम इसको, ठीक है। फिर हमने बोला सर कोई एसेट अगर एग्रीकल्चर पर्पज के लिए पार्टली यूज हो रही है और पार्टली बिजनेस पर्पज के लिए, तो जितना एग्रीकल्चर पर्पज के लिए वो डेप्रिसिएशन हम क्लेम नहीं कर सकते, जो बिजनेस पर्पज वाला है वही क्लेम कर पाएंगे सर, ठीक है। फिर इन केस ऑफ सक्सेशन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, याद है ना सर मैंने बोला था सर अगर सक्सीड हो जा रहा है बिजनेस तो उस केस में सर ऑन द बेसिस हम बायफर्केट कर देंगे, जो जितना एसेट को यूज करेगा ना वो उतना डेप्रिसिएशन क्लेम करेगा। याद करो अपन रेगुलर क्लासेस में क्वेश्चन भी किए इसके, जहां पर सर एक कंपनी दूसरे कंपनी के साथ जाके अमालगमेट हो जा रही है या वो नई कंपनी बना के ट्रांसफर कर रहा है एसेट्स, तो हमने क्या बोला जितने टाइम तक सोल प्रोप्राइटर है उतने टाइम तेरा डेप्रिसिएशन, और उसके बाद डेप्रिसिएशन किसका हो जाएगा? कंपनी का। ये ब्लॉक एग्जिस्ट खोखा वाला मैंने अभी आपको बताया सर, सेक्शन 43 है, इसमें सिंपल याद रखना फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, बट याद रखना वो फ्लक्चुएशंस पेमेंट के टाइम देखे जाते हैं, नॉट एवरी टाइम। अगर पेमेंट के टाइम फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशंस है और अगर पेमेंट के टाइम में डिफरेंसेस हैं, जैसे मान लो मैंने जब बुक किया था एसेट तो ₹50 चल रहा था डॉलर, और मान लो जब पेमेंट कर रहा हूँ पेमेंट के टाइम पे अगर 48 है तो कम हो गया है, पेमेंट कम करना पड़ेगा, डब्ल्यू डी बी से रिड्यूस कर देना एसेट की। अगर सर क्या बोलते हैं पेमेंट के टाइम 50 से 52 हो गया है तो ₹2 ऐड कर देना, बट पेमेंट के टाइम देखना, बाकी टाइम चाहे कुछ भी हो जाए रेट में कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ पेमेंट के टाइम ध्यान देना, ठीक है। इसके बाद आई थी बात तो ये सीएमए वालों के लिए था सर, टैक्सेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज या आईसीडीएस के बेसिस में, इसका भी इतना कुछ खास रिलेवेंस नहीं था। अपोर्शनमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन मैंने बताया था सर, अमेलगमेशन, डीमर्जर, बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, तो सर जो जितना एसेट को यूज करेगा उसके बेसिस में अपन डेप्रिसिएशन को क्या कर देंगे? बायफर्केट कर देंगे सर। एडिशनल डेप्रिसिएशन, दिस इज अ ग्रेट रिलेवेंस। रीजन क्या है सर? क्योंकि आप समझो सर, ये 115BAC को भी टच करेगा, क्योंकि 115BAC के हिसाब से एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता है, ठीक है। वो मैं आपको जब क्वेश्चंस कराऊंगा तो पूरी चीजें एक साथ बता के लिखवा दूंगा, अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से एडिशनल डेप्रिसिएशन सीखो। एडिशनल डेप्रिसिएशन वेरी इंपॉर्टेंट सर, न्यू प्लांट एंड मशीन में होता है पहली चीज, ठीक है, एकदम क्रिस्टल क्लियर रखना। ऐसे एकदम ना आखिरी में ऐसे कंसेप्ट याद रखते हैं हम, पूरा थोड़ी खोद खोद के एक एक लाइन पढ़ता है आदमी, पहली बार आप जितना डिटेल पढ़ना है पढ़ लो, आखिरी टाइम ऐसे याद रखते हैं सर। एडिशनल डेप्रिसिएशन न्यू प्लांट एंड मशीन अदर देन शिप्स एंड एयरक्राफ्ट सर, कोई भी पर्सन जो मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल और थिंग में होगा सर, या पावर जनरेशन वाला होगा तो उसको भी हम एडिशनल डेप्रिसिएशन दे देते हैं सर, ठीक। फिर हमने एडिशनल डेप्रिसिएशन कितना बोला सर? 20% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द एसेट, याद रखना सर, डब्ल्यूडीबी मत ले लेना, पंगा हो जाएगा सर। एडिशनल डेप्रिसिएशन सिर्फ पहले साल मिलता है सर, उसके बाद नहीं मिलेगा एडिशनल डेप्रिसिएशन। और सर अगर आप धोखे से पहले साल 180 डे से कम एसेट यूज किया ना सर, तो आप डेप्रिसिएशन आधा ले लो सर, 10% बचा हुआ बैलेंस आप नेक्स्ट ईयर ले लेना सर,
आ रही बात समझ? और ये बचा हुआ जो 10% है ना, इसमें भयानक लोग गलती करते हैं, बचा हुआ जो 10% है वो पहले साल वाली जो कॉस्ट थी ना उसी का 10% रहेगा सर। आप ये मत करना नेक्स्ट ईयर WDV का 10% कर दी, वो तो फंगा हो जाएगा सर। आई बात समझ? ये बहुत सारी ज्यादा, ये बहुत सिंपल सिंपल सी बात है एडिशनल डेप्रिसिएशन की, जो याद रखना चाहिए। उसके बाद हमने बोला सर कुछ केसेस यहाँ पर एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता सर, अगर सेकंड हैंड है तो बिल्कुल नहीं मिलेगा सर, अगर ये ऑफिस अप्लायंसेज है, रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, नहीं मिलेगा सर, ऑफिस प्रीमाइसेस में प्लांट एंड मशीन इंस्टॉल्ड है, रेजिडेंशियल अकोमोडेशन, गेस्ट हाउस तो नहीं मिलेगा, या ऐसी कोई प्लांट एंड मशीन जिसकी एक्चुअल कॉस्ट आपने पूरी क्लेम कर चुकी, याद है सर सेक्शन 35 AD, ये दोनों केसेस में आप पूरा क्लेम करके बैठे हो तो एडिशनल वो देंगे नहीं सर। आई बात समझ? बैठा दिमाग में इतना ही एडिशनल डेप्रिसिएशन। फिर हमने अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन पढ़ा, ये कब काम आता है सर पता है? जब सेट ऑन सेट ऑफ के क्वेश्चन आते हैं सर, जब सेट ऑन सेट ऑफ के क्वेश्चन आते हैं ना तब अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन का बहुत यूज है, क्योंकि अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन एक ऐसी चीज है जो सबसे एडजस्ट हो जाती है, सबसे ये लास्ट में एडजस्ट करेंगे, क्योंकि ये इनफाइनाइट पीरियड कैरी फॉरवर्ड होता है सर, इसको अपन लास्ट में एडजस्ट करते हैं, और लास्ट में एडजस्ट करते हैं ना सर तो सैलरी के अलावा सबसे एडजस्ट करते हैं, सबसे बोल रहा हूँ मीन्स कैपिटल गेन भी आएगा पिक्चर में, याद रखना सर। पता है लोग, मैं बता रहा हूँ, जब सेट ऑन सेट ऑफ का क्वेश्चन करते हैं लोग यही मिस्टेक कर देते हैं, अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन को वो कैपिटल गेन से एडजस्ट ही नहीं करते, क्यों? क्योंकि उनके दिल से फीलिंग ही नहीं आती है, उनको लगता है यार डेप्रिसिएशन PGAP का है, रेवेन्यू नेचर है, ये तो कैपिटल नेचर है, एडजस्ट कैसे होगा? होगा सर, क्यों नहीं होगा, सिर्फ सैलरी के अलावा सबसे होगा ये। आई बात समझ? ध्यान रखना सर, ठीक है। रिटर्न नहीं भी फाइल करोगे तो भी अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो, उसका कोई दिक्कत नहीं है। डेप्रिसिएशन केस ऑफ पावर जनरेटिंग यूनिट, ये भी पढ़े थे सर, याद है पावर जनरेटिंग यूनिट, इनको तो सरकार ने ऑप्शन भी दिया भैया, तुम SLM या WDV दोनों ऑप्ट कर सकते हो सर, ठीक है, याद है ना सर। बट ये किसके ऊपर अप्लाई नहीं होता सर, ऐसा कोई पर्सन जो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर पे है उसके ऊपर ये अप्लाई नहीं होगा सेक्शन। मतलब अगर आप पावर जनरेशन ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो चलेगा, जनरेशन कर रहे हो चलेगा, जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो चलेगा, पर सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन के तो नहीं चलेगा, तो आपको ये सेक्शन नहीं मिलेगा, मतलब आपको SLM और WDV का ऑप्शन नहीं मिलेगा सर। आई बात समझ? पूरे इंडिया में WDV ही चलता है सर, सिर्फ ये पावर जनरेटिंग वाले एक्सेप्शन है जिनको SLM का भी ऑप्शन दिया जाता है सर। यहां पर हम जब पावर जनरेटिंग के लिए बात करते हैं तो इनको सरकार ने थोड़े बेनिफिट एक्स्ट्रा दिए सर, याद है इसमें वो तीन सिचुएशन लिखवा रहा था, 10 लाख की एसेट कॉस्ट, ठीक है, WDV इसकी 9 लाख हो गई है, याद आया सर, ये 8 लाख में बेच दिया, सेल किया 8 लाख में, तो 1 लाख क्या आ जाता था सर, टर्मिनल डेप्रिसिएशन, याद आया। फिर ये अगला केस होता था 9.5 लाख में बेच दिया तो 50,000 क्या आ जाता था, बैलेंस चार्ज, याद आया। और अगला केस होता था 12 लाख में बेच दिया सर, सीधा कैपिटल गेन थोड़ी के सर, पहले तो सर 1 लाख का क्या आ जाएगा सर, 1 लाख का बैलेंस चार्ज और 2 लाख का कैपिटल गेन, याद आया। ये हम रेगुलर क्लासेस में सर इसके एग्जाम्पल सही प्रॉपर पढ़े थे सर, कोई भी चीजों को याद रखने का तरीका ज्यादा अच्छा रहता है एग्जाम्पल क्वेश्चन से याद रहती है, कितने कंसेप्ट से याद रख लोगे, छोटा थोड़ी के सर इनकम टैक्स GST बहुत बड़ा होता है सर, ठीक। ये कुछ टॉपिक्स CMA वालों के सर, साइट रिस्टोरेशन फंड, ये CMA वालों के टॉपिक्स होते हैं, जहां पर CMA वाले पढ़ते सर कि अगर कोई पर्सन ऐसा है जो बिजनेस कर रहा है सर फॉर प्रोस्पेक्टिंग ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं पेट्रोलियम नेचुरल गैस बोथ इन इंडिया, आप रिलायंस की बात करो ना सर, रिलायंस इसमें कवर होता है ना सर, जिसका गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट है, पैसा डिपॉजिट करके रखता है और जितना उस पैसे में उसको इंटरेस्ट मिलता है वो इंटरेस्ट को भी वो डिपॉजिट माना जाता है सर। टाइम ऑफ डिपॉजिट एंड प्रीवियस ईयर एंड होने से पहले इनको बुक्स वगैरह अकाउंट्स की ऑडिट करवाना पड़ता है, इनके लिए CMA वालों के लिए ये आता है सर क्वांटम ऑफ डिडक्शन, क्योंकि MCQ होता है तो जितना अमाउंट डिपॉजिटेड है या 20% ऑफ द प्रॉफिट, दोनों में व्हिचएवर इज लोअर मिनिमम है सर, ठीक। अगर आप ज्यादा डिपॉजिट करते हो तो उसको एक्सेस डिपॉजिट को माना नहीं जाता, कुछ केसेस में इनको भी रेस्ट्रिक्ट किया गया है सर कि आप जो पैसा डिपॉजिट कर रहे हो उस पैसे को गलत जगह यूज नहीं कर सकते, आप कुछ पर्पस के लिए यूज नहीं कर पाओगे, ऑफिस अप्लायंसेज, रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल, रेसिडेंशियल। अगर आप ध्यान दो तो ये एडिशनल डेप्रिसिएशन में जो केसेस आते हैं ना सर, शुरू के 3 केस तो वही है, सेम है, ठीक है। चौथा वाला है सर जहां पर इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग फॉर प्रोडक्शन इज Schedule 11, Schedule 11 में वो बीड़ी पत्ता टबैको प्रोडक्ट्स है वो सब आपको बनाने नहीं देगी कंपनी, गवर्नमेंट ये सब बनाने नहीं देगी आपको सर, ठीक है। अगर आप विड्रॉ किए तो टैक्सेबल हो जाएगा, आप वो एसेट को बेच नहीं सकते, वो एसेट 8 साल कम से कम यूज करना ही पड़ेगा सर, नहीं तो जो आपको पहले डिडक्शन मिली है साइट रजिस्ट्रेशन फंड के नाम से वो अब टैक्सेबल हो जाएगी। ये CMA वालों का है सर, ठीक, CA वालों का नहीं है, CA वालों का फिर से ये है, बाकी सब चीजें कॉमन सेम है, कुछ टॉपिक एक्स्ट्रा है सर। जब आप लोग फाइनल में जाओगे तो आप लोग भी ये साइट रजिस्ट्रेशन फंड पढ़ोगे सर, फाइनल में सभी पढ़ते हैं, CA वाले भी पढ़ते हैं सर, ठीक है। सेक्शन 35, इसको तो हम जन्नत याद रखे थे, एकदम प्यारा है, छोटा सा एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड याद रखे थे, साइंटिफिक रिसर्च सर 100% मिल जाता है सर, 100% मिलेगा। अच्छा,
सर साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड हमने ये बोला था सर, अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर बिजनेस स्टार्ट करने से पहले के 3 साल के रहेंगे तो भी मिल जाएंगे। रेवेन्यू नेचर का भी खर्चा रहेगा, पहले 3 साल का तो मिल जाएगा, बट रेवेन्यू के लिए सर रिस्ट्रिक्शन है, 2 ही टाइप के मिलेंगे सर, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल और एक सैलरी मिलेगी सर, याद आया, ये 2 ही मिलेंगे पिछले 3 साल के, इससे अलावा कुछ और नहीं मिलेगा सर। आप सर साइंटिफिक रिसर्च में लैंड का खर्चा नहीं क्लेम कर सकते, बिल्डिंग तो एक बार क्लेम भी कर लोगे, लैंड का खर्चा क्लेम नहीं कर पाओगे। आई बात समझ, एग्जाम में इसको ऐसे ही याद रखना सर, ठीक है, पूरा डीप में पढ़ पढ़ के एकदम आखिरी दिन घुस मत जाना, खत्म ही नहीं होगा, विश्वास करो खत्म ही नहीं होगा। मैं आपको एक बता रहा हूं, आप कभी किसी दिन खाली बैठोगे ना तो एक काम करना, किसी दिन ना सिर्फ पीजीपी को कंप्लीट करके दिखाना कितना टाइम लगता है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप ये समझो हमें डेढ़ दिन मिलता है, अगर कोई छुट्टी आ गई तो अलग मैटर है, नहीं तो 1.5 ही दिन मिलेगा सर, इनकम टैक्स और जीएसटी, कड़वा सच। 15 चैप्टर जीएसटी के और इसके 14 चैप्टर, 29 चैप्टर करना होता है, बाप है ये बाप है। इसके लिए अगर आप पहले से पढ़ के मेहनत करके नहीं रखे तो याद रखना सर यही लास्ट पेपर है, सरेंडर करोगे इसी पे जाके सरेंडर कर दोगे। अकाउंट्स पहला है, कितना भी लेंदी हो जाए कोई घंटा फर्क पड़ता है, शुरू के 8 दिन अकाउंट्स पढ़ लो, दे दो आराम से, ठीक है। लॉ में इतना, लॉ इतना बड़ा है, इसका आधा नहीं है सर, लॉ आधा नहीं है, नखून पे नहीं लगता लॉ इसके, आराम से हो जाएगा। टैक्स एक ऐसा है सर कि आपको मतलब आओगे सांस लेने का भी टाइम नहीं, आओ आधी घंटा सो खाओ पियो उठो चुपचाप कुत्ते सरीके पढ़ना चालू कर दो और तब तक पढ़ते रहो जब तक रात तक जीएसटी खत्म नहीं होता। रात को जीएसटी खत्म करके ही सोना पड़ेगा आपको, तभी आप अगले दिन सवेरे से इनकम टैक्स उठा सकते हो सर। रात के 2-3 बजेंगे पर आपको खत्म करना होगा जीएसटी, जीएसटी खत्म किए अगले दिन सवेरे उठे 8-9 बजे से जो टूट पड़े ये मान के चलना कि रात के 12 के पहले इनकम टैक्स खत्म नहीं होगा। फिर सवेरे उठे अगले दिन नेक्स्ट वो एग्जाम वाला दिन, सवेरे 6 बजे से जो चालू हुए अमेंडमेंट देखना, क्योंकि आप अमेंडमेंट वाले हो सर, मे अटेम्प्ट है अमेंडमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, छोड़ ही नहीं सकते। अमेंडमेंट के लेक्चर देखो, नोट देखना, जो देखना देखो, 6 से 8 बजे तक ये देखना स्टार्ट किए, फिर 8 बजे से फ्री हुए 8 से 12 बजे तक आरटीपीज एंड एमटीपीज देखना स्टार्ट किया और फिर सीधा एग्जाम देने चले। आपको टैक्स के पेपर में सांस लेने का भी समय नहीं मिलेगा, अगर टैक्स के पेपर में कोई 2-3 घंटा भी बीच में आराम करने चले गया गया, क्योंकि उसका कुछ ना कुछ छूटेगा, इतना बड़ा है। आप ट्राई करके देख लो, आप किसी दिन मतलब अपने आप को चेक करना है ना कि हम कितने देर में कंप्लीट कर पा रहे हैं, एक दिन करके देख लो, सिर्फ पीजीपी खत्म करके देख लो, छोड़ो बाकी दुनियादारी में, तो बोलो ना 2 ही खत्म करके दिखा दो, पीजीपी और कैपिटल गेन। इसीलिए बोलते हैं बार बार टैक्स का रिविजन जरूरी है, ताकि आखिरी दिन जब आप पीजीपी पढ़ो तो ये 1-1.5 घंटे से ऊपर नहीं लेना चाहिए सर। आज समझो ना 14 चैप्टर है ना इनकम टैक्स में, चलो 13 मान लो जैसे इच्छा हो, 13 मान लो, 13 चैप्टर है इनकम टैक्स में, 13 चैप्टर को अगर मैं आधी आधी घंटा भी मानता हूँ है ना, एकदम गिरी हालत में आधी घंटा भी मानता हूँ, तो कितना होता है सर 6.5 घंटे तो नॉन स्टॉप होंगे तब खत्म होगा, और पीजीपी आधी घंटे में हो जाएगा, नहीं होता, कैसे होगा सर? पीजीपी कैपिटल गेन टीडीएस नहीं हो सकता आधी घंटे में, मैं बता रहा हूँ ये चैप्टर आधी घंटे में हो ही नहीं सकते। हाँ क्लबिंग सेट ऑन सेट ऑफ बोला आधी घंटे में आराम से हो जाएगा, विद क्वेश्चन भी हो जाते हो तो ये नहीं हो सकते, हो ही नहीं सकते। तो आप समझो सर 6.5 घंटे तो हो ही नहीं पाएगा 6.5 घंटे में। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको सचेत कर रहा हूं, अभी से तैयार हो जाओ सर, नहीं तो बहुत सारी दुनिया में लोग ऐसे थे चैप्टर्स छोड़ के जाते हैं, पहले तो बहुत पढ़ लेते हैं फिर आखिरी दिन चैप्टर्स छोड़ के जाते हैं, बहुत लोग छोड़ के जाते हैं, तो इसीलिए पहले से तैयारी करो सर। फिर हमने बोला सर साइंटिफिक रिसर्च की अगर एसेट है तो उसको अगर आप यूज करते हो तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या हो जाती है? नील। कल के दिन अगर आप उसको बेचने चले गए तो सिंपल सी बात है सर, जितने में आपने खरीदा था उतने में ही अगर आप बेच रहे हो तो वो पूरी बिजनेस इनकम हो जाएगी, और अगर उससे ज्यादा में बेच रहे हो तो सर कैपिटल गेन हो जाएगा। मतलब 5 लाख की एसेट 5 लाख में ही बेचा तो 5 लाख क्या आ जाएगा मेरा पीजीपी की इनकम, 7 में बेच दिया तो 2 लाख क्या हो जाएगा कैपिटल गेन, 5 लाख पीजीपी की इनकम, समझ आया? ठीक है। फिर सेक्शन 35AD इसका भी रिलेवेंस बनता है सर, 115BHT के हिसाब से कल बताऊंगा सर। सेक्शन 35AD साइंटिफिक ये स्पेसिफाइड बिजनेस वाली बात है सर, ये ऑप्शन है, आपको लेना है लो, नहीं लेना है मत लो सर। 35AD ये बोलता है सर अगर आप स्पेसिफाइड बिजनेस कर रहे हो तो आपको हम 100% ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर अलाउ करेंगे, बट 100% ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा उसमें 3 चीजें नहीं आती सर, लैंड गुडविल एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ये 3 चीजें बाहर है, बाकी हम सब आपको दे देंगे। आप कोई भी एसेट सर जो 35AD के लिए यूज करो 8 साल यूज करना, आप 8 साल के पहले बेच नहीं सकते। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर करोगे वो कैश में नहीं होना चाहिए सर, 10,000 से ज्यादा कैश नहीं होना चाहिए, ठीक है, याद आया? अगर आपको डिडक्शन क्लेम करना है तो सर बिजनेस बाय स्प्लिटिंग नहीं होना चाहिए, रिकंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए सर, पुराना प्लांट एंड मशीन यूज करो ना सर, बट 20% से ज्यादा यूज मत कर लेना सर, सही बात यार।
ठीक है सर, अगर आपने एसेट कोई और पर्पस के लिए यूज करी तो सरकार बोली पहले ये बता तू कितने साल स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए यूज किया, मैं बोला 2 साल, तो सरकार बोली कितने की एसेट थी, मैं बोला 100 करोड़ की, सरकार बोली 100 करोड़ माइनस 2 साल का हम डेप्रिसिएशन माइनस करवा देंगे, बचा हुआ जो बैलेंस अमाउंट आएगा वो बैलेंस अमाउंट हम तेरा क्या कर देंगे, पीजीपी में टैक्सेबल कर देंगे सर, क्योंकि तूने उसको अदर स्पेसिफाइड पर्पस के लिए यूज कर लिया, जबकि देखो 8 साल के पहले यूज नहीं करना चाहिए था, ठीक है। फिर दो जगह आप डिडक्शन ले नहीं सकते सर, और अगर मान लो स्पेसिफाइड बिजनेस से लॉस आ रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस है, क्या स्पेसिफाइड बिजनेस से इनकम से एडजस्ट होगा, यस, पर क्या दूसरा लॉस क्या स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम से एडजस्ट हो सकता है, यस, ये मैंने लिखवाया है सर, सेट ऑन सेट ऑफ में लिखवाया है क्लासेस में, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा लॉस स्पेसिफाइड से एडजस्ट हो सकता है, स्पेसिफाइड का लॉस कहीं और नहीं बच सकता सर, ठीक है। ये जब सेट ऑन सेट ऑफ का क्वेश्चन करते तो स्टूडेंट ये भी गलती करते, ये भी हुई है गलती लोगों से, ठीक है। इसके बाद ये सीएमए वालों के लिए टॉपिक होता है सर, अमोर्टाइजेशन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस फीस। सर टेलीकम्युनिकेशन ये 2G, 3G, 4G, 5G का लाइसेंस, सरकार ने बोला भैया जितने अमाउंट का लाइसेंस अपॉन जितने नंबर ऑफ इयर्स के लिए लाइसेंस लियो आप डिवाइड करके क्लेम कर लो, मतलब मान लो 100 करोड़ का लाइसेंस है एग्जाम्पल, और 10 साल का लाइसेंस है, तो 100 करोड़ डिवाइडेड बाय 10, आप हर साल पीएल अकाउंट में 10 10 10 करके डाल लो। ये आदमी बोला भैया मैं भी तो कल के दिन लाइसेंस बेच सकता हूँ, सरकार बोली ओके तू पहले बता कितने साल यूज किया, मैं बोला मैं 3 साल यूज किया, उसके बाद बेच दिया लाइसेंस, तो 3 साल बाद उस लाइसेंस की वैल्यू कितनी बची, 70 बची ना, उस लाइसेंस की वैल्यू 70 बची, तो सरकार अच्छा ठीक है भाई देख अगर लाइसेंस की वैल्यू तेरी 70 बची तूने कितने में बेचा, मैं बोला मैं 60 में बेचा, बोले 10 जो बचा वो बैलेंस है वो तू क्लेम कर ले और एज एन एक्सपेंस क्लेम कर ले, लॉस क्लेम कर ले टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस वाला, मैं बोला अच्छा कल के दिन अगर मैं ये 80 में बेचता तो, सरकार बोले फिर 10 का तो गेन आ जाएगा तेरा, बिजनेस इनकम हो जाएगी तेरी, मैं बोला अच्छा मान लो 100 का लाइसेंस था 120 में चिपका दिया तो, सरकार बोली 20 का कैपिटल गेन आ जाएगा, आया समझिए, सिंपल ट्रीटमेंट सेम है, ट्रीटमेंट सेम है बट ये अच्छा टॉपिक है, फ्यूचर में आनी तो कल आपको नहीं आते सीएमए वालों के टॉपिक से, सीएमए वालों को आते हैं, एमसीक्यू में भी आते हैं और प्लस क्वेश्चंस में भी आते हैं, सीएमए वालों का तो इसका क्वेश्चंस भी है, क्वेश्चंस की भी वीडियो डाला है मैंने, जो फोल्डर है ना अपना उस पर डाला है मैंने, ठीक है। तो मान लो अगर अमेलगमेशन और डीमर्जर हो रहा है तो सरकार बोली अगर टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस 10 साल का था, मान लो कल के दिन जियो वाला जाके एयरटेल के साथ मर्ज हो जा रहा है, अमालगमेट हो जा रहा है, तो सरकार बोली ठीक है अगर जियो वाले ने लाइसेंस 10 साल के लिए खरीदा था 2 साल यूज किया तो बैलेंस 8 ईयर्स कौन यूज करेगा, एयरटेल, ठीक सिंपल। इसके बाद देखो एक्सपेंडिचर बाय वे ऑफ पेमेंट टू एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन, याद है रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स 35CCA 100% मिल जाता है, नोटिफाइड एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट 35CCC 100%, नोटिफाइड स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट 35CCD 100% मिल जाएगा, बट किसका नहीं मिलेगा, लैंड और बिल्डिंग का नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हमने बोला सर सेक्शन 35D प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये तो बहुत सिंपल है सर, ये सभी के लिए प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, सरकार ने बोला भैया देखो हम इंडियन कंपनी है, पर्सन रेसिडेंट है, इंडिया को दे देंगे, 5 इंस्टॉलमेंट में देंगे, एक बार में तो पूरा खर्चा देंगे नहीं तेरे को भैया, जितना भी तेरा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है बता दे, बट ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस की इन्होंने लिमिट बताई, लिमिट है, आप ऐसा थोड़ी क्या कुछ भी अनसर्न क्लेम कर दोगे सर, सरकार बोली जितना अमाउंट तूने खर्चा किया उसको हम कंपेयर करेंगे कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट या कॉस्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, दोनों का 5%, वो डिपेंड करेगा, अगर कंपनी है तो कैपिटल एम्प्लॉयड वाली कहानी आएगी, और कंपनी नहीं है तो सिर्फ कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट का 5% देखा जाएगा सर, याद है ये हम किए थे सर, इन दोनों में व्हिचएवर इज हायर देखा जाएगा उससे कंपेयर किया जाएगा आपने कितना खर्चा किया, फिर दोनों में व्हिचएवर इज लोअर, जो लोअर आएगा वो मैक्सिमम अमाउंट है सर, उससे ज्यादा तो हम आपको देंगे नहीं सर। अच्छा सरकार ने बोला कुछ हम खर्चे बता रहे सर जिनको आप क्लेम कर सकते हो एज अ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, कुछ हम लिस्ट बता रहे हैं, ये इलस्ट्रेटिव लिस्ट है, इसके अलावा भी हो सकते हैं सर। तो देखो सर फिजिबिलिटी रिपोर्ट है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, कंडक्टिंग मार्केट सर्वे है, इंजीनियरिंग सर्विसेज है, ठीक है, बट ये अमेंडमेंट है जो ग्रीन वाला है वो अमेंडमेंट है, और ग्रीन वाले में इन्होंने क्या बोला सर कि आप जो खर्चा क्लेम करना चाह रहे हो सरकार बोली हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप ये बात का ध्यान रखिए कि सर द सीसी हैज टू फर्निश अ स्टेटमेंट, आप बताओ डिटेल बताओ, आप बता रहे हो आप बोल रहे हो इंजीनियरिंग सर्विसेज लियो लॉ इंजीनियर की रिपोर्ट दे दो, फिजिबिलिटी रिपोर्ट करवाया लो सीएसए फिजिबिलिटी रिपोर्ट की डिटेल्स दे दो हमें, आप जो खर्चा कर रहे हो उसकी हमें वो चाहिए लेखा चिट्ठा चाहिए ताकि वो हम खर्चा दे सके। अब ये कोई इतना बड़ा ड्रास्टिक अमेंडमेंट नहीं किए कि एकदम कुछ चेंज ही हो गया जिंदगी बदल गई है, नहीं ये आपसे क्या करवा रहे हैं सिर्फ प्रूफ ले रहे हैं अब चीजों का, पहले प्रूफ नहीं लेते थे, पहले मैं बोल देता था फिजिबिलिटी रिपोर्ट अच्छा कितने की 5 लाख कहां है डिटेल कहां मांगे, अब ये डिटेल मांग रहे हैं ला
फिजिबिलिटी रिपोर्ट 5 लाख बोल रहे ना, लो दिखा बिल दिखा, ठीक है। पर्टिकुलर ऑफ अबव एक्सपेंडिचर विद इन प्रिस्क्राइब पीरियड टू द प्रिस्क्राइब इनकम टैक्स अथॉरिटी इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म एंड मैनर। इसलिए प्रिस्क्राइब प्रिस्क्राइब कर दी क्योंकि सर एक स्टूडेंट लेवल पे इसका कोई रिलेवेंस नहीं है। जब कोई आदमी प्रैक्टिकली काम करेगा तो प्रैक्टिकली इसका रिलेवेंस होगा, फिर उसको सबमिट करना पड़ेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वगैरह को, बट थियोरेटिकली स्टूडेंट लेवल पे कोई काम नहीं है। लीगल चार्जेस फॉर ड्राफ्टिंग एनी डॉक्यूमेंट मेमोरेंडम आर्टिकल वगैरह, लीगल चार्जेस उनके प्रिंटिंग वगैरह ये सब कंपनी के लिए होता है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फीस, अंडर राइटिंग कमीशन ये सब, या कोई अदर एक्सपेंडिचर है, ठीक है। इसके बाद आपको ऑडिट वगैरह अकाउंट्स करवाना पड़ता है 44AB के हिसाब से। अगर कल के दिन आप ट्रांसफर कर रहे हो अमालगमेशन या डिमर्जर में, तो जितने साल आपने क्लेम किया बैलेंस ईयर सामने वाला क्लेम करेगा, अमालगमेटिंग या रिजल्टिंग कंपनी, ठीक है। डबल डिडक्शन आप ले नहीं सकते, सर्विस यूनिट को भी ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस मिलता है सर। फिर हम पढ़े थे सर वॉलंटरी रिटायरमेंट, याद है सेक्शन 35DDA, याद आया वॉलंटरी रिटायरमेंट, ये तो सैलरी में भी कवर किया अभी रिसेंट में। तो वॉलंटरी रिटायरमेंट का एम्प्लॉयर पैसा देते, बहुत लमसम पैसा होता है, भयानक पैसा देना होता है सर। सरकार बोली हम खर्चा दे देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट एक बार में नहीं देंगे सर, 5 बार में देंगे सर, क्योंकि बहुत बड़े लेवल का खर्चा है सर। और जितना मैंने क्लेम किया है बचा वो बैलेंस अमालगमेटिंग कंपनी या रिजल्टिंग कंपनी क्लेम करेगी। मैं अमालगमेटेड कंपनी, याद है ना सर, मैं डीमर्ज कंपनी, सामने वाला अमालगमेटिंग और रिजल्टिंग कंपनी, ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद था सर ये सीएमए वालों के लिए था, अमोर्टाइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन प्रोस्पेक्टिंग एक्सेट्रा फॉर डेवलपमेंट ऑफ मिनरल्स, ये मिनरल वगैरह से रिलेटेड था। इनके लिए भी सिर्फ रिलेवेंस एक ही चीज का, बाकी सब सेम है, बाकी सब सेम है, जो इन लोग 35E पढ़ते हैं उससे सेम रहता है। बट इनमें इनको एक ही बात याद रखनी कि क्वांटम ऑफ डिडक्शन 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट में मिलता है। जितना खर्चा इन लोग करते हैं 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट में ये खर्चा मिलता है। इससे रिलेटेड इनका भी एमसीक्यू आता है, पूरा क्वेश्चन नहीं आता है। इसके बाद सेक्शन 36, दिस हैज अ ग्रेट रिलेवेंस, इसका बहुत रिलेवेंस है सर, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी है हमारे लिए, सबके लिए क्वेश्चंस है। अभी जो सीएम वालों का पेपर हुआ तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी था सर, पॉइंट्स थे इससे रिलेटेड। इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन स्टॉक स्टोर, ये तो आपको मिल जाएगा सर, आपके बिजनेस से रिलेट करता है सर। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द फेडरल मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी, इनको भी मिल जाएगा। हेल्थ इंश्योरेंस करा रहे हो सर, आप अपने एम्प्लॉइज का करा रहे हो सर, ठीक है, बाय अदर देन कैश, कैश नहीं होना चाहिए सर, कैश नहीं होना चाहिए, तो आपको मिल जाएगा सर। बोनस कमीशन वगैरह पे कर रहे हो सर, ये आपको एम्प्लॉइज को पे कर रहे हो, मिल जाएगा, बट सब्जेक्ट टू सेक्शन 43B हम आगे पढ़ेंगे सर क्या है, ठीक है। वैसे याद है 43B क्या था सर, एक्चुअल पेमेंट बेसिस, जहां पर आप पेमेंट करते हो तो ही खर्चा मिलता है सर, ठीक है। बोनस अगर एक्सीड भी कर स्टैट्यूटरी लिमिट से तो इससे फर्क नहीं पड़ता, सरकार बोलते तो भी हम आपको ये खर्चा दे देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड, ये वो इंटरेस्ट है जो रेवेन्यू नेचर का, ये वो इंटरेस्ट है जो रेवेन्यू नेचर का इंटरेस्ट है सर, ये पुट टू यूज के बाद का इंटरेस्ट है, ये आप क्लेम कर सकते हो सर एसेट का, ठीक है। इसके बाद डिस्काउंट ऑन जीरो कूपन बॉन्ड, सरकार बोली ये भी जितने साल का जीरो कूपन बॉन्ड है अपॉन जितनी अमाउंट का डिस्काउंट है अपॉन नंबर ऑफ इयर्स, जितने साल का जीरो कूपन बॉन्ड आप क्लेम कर सकते हो ये। फिर कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय द एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे सर टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, अप्रूव सुपर एनुएशन फंड, ये तो सैलरी में हम कवर करते हैं। एम्प्लॉयर भी कॉन्ट्रीब्यूट करता है, एम्प्लॉय भी कॉन्ट्रीब्यूट करता है। एम्प्लॉयर जो कॉन्ट्रीब्यूट करता है एम्प्लॉय की सैलरी में भी आता है और एम्प्लॉयर को डिडक्शन भी मिल जाता है, कहां पर एक्सपेंस भी मिल जाता है, कहां पीजीईपी में, ठीक है। और जो एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूट करता है वो सर एटीसी में जाकर डिडक्शन ले लेता है, ठीक है, सब्जेक्ट टू 43B होता है। फिर डिडक्शन ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय द एम्प्लॉयर टुवर्ड्स अ पेंशन स्कीम, याद है ATCCD, याद है ना ATCCD 10% तक मैक्सिमम है सर, ठीक है। सम पेड बाय द एम्प्लॉयर टुवर्ड्स एन अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड, ग्रेच्युटी में भी अगर एम्प्लॉयर पे कर रहा है सब्जेक्ट टू सेक्शन 43B रहता है सर। ये वाला पॉइंट याद है, ये हमेशा से इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको पहले भी बताया था सर, याद है इस पॉइंट का ट्रीटमेंट क्या था। जी अगर एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट करने जा रहा है इन सब फंड्स में तो एम्प्लॉय बोलता है भाई तू जाते जाते मेरा भी पैसा ले जा, तू तो डाल ही रहा है मेरा भी डाल देना। तो अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय से पैसा लिया बट उसको अगर उस रिस्पेक्टिव फंड की ड्यू डेट से पहले नहीं डाला, रिस्पेक्टिव फंड मतलब जिस भी फंड में डालने जा रहा है पैसा, जैसे मान लो प्रोविडेंट फंड में जा रहा है तो प्रोविडेंट फंड की ड्यू डेट है नेक्स्ट मंथ की 15th, तो जैसे अभी चल रहा है दिसंबर तो 15 जनवरी तक एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय का पैसा भी डाल देना चाहिए था। बट अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का पैसा नहीं डालता तो उस केस में जो एम्प्लॉय से पैसा मिला है एम्प्लॉयर को वो इनकम ट्रीट की जाएगी सर, एज एन एक्सपेंस क्लेम नहीं कर सकते। बट अगर आपने 15 से पहले एम्प्लॉयर ने उस पैसे को डाल दिया तो वो एज एन एक्सपेंस क्लेम कर सकता है। याद रखना रिस्पेक्टिव फंड की ड्यू डेट है ना, रिस्पेक्टिव फंड की ड्यू डेट, ठीक है। एक बार बताओ ये जो कंडीशन है ये किसके लिए, एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन के लिए कि एम्प्लॉय के, एम्प्लॉयर
सर ये एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन के लिए लिमिटेड, एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन के लिए सेक्शन 43 बी जिंदा है सर, एम्प्लॉयर के लिए 43 बी है, एम्प्लॉय को एम्प्लॉय के लिए ये रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं ताकि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का पैसा लेके बिजनेस में धंधे में यूज करना ना चालू कर दे। भैया जो पैसा उस फंड के लिए दिया गया तुरंत तुम डालो उस फंड में, ठीक है, और एम्प्लॉयर को बोला क्या सुन बे तेरा जो कॉन्ट्रीब्यूशन है उसके लिए सेक्शन 43 भी जिंदा है, तू या तो इस साल डाल ले तो इसी साल मिल जाएगा, नहीं डालेगा ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग तो अगले साल देंगे तेरे को ये खर्चा, तू जब डालेगा तब देंगे ये खर्चा, याद रखना सर ये एम्प्लॉय के लिए है ना, कंफ्यूज नहीं होना, एम्प्लॉयर के लिए तो अभी भी 43 भी जिंदा है, ये एम्प्लॉय के लिए लड़ाई लड़ रहे थे हम, ठीक है। इसके बाद अगला था लॉस इन रिस्पेक्ट ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स यूज फॉर बिजनेस और प्रोफेशन अदरवाइज देन एज अ स्टॉक इन ट्रेड, तो ये आपको डिडक्शन मिल जाती है, बहुत सिंपल है, आप पढ़ सकते हो इसको। फैमिली प्लानिंग वाला प्लीज इसको याद रखेंगे सर, ये सिर्फ कंपनीज के लिए, ठीक है, ये सिर्फ कंपनीज के लिए याद रखना सर। एक्सपेंडिचर ऑन प्रमोटिंग फैमिली, इतने चोर है ना इन लोग, जानबूझ के एग्जाम में क्वेश्चन में क्या करते हैं, फैमिली प्लानिंग का खर्चा दे देंगे आपको, और वो आदमी होगा सोल प्रोप्राइटर तो ये खर्चा मिलेगा ही नहीं। अब स्टूडेंट क्या होता है, लिस्ट में पढ़ता है तो उसको ये याद रहता है ना सर कि अरे यार ये तो मिल जाएगा, नहीं सर ये सिर्फ कंपनीज के लिए होता है, ठीक है। एक्सपेंडिचर ऑन प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग, रेवेन्यू नेचर का 100% एक बार में क्लेम कर लो सर, कैपिटल नेचर का तो 1/5 क्लेम करोगे सर, मतलब 5 बार में क्लेम करोगे। एसटीटी सीटीटी ये अलाउ करते हैं, इससे इन्हें कोई दिक्कत नहीं है सर, और ये सीएमए वालों के लिए एक और एडिशनल ऐड होता है, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट अलाउड है, ठीक है। फिर सीएमए वालों के लिए एक और पॉइंट आता है, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पेशल रिजर्व, अगर स्पेशल रिजर्व में इन लोग पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं तो सर लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, मतलब मैक्सिमम 20% इन लोग को डिडक्शन मिल जाएगी, ठीक है, स्पेशल रिजर्व फंड है सर, ठीक। बैड डेट, इसके बारे में याद है हम बहुत कहानियां पढ़े सर बैड डेट के बारे में, बैड डेट आपको प्रूव नहीं करना पड़ता और एग्जाम में तो इररिलेवेंट है सर, एग्जाम में आप मेरे को ये बताओ, मेरे को तो सीधा सीधा बैड डेट मिलेगा मैं क्लेम कर दूंगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मिलेगा ऐड कर दूंगा, ये रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट मिलेगा ऐड कर दूंगा, ठीक है, मेरे को इस नाम से ही मिला मैं ऐड कर दूंगा, मेरे को सिर्फ बैड डेट अलाउड होगा सर, सिर्फ बैड डेट, ना मेरे को प्रूव करना ना कोई कचर कचर, सिंपल बैड डेट जो भी है वो मैं क्लेम कर सकता हूँ। कल के दिन अगर रिकवर हो गया, चाहे बिजनेस रहे ना रहे, सरकार बोलती है वो बैड डेट रिकवर हुआ है वो टैक्सेबल है सर। कोई मेरे से पूछा कब किस कौन से सेक्शन में टैक्सेबल, मैं बोला सेक्शन 41 जिंदा है, डीम प्रॉफिट याद आया, डीम प्रॉफिट सेक्शन 41 बोलते भैया मैं जिंदा हूँ, भैया अगर पैसा आ गया ना तो कल के दिन वो टैक्सेबल है, बैड डेट रिकवर्ड हुआ तो, याद आया, सिंपल है सर, ठीक है। इसके बाद ये वाला पॉइंट आप याद रख सकते हैं, पता नहीं सीए वालों में पॉइंट हटाया नहीं है बट इस पॉइंट का रिलेवेंस है थोड़ा सा है, कि सर अगर बैंक्स वाले हमेशा प्रोविजन बनाते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाते हैं, है ना, तो अगर वो प्रोविजन बनाया 10 लाख का और एक्चुअल बैड डेट 12 लाख है तो वो 2 लाख एक्स्ट्रा और क्लेम कर सकते हैं बैंक्स वाले, बस आप इतना ही याद रखना। उसके बाद सेक्शन 37 याद है, जनरल डिडक्शन, ये क्या बोलता है सर, भैया अभी सेक्शन 30 से आपने 36 तक जो भी पढ़ा इसके अलावा अगर और कोई खर्चा आपके बिजनेस में तो मैं जिंदा हूँ सर, सेक्शन 37 बोलता है मैं दूंगा वो खर्चा, बस पर्सनल नेचर का मत लाना, कैपिटल नेचर का मत लाना, 30 से 36 जो क्लेम कर लियो वो मत लेने आ जाना, अरे समझ बेटा दिमाग में, ठीक है, बिजनेस और प्रोफेशन पर्पज के लिए होना चाहिए। फिर हमने बोला था सर अगर कोई ऐसा एक्सपेंडिचर है जो ऑफेंसिव पर्पस है या प्रोहिबिटेड पर्पस है तो सरकार बोली हम नहीं देंगे। अच्छा वो खर्चा ऐसा नहीं है कि ऑफेंसिव या प्रोहिबिटेड सिर्फ इंडिया में, इन्होंने बोला सर इंडिया के बाहर भी अगर ऑफेंसिव या प्रोहिबिटेड है तो भी नहीं देंगे, याद है ना सर, अगर कोई ऑफेंस है इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया तो भी नहीं देने वाले सर, याद आया, या सर कोई कंपाउंड करने के लिए ऑफेंस आप कोई खर्चा कर रहे हो इन इंडिया आउटसाइड इंडिया तो भी ये खर्चा आपको नहीं देने वाले सर। ये सब कोई एकदम पूरा क्वेश्चन नहीं बनने वाला, ये एक एक पॉइंट घुसाएंगे बीच में, इन्हीं को लेके एक एक पॉइंट बना देंगे सर। फिर सर आप ये याद है ना डॉक्टर लोग को फ्रीबीज बेनिफिट्स वगैरह प्रोवाइड कर रहे हो वो इलीगल है, सरकार बोली ये सब नहीं देने वाले हम आपको, ये आपको अलाउ ही नहीं होगा खर्चा, बेनिफिट ऑफ परक्विजिट सर, ठीक है। सीएसआर एक्सपेंडिचर नॉट डिडक्टेबल, मैंने आपको बताया था सर, सरकार बोलती है आप मत करो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो भी क्या बोलते हैं आपका बिजनेस चलेगा, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर इन मैगजीन पब्लिश बाय द पॉलिटिकल पार्टी ये भी अलाउड नहीं करते। इलीगल बिजनेस शैल बी अलाउड इज डिडक्शन बाय कंप्यूटिंग इनकम फ्रॉम इलीगल बिजनेस, इलीगल बिजनेस का लॉस इलीगल बिजनेस की इनकम से एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आती है बात सेक्शन 40 की, ठीक है, सेक्शन 40। अब अच्छा एक बात याद रखना, अपन जो सेक्शन 28 में पढ़े ना सर बेनिफिट ऑफ परक्विजिट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस, अब वो जब हम पढ़ते हैं ना तो उसके साथ ना सेक्शन 194 याद रखना,
194 आर टीडीएस का सर, क्योंकि वो उसके साथ कनेक्ट करता है सर, बेनिफिट ऑफ परक्विजिट 20,000 से ज्यादा हो तो टीडीएस भी डिडक्ट होता है और पीजीपी की इनकम भी है। मेरे को तो याद रहेगा, आप ऐसी कनेक्टिविटी रखना, क्योंकि जब आप लोग टीडीएस रिवाइज करोगे ना, अपन बैठ के जब टीडीएस रिवाइज करेंगे तब ध्यान रखना कि सर 194 आर का इम्प्लीकेशन क्यों, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर टोटल इनकम का क्वेश्चन रहा तो आपको क्या लगता है वो सामने से बोलेगा भाई इसका टीडीएस का इम्प्लीकेशन बता, वो नहीं बोलेगा, वो आपको क्या कर देगा बेनिफिट ऑफ परक्विजिट देगा 25,000। आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए, अरे साला सर तो बताया था एपीजीपी की इनकम भी है और 20,000 से ज्यादा है तो सेक्शन 194 आर का टीडीएस इम्प्लीकेशन भी है सर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, यही सब स्मार्टनेस है, यही सब आपको मार्क्स देंगे सर, ऐसी ही कनेक्टिविटी बना के चलना होता है इनकम टैक्स में, इट हैज अ ग्रेट रिलेवेंस, ग्रेट रिलेवेंस सर, ठीक है। चलो सेक्शन 40 जब भी हम बोलते हैं आंख बंद करके दिमाग में एक ही चीज आती है सर, डिसअलायंसेस। इसमें सिंपल सी बात है सर, अगर आप इंडिया से बाहर पेमेंट कर रहे हो, ठीक है, एनी इंटरेस्ट रॉयल्टी फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज एनी अदर सब कुछ भी पे करो, आप इंडिया से बाहर पे कर रहे हो टू अ नॉन रेसिडेंट, ठीक है, या फिर इंडिया में किसी को पे कर रहे हो नॉन रेसिडेंट को, तो सरकार बोली भैया हम आपका 100% एक्सपेंडिचर डिसअलाउ कर देंगे प्रोवाइडेड अगर आपने टीडीएस नहीं काटा है तो। अगर आप टीडीएस काट देते हो ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न तो हम आपको ये खर्चा अलाउ कर देंगे सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मान लो अगर आप टीडीएस काटना भूल गए बट सामने वाले ने उसको अपनी इनकम दिखाया, रिटर्न फाइल करी और उसमें टैक्स भी पे किया, तो सरकार बोली कोई बात नहीं तू टीडीएस काटना भूल गया तो क्या हुआ, सामने वाले से तो हमें वैसे ही मिल गया, हम तेरे को ये एक्सपेंस अलाउ कर देंगे। ये नॉन रेसिडेंट के लिए भी कहानी होती है और दूसरा सर पेमेंट टू रेसिडेंट होता है तो भी यही कहानी होती है, बस अंतर ये होता है सर कि पेमेंट टू रेसिडेंट में पूरा एक्सपेंस डिसअलाउ नहीं होता है, 30% डिसअलाउ होता है। आई बात समझ, बैठा दिमाग में, ठीक है। फिर इनकम टैक्स, अब देखो मेरे हिसाब से इसका रिलेवेंस है क्योंकि ये पूछा नहीं है अभी तक, मई नवंबर में आया नहीं है, कोई बड़ा टॉपिक नहीं, अमेंडमेंट था बट अभी तक पूछा नहीं है, तो इट हैज अ ग्रेट रिलेवेंस कि सर इनकम टैक्स मतलब सरचार्ज और सेस भी आएगा सर। ये इसलिए बोलना जरूरी था क्योंकि इनकम टैक्स डिसअलाउड था, वेल्थ टैक्स डिसअलाउड है, बट लोग क्या करते थे सिर्फ इनकम डिसअलाउ करते थे, सरचार्ज और सेस का खर्चा ले लेते थे। सरकार बोली गधे सरचार्ज भी किस पे लग रहा है, इनकम टैक्स पे तो लग रहा है, तो सरकार बोली सरचार्ज इनकम टैक्स सेस सब डिसअलाउड है, ठीक है। फिर रॉयल्टी वगैरह पे कर रहे हो भाई स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग टू स्टेट गवर्नमेंट, ये डिसअलाउड होता है। सैलरी इंडिया से बाहर पे कर रहे हो टीडीएस नहीं करते तो डिसअलाउड होता है। कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एम्प्लॉयर वेलफेयर फंड, ये भी डिसअलाउ होता है। टैक्स ऑन नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स, ये डिसअलाउ होता है क्योंकि आपका टैक्स है ही नहीं सर, ये किसका है, एम्प्लॉई का है, आपने एम्प्लॉई से लेके गवर्नमेंट को दिया तो ये आपका खर्चा ही नहीं, तो आपका अलाउ कैसे हो जाएगा सर, ठीक है। इसके बाद सेक्शन 40B पढ़ते थे, याद है सर, ये किसके लिए था सर, पार्टनरशिप फर्म, याद है ना सर, पार्टनरशिप फर्म। यहाँ पर हम बोलते थे सर पार्टनरशिप फर्म के लिए ना आपको नेट प्रॉफिट से मेहनत करनी चालू करना पड़ता है सर, नेट प्रॉफिट के बाद ही मेहनत चालू होती है यहाँ पर, तो क्योंकि नेट प्रॉफिट में आप क्या करते हो, पहले तो पूरे पीजीपी के एडजस्टमेंट जितने करके आए हो पूरे करोगे सर, पूरे पीछे जितना पड़े सब एडजस्टमेंट्स करोगे, उसके बाद आप क्या करोगे, पहले बुक प्रॉफिट निकालने के लिए मेहनत करोगे क्योंकि बुक प्रॉफिट के बेसिस में आप डिसाइड करते हो कि रेमुनरेशन कितनी अलाउएबल है, क्योंकि वो तो क्वेश्चन में कितना भी रेमुनरेशन दे देगा सर, हमें चेक करना पड़ेगा ना कि रेमुनरेशन कितनी मैक्सिमम अलाउड है, तो उसके लिए हमें बुक प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। बुक प्रॉफिट निकालने के लिए सर जितना भी रेमुनरेशन उसने पे किया है उसको हम पहले ऐड कर लेंगे सर, इंटरेस्ट जो 12% से ज्यादा पे किया है उसको ऐड कर लेंगे सर, सर ऐसा कोई इंटरेस्ट रेमुनरेशन सैलरी कुछ भी पे किया जो डीड के हिसाब से नहीं है या तो प्रायर एडजस्टमेंट्स कर रहे हो डीड में वो है तो उसको वापस ऐड कर देंगे सर। उसके बाद जो आपका बुक प्रॉफिट आएगा, अच्छा बुक प्रॉफिट में ये चीज ध्यान रखना, याद है मैं आपको लिखाया था सर, एक है अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, एक ब्रॉट फॉरवर्ड बिजनेस लॉस, किसको माइनस करेंगे किसको नहीं करेंगे, ब्रॉट फॉरवर्ड को करेंगे, कौन सा, अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन की बिजनेस लॉस, सोच लो आप, सोच लो, मैं रेगुलर क्लास में लिखवाया हूँ इसको, बकायदा बुक में लिखवाया हूँ। हाँ अरे वो अलग चीज है, वो तो बहुत बात की चीज है जो आप लोग बोल रहे हो, मैं बोल रहा हूँ बुक प्रॉफिट निकालने में, बुक प्रॉफिट निकालते टाइम तो भी लॉस पहले माइनस, पहले क्या होता है बिजनेस लॉस, मेरे कहने का मतलब ये था दोनों माइनस होगा कि दोनों में से एक माइनस होगा बुक प्रॉफिट निकालते टाइम, दोनों नहीं होता है, दो लोग दो आंसर बोल चुके हैं, हाँ
वो वही बोल रही है डेप्रिसिएशन माइनस कर लो, बोल रही है लॉस मत माइनस करो, तो बोल रही लॉस माइनस कर लो बिजनेस लॉस, डेप्रिसिएशन मत करो। नहीं आप लोग बताएंगे, मैं इसको बकायदा रेगुलर क्लास में लिखा हूँ, दिस इज द वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ इसका क्वेश्चन भी कराया हूँ बकायदा, क्वेश्चन करवाते टाइम मैं आपको प्रॉपर लिखवाया हूँ इसको। आप लोग बताओ, करो सर्च, जैसे भी करो, जो करना है करो, बट मेरे को बताओ। लगा ले एड़ी छोटी, का दम मिल गया तो यार। शायद क्या पहले कुछ है ही नहीं बहन, पहले और बाद वाली बात ही नहीं है, दो में से एक ही माइनस होगा, उसको भी याद नहीं है। ये इतना छोटा सा पॉइंट था बट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नहीं 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 जाओ गूगल करके ढूंढो, मेरे को बताओ बट आंसर, इसके बिना आगे हाँ तू जो करना है करो, मेरे को नहीं पता बट आंसर बताओ, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। जल्दी तू गलत देख रही है। पहली ये भी ठीक है, पहली बार तो गूगल खुद सामने से आके बोलेगा कि मेरा अच्छा यूज हो रहा है। अरे बताओ नालायको, जीवन बिता दोगे क्या? अभी बहुत बचा रिवाइज करने को। मिल जाता तो मैं थोड़ा रिक्तर को बोला, मैं तो बोला उसको लगा ले एड़ी छोटी, कदम नहीं मिलेगा। हाँ वो पॉइंट ही चाहिए मेरे को, मैं अलग से लिखवाया था इसलिए, और मैंने बोला था वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कंप्यूटेशन ऑफ बुक प्रॉफिट, कंप्यूटेशन ऑफ बुक प्रॉफिट एज पर सेक्शन 40B। क्या चीज आगे बोलना, क्या बोली? ब्रॉड फॉरवर्ड, तू तो बिजनेस लॉस बोल रही थी, ये डेप्रिसिएशन बोल रही है। सर जब हम बुक प्रॉफिट निकालेंगे तो जो अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन वगैरह होंगे हमारे पास वो हम एडजस्ट कर सकते,
ठीक है, बिजनेस लॉस एडजस्ट नहीं होता, बिजनेस लॉस एडजस्ट नहीं करेंगे सर। बुक प्रॉफिट निकालते टाइम, बुक प्रॉफिट निकालते टाइम फिर हम रेम्यूनरेशन के लिए मेहनत करेंगे सर। वो शुरुआत वाली कहानी याद है ना सर, अप टू 3 लाख और बुक 3 लाख ऑफ द बुक प्रॉफिट और इन केस ऑफ लॉस 1,50,000 और 90% ऑफ द बुक प्रॉफिट, दोनों में विच एवर इज हायर। ठीक, फिर बैलेंस में हम 60% करते हैं सर, ये हमारा बुक प्रॉफिट आएगा। फिर हमारा जो हमने बुक प्रॉफिट रेम्यूनरेशन आएगा, फिर जो हमने बुक प्रॉफिट निकाला था उस बुक प्रॉफिट से क्या माइनस करेंगे, रेम्यूनरेशन माइनस करेंगे। रेम्यूनरेशन माइनस करने के बाद सिंपल हमारा क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट। और फिर नेट प्रॉफिट से आप बिजनेस लॉस को एडजस्ट कर सकते हो। आई मेरी बात समझ? फिर एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल सर, इसमें सिंपल ये कैलकुलेशन बहुत इजी था कि जितना भी रेम्यूनरेशन है वो अलाउ नहीं होता, इंटरेस्ट जो भी होता है पेबल वो अलाउ नहीं होता, सीधा एसोसिएशन ऑफ पर्सन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के क्या निकाले जाते हैं, प्रॉफिट्स निकाले जाते हैं। और उनके प्रॉफिट निकालने के बाद उनके ऊपर टैक्स लगाया जाता है, और अगर उनके ऊपर टैक्स लग रहा है तो उनके मेंबर के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, एग्जेम्प्ट होता है सर। अगर एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के ऊपर टैक्स लग गया, वैसे ही पार्टनरशिप में भी होता है, याद है, पार्टनर्स के ऊपर पार्टनरशिप फर्म में टैक्स लग गया तो पार्टनर्स के ऊपर क्या होता है, शेयर ऑफ प्रॉफिट एग्जेम्प्ट, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम अ फर्म एग्जेम्प्ट होता है, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एचयूएल भी एग्जेम्प्ट होता है, याद आया? ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक, इसके बाद देखो सर, सेक्शन 40A सबसेक्शन 2 डिसअलायंसेस, पेमेंट मेड टू स्पेसिफाइड पर्सन रिलेटिव्स एक्सेसिव और अनरीजनेबल पेमेंट्स, याद है ना सर, डिसअलाउ हो जाते हैं, सिंपल, एक्सेसिव और अनरीजनेबल पेमेंट जो फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा है वो डिसअलाउ हो जाएंगे सर। ठीक है, स्पेसिफाइड पर्संस को ध्यान रखना इसमें। ठीक, इसके बाद सेक्शन 40A सबसेक्शन 3, दिस इज अ ग्रेट रिलेवेंस। अब ऐसा ये पूरा लिखने को तो आएगा नहीं, बट इसका रिलेवेंस क्वेश्चन में कहीं कहीं बीच बीच में घुसा घुसा के हो जाता है कि आप कैश में 10,000 से ज्यादा एक्सेसिव और अनरीजनेबल पेमेंट नहीं कर सकते सर। ठीक है, अकाउंट पे ही चेक चलेगा, अकाउंट पे ही बैंक ड्राफ्ट चलेगा सर, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम चलेगा सर, बट क्रॉस चेक नहीं चलेगा। क्रॉस चेक को हम कैश मानते हैं, ध्यान रखना सर, क्योंकि अमेंडमेंट जो है ना सर उसका इससे रिलेवेंस, अभी आगे जब अमेंडमेंट कवर करूंगा ना तो इससे बहुत रिलेवेंस बन जाएगा सर। ट्रांसपोर्टर के केस में लिमिट 35,000 हो जाती है सर, आई बात यार सर। कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पर ये 10,000 की जो लिमिट है ये एप्लीकेबल नहीं होती सर। लोन ट्रांजेक्शन जहां पर प्रिंसिपल अगर रीपेमेंट कर सकते हो सर, ठीक है, या फिर पेमेंट मेड बाय कमीशन एजेंट, ठीक, ये दो केसेस में 10,000 की लिमिट एप्लीकेबल नहीं होती। फिर अपन याद है कुछ रूल 6DD वाले केसेस पड़े थे जहां पर सरकार ने बोला था कि अगर 10,000 से ज्यादा कैश पेमेंट भी करोगे तो चलेगा। ये सब केसेस थे सर, पेमेंट मेड टू आरबीआई, पेमेंट मेड टू गवर्नमेंट, ये सब हम रेगुलर क्लासेस में डिटेल में देखते थे सर। ये सब आप एक एक बार रीड करेंगे सर, पूरा घुस के मत पढ़ने ना, रीड करके निकलना सर, सिर्फ रीड करके निकलना। ठीक है, ये सब ट्रांजेक्शन आपको दिल में आएंगे, दिल से आ जाएंगे, आराम से एग्जाम में देख के दिल से आ जाएंगे सर। जैसे फार्मर को दिया हुआ तो आपको दिल से आ जाएगा कि सर फार्मर को तो 10,000 से ज्यादा कैश पेमेंट हो ही सकता सर। एग्रीकल्चर का केस देगा तो आपको दिल से याद आ जाएगा सर। ठीक है, बट इसमें ये वाला पॉइंट याद रख लेना सर, जहां पर अगर आप एम्प्लॉय को पेमेंट कर रहे हो सर, ये लमसम पेमेंट, ग्रेच्युटी, रिट्रेंचमेंट, रिटायरमेंट, ये सब पेमेंट कर रहे हो तो ये 50,000 तक की लिमिट है इनके लिए। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। उसके बाद ये याद रखना सर, बैंक्स की स्ट्राइक्स हो, लॉकआउट्स हो, तो उस केस में भी आप 10,000 कैश पेमेंट नहीं कर सकते, 10,000 से ज्यादा कैश पेमेंट नहीं कर सकते बैंक्स के, अगर स्ट्राइक्स और लॉकआउट्स रहेगी तो भी, ध्यान रखना। फिर था सर पेमेंट मेड फॉर अनअप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड, अनअप्रूव्ड है तो ये नहीं मिलेगा सर। ठीक है, प्रोविजन फॉर अनअप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड नहीं मिलेगा, अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड रहेगा तो आपको सर मिल जाएगा पेमेंट्स का खर्चा। ठीक है, उसके बाद नॉन स्टेट्यूटरी फंड का खर्चा आपको मिलता नहीं है सर। सेक्शन 41 याद है सर, डीम प्रॉफिट, सरकार मान के चलती है इनकम है आपकी, आप मानो या ना मानो सरकार मान के चलती है सर। ठीक है, इसमें अपन बैड डेट रिकवर्ड पढ़े थे सर, फिर हमने बोला था सर कोई क्रेडिटर है, जो मान लो हम किसी के क्रेडिटर है, वो हमारी लाइबिलिटी को क्या किया, फॉरगॉन कर दिया, छोड़ दिया, बोला जा बे तेरे से पैसा नहीं लेता, तो सरकार बोली वो डीम्ड आपका प्रॉफिट है, वो आपकी इनकम है, याद आया? ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा था सर सेक्शन 43B, ये तो ग्रेट रिलेवेंस है सर क्योंकि इसमें अमेंडमेंट हुआ है। और अमेंडमेंट क्या है, इसमें मैंने रेगुलर क्लासेस में आपको बहुत सारी चीजें लिखवाई है सर कि टैक्सेस में क्या क्या आते हैं, याद है ना, म्युनिसिपल टैक्स, कस्टम ड्यूटी, क्वेश्चंस किए हैं इसके। ठीक है, ड्यूटी बहुत सारी चीजें सर, जीएसटी भी आ जाएगा, कस्टम ड्यूटी आ जाएगी, एक्साइज भी आ जाएगा क्वेश्चन में, हड़बड़ाना मत, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी कोई भी दे सर, सेक्शन 43B जिंदा है सर उसके लिए। ठीक है, सेस, जीएसटी कंपनसेशन सेस हो सकता है, फीस,
कोई भी फी हो सकती है सर, कंपनी लॉ की पेमेंट करने की फी, कुछ भी फी हो सकती है, मेरे को क्या पता क्या फी होगी सर, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करने की फी कुछ भी हो सकती है, ऑडिट फी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑडिट फी कुछ भी हो सकती है सर। ये मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स क्लासेस में लिखवाया था सर, ये अच्छे से पढ़ के जाना, इन्हीं में से अंदर से कोई पॉइंट उठा के पूछेगा क्योंकि इसका अमेंडमेंट है सर। 43 भी क्या बोलता था सर, ऐसे कुछ खर्चे हम आपको तभी अलाउ करेंगे जब आप पेमेंट करोगे, और पेमेंट कब तक सर, ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, आप पेमेंट कर दो हम आपको इसी प्रीवियस ईयर में खर्चा दे देंगे, अगर आपने ड्यू डेट के पहले अगर पेमेंट नहीं किया तो सर ये खर्चा हम आपको तब अलाउ करेंगे जिस साल आप पेमेंट करोगे सर। आई बात समझ, इसमें सबसे पहला ये था सर टैक्स ड्यूटी सेल्स फीस बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड, ये हो जाता था सर। फिर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन बाय वे ऑफ प्रोविडेंट फंड, सुपरएनुएशन फंड, ग्रेच्युटी फंड, ये सब तभी मिलेगा एम्प्लॉयर को जब वो सर पेमेंट कर देगा सर, 43 बी बोलता है सर। बोनस कमीशन है सर, एम्प्लॉय को पेमेंट कर रहे हो, लीव इन कैशमेंट पेमेंट कर रहे हो सर, या फिर आप इंडियन रेलवे की एसेट्स यूज कर रहे हो तो आप अगर उनको पेमेंट करोगे तो ही मिलेगा सर। इंटरेस्ट ऑन लोन और बोरोइंग सर, ये सिंपल था सर, आप कहीं से भी लोन वगैरह लियो उसका इंटरेस्ट का पेमेंट करोगे तो वो खर्चा मिलेगा सर, नहीं तो नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट अगर आउटस्टैंडिंग है तो वो खर्चा नहीं मिलता सर, पेबल है तो नहीं मिलेगा, इसलिए ध्यान रखना क्योंकि आईएचपी में इंटरेस्ट अगर पेबल होता है तो भी मिल जाता है, यहां नहीं मिलता सर, यहाँ सेक्शन 43 भी जिंदा हो जाता है सर। क्यों बोल रहा हूँ सर, अगर किसी का घर किराए में देने का धंधा होगा तो उसका भी तो इंटरेस्ट हो सकता है ना सर लोन का, तो यार हर चीज के लिए रहो दिमाग पूरा डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, इधर उधर हर जगह घुसना चाहिए सर, ठीक है। फिर अगर आपने लोन वगैरह लिया एनबीएफसी से, पहले इन्होंने क्या किया था, एनबीएफसी की कैटेगरी डाल दी थी सर, आप लोग पहले वाला आपको मैं बताता हूँ सर, पहले एनबीएफसी की कैटेगरी होती थी डिपॉजिट मेकिंग एनबीएफसी, नॉन डिपॉजिट मेकिंग एनबीएफसी, इन्होंने कचर कचर सब हटाया, सब हटा के इन्होंने प्यार से एक चीज बोल दिया भाई नोटिफाइड क्लास ऑफ एनबीएफसी, इनको अगर आप पेमेंट्स कर रहे हो तो ये आप अगर पेमेंट करोगे तो ही अलाउ होगा, अदरवाइज अलाउ नहीं होगा, ठीक। इसके बाद ये पॉइंट तो अमेंडमेंट है, ग्रीन मीन्स अमेंडमेंट, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अति में इंपॉर्टेंट, मेरे को तो गजब इंपॉर्टेंट लगता है। आपके अटेम्प्ट में ना भी आया तो नवंबर वाले तो एकदम तैयारी छो जाओ, अगर आपके अटेम्प्ट में नहीं आया, मेरे को तो लगता है आपके अटेम्प्ट में भी पूछने के इसके स्कोप है, ऐसा नहीं है कि पूरा डिटेल में पूछेगा बट ग्रेट चांस। रीजन ये सर, इसका एग्जाम्पल फाइनेंस एक्ट से आया है, फाइनेंस एक्ट से किसी चीज का एग्जाम्पल आता है ना मतलब वो आपको प्रॉपर एक्सप्लेन कर रहे हैं उस चीज को, और अगर प्रॉपर एक्सप्लेन कर रहे तो बेहद चांसेस है कि एग्जाम में आ जाए। आराम से देखते हैं अमेंडमेंट का पार्ट है। देखो एनी सम पेबल बाय द एसएससी टू एमएसएमई, एमएसएमई समझते हो, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है, बियॉन्ड द टाइम लिमिट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 15 ऑफ द एमएसएमई एक्ट, ठीक, एमएसएमई एक्ट के हिसाब से जो टाइम स्पेसिफाइड है उससे एक्स्ट्रा टाइम लेके अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो सरकार बोली ये खर्चा हम आपको नहीं देंगे। अब देखते हैं सेक्शन 15 क्या बोलता है, सेक्शन 15 ऑफ द एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट, ठीक है, मैंडेट्स पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सप्लायर बीइंग अ माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस बाय द बायर ऑन और बिफोर द डेट एग्रीड अपॉन विद इन बिटवीन देम in writing that is as per the written agreement which cannot be more than 45 days from the date of acceptance or the date of deemed acceptance of any goods or services by a buyer from a supplier. deemed acceptance kyun bola pata hai aapko, log goods ko approval basis mein bhi to bechte hai na, isliye deemed acceptance bola hai sir, ya to jab goods accept kar liya samne wale ne ya to deemed acceptance hui hai usse 45 days ke andar, आप एग्रीमेंट में लिखो, आपको एग्रीमेंट में जितना लिखना लिखो बट याद रखना वो 45 से ज्यादा नहीं लिख सकता आप एग्रीमेंट में, आपको एग्रीमेंट में 30 लिखना लिखो, 15 लिखना लिखो, 16 लिखना लिखो बट आप 46 नहीं लिख सकते सर। मैक्सिमम टाइम कितना कर दिया इन्होंने, 45 डेज, डेढ़ महीना, ठीक है। इफ देयर इज नो सच रिटन एग्रीमेंट, अब मान लो अगर आपके बीच में रिटन एग्रीमेंट नहीं है, एग्रीमेंट करते हो तो बढ़िया है 45 डेज तक मैक्सिमम जा सकते हो, बट अगर आपने एग्रीमेंट नहीं किया तो सरकार बोली सर पेमेंट शैल बी मेड बिफोर द अपॉइंटेड डेट दैट इज विद इन 15 डेज, तो आप एग्रीमेंट कर लो तो 45 तक जा पाओगे, एग्रीमेंट नहीं किए तो 15 डेज के अंदर आपको पेमेंट करना ही है सर, समझ आया। आगे देखो इफ द सम पेबल बाय द एससी टू अ माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस इज पेड एज पर द रिटन एग्रीमेंट maximum within 45 days or within 15 days in case there is no agreement the deduction can be claimed on accrual basis, accrual bole to very good, accrual bole to accrual thank you ma'am, accrual means payable basis pe bhi claim kar paoge aap usko, theek hai, aap isko samjho iske bahut tarike ghumane ke, चलो पहला अटेम्प्ट है नहीं पता कितना घुमाएंगे लोग बट घुमाने के तो बहुत स्कोप है सर, बहुत स्कोप है क्योंकि 31 मार्च को भी तो मैं किसको गुड सेल कर सकता हूँ ना,
आप समझे ना, 31 मार्च को सेल किया तो जब उसकी पेमेंट की डेट देखोगे तो वो 15 मई तक चले जाती है, 1.5 महीने तक है ना एग्रीमेंट बनाया तो। चलो नहीं एग्रीमेंट बनाया तो भी 15 अप्रैल तक तो जाएगा, 15 मई 15 अप्रैल मेरे पास दोनों डेट होती है और वो अगले साल तक पहुंच जाती बातें, ठीक है। तो इसलिए इसका क्वेश्चन अच्छा बनने के चांसेस है। If mercantile method of accounting is followed by the SEC, अगर वो कैश चल रहा है तो फिर तो लड़ाई क्यों कर रहे हो, फिर तो बात ही खत्म। इस पॉइंट का ट्रांजेक्शन का इसका ये अमेंडमेंट का मतलब ही खत्म हो जाएगा अगर कैश में चले तो, ठीक। However, if the sum payable by the SEC to a micro or small enterprises is not paid as per the written agreement or within 15 days in case of no agreement, the deduction shall be allowed in the previous year in which it is. तो मान लो अगर मैं 31 मार्च को किसी को सेल किया है ना, तो अगर एग्रीमेंट है, दो केसेस हो जाएंगे ना, एक एग्रीमेंट है एक नो एग्रीमेंट। अगर एग्रीमेंट है तो इन्होंने बोला 45 डेज, 45 डेज मतलब क्या हो जाएगा सर, 15th May, ये समझ आ रहा है ना, 30 दिन 15-45 दिन। और अगर एग्रीमेंट ही नहीं है तो 15 डेज, 15 डेज मतलब 15 अप्रैल, ठीक है 15 अप्रैल। तो सरकार बोली इसके अंदर अगर आप पेमेंट कर दोगे तो ये खर्चा आपको उसी प्रीवियस ईयर में अलाउ हो जाएगा, और नहीं किए तो फिर जब आप पे करोगे ना तब देंगे। ये थोड़ा अलग है, आप समझो तो ये थोड़ा अलग है, क्योंकि अभी तक जितने भी सेक्शन 43B के ट्रांजैक्शन पढ़ा रहा था उसमें क्या था सर, ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ पेमेंट करना है। यहाँ ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग से रिलेवेंस ही कहा है, मेरे को तो मतलब इन दो डेट से हो गया है, क्या होगी मेरी ड्यू डेट, घंटा फर्क पड़ रहा है। अरे बात समझ, इसीलिए थोड़ा इसको अलग से ध्यान रखना। इसका एग्जाम्पल देखो, इन्होंने इसीलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझाया भी, इन्हें लगा कि इसका कंफ्यूजन हो सकता है। देखो, मिस्टर ए एस परचेज गुड्स ऑफ ₹10,000 फ्रॉम ए एंड कंपनी अ माइक्रो एंटरप्राइजेस ऑन 1/3/2024। As per the written agreement between them, the payment is to be made by, very nice. अब देखो, इन लोग agreement किए, agreement में maximum कितने दिन तक लिख सकते थे, 45 days. इन लोग ने तो कितने दिन बाद लिख दिया, क्या 45 days के अंदर है, चेक करो। आप ये exam में चेक करना मत भूल जाना, ये तो याद रखना ही है ना, maximum 45 days. याद है ना, 46 डे तो मान लिया जाएगा अगर आप एग्रीमेंट में नहीं लिखे हो तो भी, 46 डे से ज्यादा भी लिखोगे तो 46 डे तो मान लिया जाएगा पेमेंट का डेट आ गया भैया। आ रहा है समझ, ये ध्यान रखना एग्जाम में। तो ये क्या है, 1 मार्च 2024, और इसने क्या लिखा है, मेड बाय 5th अप्रैल, तो मार्च के हो गए 30, अप्रैल के हो गए 5, 35 दिन, 45 डेज के अंदर है सर। मिस्टर ए फॉलोस मर्केंटाइल मेथड ऑफ अकाउंटिंग, ओके भाई ठीक है। मिस्टर ए एस पेड द सम ऑन 2nd अप्रैल, क्या जो डेट एग्रीमेंट में लिखी थी उससे पहले पेमेंट कर दिया, हाँ कर दिया। तो ये खर्चा क्या उसी प्रीवियस ईयर में मिल जाएगा, हाँ मिल जाएगा सर, क्या दिक्कत है, हमारा प्रीवियस ईयर क्या है 23-24, इसमें मिल जाएगा ये। अब सेकेंड केस में क्या हुआ, मिस्टर ए पेड द सम ऑन 20/4, डेट कब की बात हुई थी, 5/4, पेमेंट कब किया 20/4, आगे निकल गया। सरकार बोली अब ये खर्चा तेरे को इस साल तो प्रीवियस ईयर में नहीं देंगे, इस प्रीवियस ईयर में तो नहीं देंगे, तू आना हमारे पास 24-25 में। आई बात समझ, क्लियर हुआ ये सबको। अच्छा, इसमें आप लोगों को एमएसएमई की जो लिमिट है वो याद रखनी होगी सर, माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस की लिमिट याद रखना पड़ेगा। माइक्रो वो कहलाएगी सर जहां पर प्लांट एंड मशीन में इन्वेस्टमेंट 25 लाख से ज्यादा ना हो, मैक्सिमम 25 लाख है। और स्मॉल वो कहलाएगी सर जहां पर 25 से ज्यादा हो बट 5 करोड़ से ज्यादा ना हो, ये इन केस ऑफ गुड्स। अगर सर्विसेज की बात आई तो सर्विसेज में लिमिट चेंज होती है सर, तो सर्विसेज में इन्होंने बोला 10 लाख तक अगर है तो माइक्रो है, और 10 से ऊपर गए 2 करोड़ तक चले गए तो स्मॉल है सर, याद करना पड़ेगा। ऑप्शन ही नहीं है सर, ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि सर अगर अगर मान लो वहां पर कोई ऐसा क्वेश्चन रहा जहां पर ये बोल दिया कि वो माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइजेस को पेमेंट कर रहा है, बट वो जो स्मॉल एंटरप्राइजेस है, गुड्स का केस है, उसका टर्नओवर 5 करोड़ है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि सर क्या 5 करोड़ इसमें कवर हो रहा है, हाँ 5 से ऊपर चलेगा तो स्मॉल से भी बाहर चल जाएगा। अभी जब स्मॉल से बाहर चले जाएगा, आप समझो जो एमएसएमई में नहीं आएगा, ठीक है, जो एमएसएमई मान लो मैं उसके लिए सेक्शन 43B नहीं है, है ही नहीं ये सेक्शन। मान लो अगर कोई एमएसएमई, रतन टाटा जी, वो तो एमएसएमई में नहीं आने वाले सर, अब अगर उनको मैं पेमेंट कर रहा हूँ सर तो 43B बीच में आता ही नहीं है। तो ये थोड़ा सा दिमाग में ध्यान रखने वाली चीज, मेरे को तो लगता है अच्छा अमेंडमेंट है इन केस अगर आया एग्जाम में, देखते लेट्स सी आरटीपी क्या निकालती है इंस्टीट्यूट और कैसा बताती है क्या करती है, बट मेरे को तो बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट लगता है, बहुत ही अच्छा पॉइंट लगता है, ये पूछने के अच्छे खासे चांसेस है सर।
बाकी सर हमने और भी पॉइंट्स कवर किए थे, ये तो पहले भी कवर किए थे सर, कि अगर आपने लोन सॉरी आपने इंटरेस्ट को अगर लोन में कन्वर्ट किया तो सरकार इसको पेमेंट नहीं मानती। फिर सरकार ने बोला था पिछली बार कमेंडमेंट फाइनेंस एक्ट 22 का अमेंडमेंट था सर ये, जहां पर इंस्टीट्यूट ने मतलब जहां पर सरकार ने बोला था कि अगर आप इंटरेस्ट को सर कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट में कन्वर्ट कर रहे हो जिससे आपको पैसा मिलता हो तो वो भी हम डीम पेमेंट नहीं मानेंगे। याद करो मैंने आपको बताया था कि मेरे जो इंटरेस्ट था इंटरेस्ट को मैंने क्या किया डिबेंचर में कन्वर्ट किया, याद है? ठीक है, तो भी सरकार बोली इसको हम पेमेंट नहीं मानते सर। ठीक है, एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टू स्टाफ वेलफेयर फंड नॉट कवर्ड, ये तो कवर्ड ही नहीं है सर। ठीक है, इसके बाद अगला 43CA, वाओ इसको पढ़ना तो हमेशा से इंपॉर्टेंट रहता है। याद है ना स्टैम्प ड्यूटी वाला केस, बहुत गजब लड़ाई होती है इसमें, याद है कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू मैंने आपको हमेशा एक से एक बात सिखाई। यहाँ पर कौन कवर है? बिल्डर। 50C में कौन कवर है सर? कैपिटल एसेट वाले लोग कवर है, अदर देन बिल्डर कवर्ड है, याद है ना सर? और सर जिसको बेच रहे हो, जो मतलब खरीद रहे है, वो खरीदने वाला सर IUS में कवर्ड है। बेचने वाले 43CA में भी आएंगे, 50C में भी आएंगे, खरीदने वाला तो सर IUS में ही आएगा। बट खरीदने वाला IUS में तब आएगा सर जब वो कैपिटल एसेट होगी, अगर वो कैपिटल एसेट नहीं है तो वो IUS में भी नहीं आएगा, याद रखना सर। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना, इसका क्वेश्चन भी अपनी इंस्टीट्यूट के मैट में इसका क्वेश्चन भी करेंगे सर। ठीक है, याद है इसमें हम क्या सीखे थे सर? यहाँ पर हमने बोला था सर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, इस पे लड़ाई होती है, इसी पे तो लड़ाई है सर। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कब के लिए सर? या तो डेट ऑफ एग्रीमेंट या तो डेट ऑफ रजिस्ट्री। सर डेट ऑफ एग्रीमेंट तब होता है सर जब अदर देन कैश हो, अगर कैश में नहीं है, अगर कैश में नहीं है तो आप डेट ऑफ एग्रीमेंट की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ले लो सर, और अगर कैश में है तो फिर डेट ऑफ रजिस्ट्री वाली की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ले लो सर। आई बात समझ? फिर हम क्या करते हैं, एक बार स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू फाइनल हो जाती है उसके बाद हम क्या करते हैं, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो भी रहा होगा, ठीक है, हम क्या करते हैं सेल कंसिडरेशन प्लस 10% करते हैं और चेक करते हैं सर कि क्या हमारी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इसके बीच में फॉल करती है। अगर इसके बीच में फॉल करती है तो सर जो हमारा सेल कंसिडरेशन है ना यही फाइनल है सर, और अगर ये इसके बीच में फॉल नहीं करती है तो सर ये जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है ना हमारी ये फाइनल हो जाती है। याद है इसी का इंस्टीट्यूट मैट में क्वेश्चंस भी है, क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको लिख के भी बता दूंगा वहां पर, और अच्छे से एग्जाम्पल से भी कवर अप कर लेंगे सर। अरे ये लिखवाया हूँ मैं रेगुलर क्लास में, पूरा नोट बनवाया हूँ, लिख ले लिख। कुछ नहीं पढ़ो, ये बोल रही क्वेश्चन करवा दो आज। चलो लेट स्टार्ट, ये नोट हो गया ठीक। उसके बाद ये 43CB, ये CMA वालों के लिए सर, जहां पर प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम अ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, आप लोग उसमें पढ़ते हो ना सर? अरे यार AS7 नहीं यार, जब देखो अकाउंट्स पे आ जाते हो यार, कॉस्ट में होता है सर। अच्छा अभी तक नहीं पहुंचे हो? पहुंचोगे। AS में तो है, AS में तो बड़ा मजा आता है, AS में बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। ठीक है, तो हल्ला तो मत कर, अगर मोर देन 90 डेज का नहीं रहेगा तो सीधा सीधा एक बार में पूरी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज की जाती है, और सर अगर मोर देन 90 डेज पीरियड का अगर प्रोजेक्ट रहे तो फिर SLM मेथड से फॉलो किया जाता है सर। ठीक है, इसके बाद ये स्पेशल प्रोविजन इन केस ऑफ एन इनकम ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये भी CMA वालों का रहता है सर। इनकी जो इनकम होती है बाय वे ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये इंटरेस्ट इनकम टैक्सेबल होती है सर, जिस साल ये क्रेडिट हुई है या जिस साल एक्चुअली रिसीव्ड हुई है, दोनों में विच एवर इज अर्लियर, ये टैक्सेबल होती है। इसके बाद 44AA, ये सभी के लिए होता है सर। 44AA याद है क्या होता था? जहां हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना होता था,
बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की बात है, हो गया मैडम जी, इसीलिए नहीं छूने बोल रहा था फोन, याद है, क्योंकि तो तू देखती ही नहीं तो पता ही नहीं चलता है। हाँ 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 चलो सर, सेक्शन 44 डबल ए मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इसमें हमने सिंपल ये बात बोली थी सर, अगर स्पेसिफाइड एम्प्लॉई है, सॉरी स्पेसिफाइड प्रोफेशनल है, तो सरकार ने बोला था 150,000 से ज्यादा अगर तीनों साल में एक्सीड करता है, तीनों साल में, पिछले तीनों साल में अगर 150,000 से ज्यादा एक्सीड करता है तो स्पेसिफाइड प्रोफेशनल्स को बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा। तीनों साल मीन्स तीनों साल, ऐसा नहीं कि एक साल, तीनों साल, ठीक है। स्पेसिफाइड प्रोफेशनल के अलावा लोग हैं तो सरकार ने बोला भी है, फिर उस केस में तो लिमिट्स अप्लाई हो जाती है सर, उस केस में लिमिट्स ये है सर कि अगर आप इंडिविजुअल HUF है तो 25 लाख आपकी इनकम, सॉरी 250,000 इनकम देखी जाएगी और टर्नओवर कितना देखा जाएगा 25 लाख, और अगर आप इंडिविजुअल HUF के अलावा है तो सर आपकी इनकम 1,20,000 और टर्नओवर कितना 10 लाख, इससे अगर एक्सीड करता है तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ता है। स्पेसिफाइड प्रोफेशनल के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स की कुछ डिटेल्स भी दी हुई है, इसको रीड कर सकते हो, एक आध बार आया हुआ है थ्योरी क्वेश्चन, ऐसा एक आध बार आया है, ऐसा नहीं कि हर बार आता है बट एक आध बार आया हुआ है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कहाँ करते हैं सर, जहां पर प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस होगा वहां पर मेंटेन करते हैं सर, कितने साल मेंटेन करते हैं 6 साल। इसके बाद सर हमने बात करी थी 44AB, दिस हैज अ ग्रेट रिलेवेंस, टैक्स ऑडिट की बातें हैं सर, इसमें तीन लिमिट फॉल करती है, कौन कौन सी, 1, 2, 10, एक तो जनरल, एक तो छोड़ी दो, दो है 44AD वालों के लिए और 10 करोड़ वो लोगों के लिए सर, ऐसे पर्सन जो रिसिप्ट या पेमेंट 5% से ज्यादा कैश में नहीं करते हैं सर, तो उन लोगों के लिए लिमिट कितनी है 10 करोड़, आई बात समझ, ठीक है, बट इसमें अमेंडमेंट भी है सर। द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB डज नॉट अप्लाई टू अ पर्सन हु डिक्लेयर्स प्रॉफिट एंड गेन फॉर अ प्रीवियस ईयर ऑन प्रिजम्प्टिव अंडर 44AD, तो 2 करोड़ तक आपके ऊपर क्या अप्लाई नहीं होगा, टैक्स ऑडिट, तो वैसे भी 44AD वालों के लिए आप टैक्स ऑडिट की लिमिट डाल देते थे, ये इन्होंने यहाँ पर और स्पेसिफिकली लिख के क्लियर कर दिया सर, और स्पेसिफिक लिख के क्लियर किया। अगर आप प्रोफेशन वाले हो तो अगर आपका 50 लाख से ज्यादा है तो टैक्स ऑडिट की बात है, बट अगर आप 44ADA, याद है 44ADA प्रोफेशन वालों के लिए रहता था सर, वहां पर सरकार ने बोला 50 लाख की लिमिट थी, तो उसी को इन्होंने और एक्सटेंड कर दिया, यहाँ पर लिख के और क्लियरिटी प्रोवाइड कर दी, ठीक है। इसके बाद 44AD, दिस इज अ ग्रेट रिलेवेंस, इसका इंपॉर्टेंस है सर क्योंकि इसमें अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट है तो ये इंपॉर्टेंट है, अगर अमेंडमेंट है तो इंपॉर्टेंट है। 44AD याद है किसके लिए होता था सर, ऐसा कोई भी पर्सन जो बिजनेस कर रहे हैं, नॉट प्रोफेशन, बिजनेसमैन, बिजनेसमैन के लिए 44AD होता था सर। और 44AD में पहले क्या बोलते थे हम सर, कि सर ये उनको मिलता है जिनका टर्नओवर किससे एक्सीड नहीं करता, 2 करोड़ से ऊपर एक्सीड नहीं करता, बट अब 2 नहीं बोलना, अब 2 नहीं बोलना, क्योंकि अमेंडमेंट के बाद सर 2 के बाद वाले लोग भी आ रहे हैं सर, 3 करोड़ तक के लोग आ जाएंगे इसमें, ठीक है। हाँ 2 करोड़ याद रखो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट 3 करोड़ वाले लोग भी आ सकते हैं, ठीक है, 3 करोड़ वाले लोगों के लिए सरकार ने कंडीशंस डाली है, बट आ तो सकते हैं ना, तो हम इसको ऐसे याद रखते हैं सर। ऐसा कोई भी इंडिविजुअल HUF पार्टनरशिप LLP नहीं आएगी सर, ठीक है, ऐसे कोई भी लोग जो बड़ी बड़ी डिडक्शन लिए 10A, 10AA, SEZ वगैरह, ये सब नहीं आएंगे सर, ATIA से लेके ITRRB ये भी नहीं आएगा सर, ठीक है, इन लोग नहीं आ सकते। एलिजिबल बिजनेस क्या है सर, 44AE वाला बिजनेस नहीं होना चाहिए, याद है, फ्लाइंग, हायरिंग, लीजिंग ऑफ गुड कैरियज, वो वाले लोग बाहर है सर, 44AE बाहर है। इसके बाद ऐसा कोई पर्सन जिसका टर्नओवर 2 करोड़ से एक्सीड नहीं करता, बट इन्होंने अमेंडमेंट करके एक और बोला सर, ऐसा कोई पर्सन जिसका टर्नओवर 3 करोड़ से एक्सीड नहीं करता, 2 करोड़ से ज्यादा है बट 3 करोड़ से एक्सीड नहीं कर रहा है, बट उसका जो सर कैश रिसिप्ट है वो 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए ऑफ द टोटल टर्नओवर। मतलब अगर माल, ये MCQ में भी आ सकता सर, भूलो मत, अभी MCQ जिंदा है ना, अगर PGP के पूरे क्वेश्चन में ना भी घुसा है तो MCQ अभी भी जिंदा है, जहां पर ही घुसा सकते हैं, और आप बिलीव करो ना करो टोटल इनकम के क्वेश्चन में भी ऐसा लिख सकते हैं सर कि आपको उसका टर्नओवर दे देंगे, मान लो 2 करोड़ दे दिए, 2.5 करोड़ दे दिए टर्नओवर, और नीचे लिख दिए सर क्या बोलते हैं, द कैश रिसिप्ट, द कैश रिसिप्ट फ्रॉम द टोटल टर्नओवर इज लेस देन 5%, तो अभी भी वो 44AD में कवर है सर। बहुत मजेदार किस्से और इसके कॉम्बिनेशन बना सकते हैं वो, ठीक है, तो ये याद रखना सर, 2 करोड़ तक, 2 करोड़ तक कैश की कोई लिमिट नहीं है, आप करो ना पूरा 2 करोड़ कैश में कर लो, सरकार बोलती है ठीक है हम 8% कर देंगे, पूरा 2 करोड़ अगर ऑनलाइन सिस्टम से रहा तो 6% कर देंगे, पर अगर तू 2 से ऊपर जाना चाहता है ना सर, तो याद रखना अगर तू 2 से 3 करोड़ की लिमिट चाहता है तो 5% से ज्यादा
5% तक चलेगा, 5% तक तेरा चलेगा। कैश रिसिप्ट, रिसिप्ट क्यों बोले, टर्नओवर है, टर्नओवर मतलब बेचा हूं, बेचा हूं मतलब पैसा आएगा, इसीलिए बोल रहे 5% से ज्यादा कैश रिसिप्ट तेरा नहीं होना चाहिए। आ रहा है समझ, बेटा दिमाग में। तो एक एक बार के लिए मान लो, जस्ट एन एग्जांपल है, मान लो अगर कोई 3 करोड़ का कर रहा है तो 3 करोड़ का 5% कितना हुआ, 15 लाख। मतलब आप 15 लाख से ज्यादा कैश नहीं कर सकते, नहीं तो आपको ये 3 करोड़ वाली लिमिट 44AD के लिए नहीं मिलेगी। फिर आप किस में चल जाओगे सर, नॉर्मल वाले में चले जाओगे। आई बस समझ, अमेंडमेंट का पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रेट इंपॉर्टेंट, ठीक है, एकदम ध्यान रखेंगे। एग्जाम में क्रॉस चेक भी दे सकता है, भूलो मत, क्रॉस चेक भी कैश है, ठीक है, ध्यान रखना, ध्यान रखना। इन्होंने प्यार से लिख के दिया है सर, जो अकाउंट पे ही नहीं है, अकाउंट पे ही नहीं है वो सब कैश है, खुद से सामने से बोल दिए सर, एकदम ध्यान रखना, बहुत गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो इसमें, ठीक है। कुछ लोगों के पर और ये एप्लीकेबल नहीं होता सर, स्पेसिफाइड प्रोफेशन वाले लोग आते नहीं है सर, कमीशन और ब्रोकरेज वाले लोग तो पहले भी नहीं आते थे, और एजेंसी वाले लोग को तो हम पहले ही बाहर के रखे थे। 8% 6% की रिक्वायरमेंट पहले से थी सर, 8% इन केस ऑफ कैश, 6% इन केस अदर देन कैश, ठीक है। इससे ज्यादा डिक्लेयर कर सकता हूँ, इससे कम नहीं डिक्लेयर कर सकता ना प्रॉफिट सर। आपको सेक्शन 30 से 38 तक की कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, सेक्शन 40 के डिसअलाउंसेस अभी भी होंगे ना, 30 से 38 नहीं होंगे, याद करो मैं क्वेश्चन करवाया था, सेक्शन 40 के डिसअलाउंसेस अभी भी होंगे, मेरी बुक के क्वेश्चन है सर, ठीक है। WDV सर, जैसे आप WDV निकालते हो वैसे WDV आप कंप्यूट करोगे, बट आप उसका डिप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकते। डिप्रिसिएशन कैसे क्लेम कर दोगे, वो तो सेक्शन 32 है सर, क्लेम ही नहीं कर सकते सर। अगर आपने 44AD के हिसाब से जो प्रॉफिट डिक्लेयर होना चाहिए था उससे अगर आप कम डिक्लेयर करने की कोशिश करोगे तो सरकार बोली अगले 5 साल हम आपको 44AD नहीं देंगे सर, आप कम डिक्लेयर नहीं कर सकते सर। और अगर आप कम डिक्लेयर करने चले गए सर, जितना डिक्लेयर गवर्नमेंट के हिसाब से होता है 8 या 6, उससे कम डिक्लेयर कर दिए तो सरकार बोलती आओ बैठो फिर, तो फिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी मनाओ, टैक्स ऑडिट भी कराओ, और अगले 5 साल आपको ये सेक्शन भी नहीं दे रहे हम सर। इनको भी एडवांस टैक्स देना पड़ता है, बट 15 मार्च है सर इनके लिए डेट, ठीक है, आई बात समझ। 44ADA स्पेसिफाइड प्रोफेशन के लिए सर, यहाँ पर इनका ग्रॉस रिसिप्ट हम देखते हैं, ग्रॉस रिसिप्ट बोलूंगा टर्नओवर नहीं सर, ग्रॉस रिसिप्ट 50 लाख देखते हैं सर, ठीक है, इनके लिए 50 लाख की लिमिट है, बट इनके लिए भी पहले मैं 50 बोलता था, अब मैं बोलूंगा नहीं सर 50 लाख तो अभी भी लिमिट है, बट अब ये लिमिट एक्सटेंड होकर 75 भी है सर, अगर कोई चाहे तो 75 तक भी जा सकता है। बट फिर वही बात है, सरकार ने बोला 5% ऑफ द टोटल ग्रॉस रिसिप्ट कैश में नहीं होना चाहिए सर, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम होगा 5% होगा चला लेंगे। तो एक बार के लिए अगर मान लो 75 लाख का 5% कर भी लूंगा तो कितना आएगा, 3,75,000, तो 3,75,000 में कैश में रख सकता हूँ सर, उससे ज्यादा कैश नहीं हो सकता, उससे ज्यादा कैश हुआ तो मैं 44ADA से बाहर हूँ सर। पता है इसके क्वेश्चन अभी पता नहीं कैसे आएंगे, बट गजब घुमाने वाली बातें हैं सर ये आपको बड़े बड़े क्वेश्चंस में ना छोटे छोटे एक पॉइंट देख के नोट वगैरह में बहुत गजब घुमाएगा, चेक कर देगा कि कितने बच्चे जो आंसर्स निकाल रहे हैं वो नॉर्मल के हिसाब से और 44ADA के हिसाब से निकाल के आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, और फिर चेक कर रहे हैं कि नहीं कि SSC के लिए विच इज मोर बेनिफिटेबल। यही एक लाइन तो उनको झोड़ना है सर, कंप्यूट द इनकम टैक्स ऑफ मिस्टर दिस 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 विच इज एंड वॉट आर द ऑल्टरनेटिव्स, वॉट आर द ऑल्टरनेटिव्स इन विच इट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर SSC। हो गया बस खत्म, जहां ये लिखा आपको पूरा दिमाग दौड़ाना है, 44ADA भी जाएगा, नॉर्मल भी जाएगा, 115BAC भी जाएगा, और AMT भी जिंदा है अभी। AMT भूल गए हो क्या आप लोग, हाँ क्यों AMT भूल गए हो क्या, मैं आपको बता रहा हूँ आपका दिमाग हर तरफ डाइवर्सिफाइड चलना चाहिए, क्योंकि सर अगर आपको अपने आपको चेक ही करना है ना तो एक काम करो, इस बार की RTP और पिछली बार की RTP का ना MCQ उठा के देख लो, केस सिनेरियो में साले केस सिनेरियो दिए, केस सिनेरियो में बोल दिया चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर फॉर द दिस पर्सन, मोस्ट एप्रोप्रिएट निकालने रहोगे ना इनकम टैक्स के हिसाब से आंसर ही नहीं आएगा, वो आंसर आ रहा है AMT के हिसाब से, अब वहां बच्चे को बैठ के इनकम टैक्स से हट के भी AMT सोचना है उसे, और जबरदस्त था वो, जबरदस्त है वो क्वेश्चन, आप कर लो बैठ के इनकम टैक्स, जितना दिमाग लगाने लगा लो आंसर ही नहीं आएगा। तो इसीलिए सर आपका दिमाग पूरा डाइवर्सिफाइड हर तरफ चलना चाहिए, नहीं तो बैंड बजेगी, मेरे को दिक्कत नहीं है, मेरे को तो ध्यान रहेगा कि क्या क्या चीजें सोचना है। मैं जब RTP का क्वेश्चन बना रहा था ना, जब वो RTP आई थी तो इन लोग जो स्टूडेंट बैठे हुए थे सब एक ही पॉइंट पे जाके अटक गए, सर इसका निकल ही नहीं रहा टैक्स कैसे निकलेगा, निकल ही नहीं रहा था किसी से टैक्स। तो मैं बोला रुक जाओ एक दिन रुको, मेरे को भी टाइम दो, मेरी क्लासेस है, उसके बाद मैं वीडियो आराम से डाल दूंगा। बोले ठीक है सर आप वीडियो जब भी डालोगे, बस इसका टैक्स क्यों नहीं आ रहा है।
तो मैं उन लोग को पूछा सबसे पहले नॉर्मल निकाले, बोले हाँ सर नॉर्मल से तो आसपास भी नहीं दिख रहे। मैं बोला हाँ यार ये तो बहुत डिफरेंस है, गजब डिफरेंस है। मैं बोला 115 बीएससी, बोले सर 115 बीएससी नहीं ट्राई किए। मैं बोला उससे भी ट्राई करो, उससे भी नहीं दिखा। फिर मैं बोला एएमटी ट्राई किए, बोले नहीं सर एएमटी भूल गए, एएमटी से आंसर आ गया। और सोचो ये थॉट प्रोसेस इन हैंड्स ऑफ कैलसी होना चाहिए। अगर इसके लिए आपने लिखना चालू किया गया टाइम, क्योंकि आपका केस सिनेरियो है, एमसीक्यू है, आप लिखने थोड़ी जाओ, उसको प्रेजेंटेशन चाहिए ही नहीं, उसको तो ए बी सी डी जो लिखा है बताओ, फाइनल आंसर चाहिए। इसीलिए बोलता हूँ कैलसी में स्पीड लाओ, कैलकुलेशन फास्ट रखो, टैक्स निकालना बहुत फास्ट आना चाहिए सर, नहीं तो गारंटीड है क्वेश्चन छोड़ दोगे, एक आध तो क्वेश्चन छोड़ ही दोगे टैक्स निकालना नहीं आया तो। प्रिजम्प्टिव इनकम हमने बोला सर 50% ऑफ द ग्रॉस एसेट, जितना भी ग्रॉस एसेट है इससे हायर आप डिक्लेयर कर सकते हो, कम नहीं डिक्लेयर करना। कम डिक्लेयर करोगे तो फिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, टैक्स ऑडिट वगैरह सब करवाना पड़ेगा सर। बाकी सेक्शन 30 से 38 कुछ मिलना नहीं है सर आपको, WDV जैसे आप कंप्यूट करते हो वैसे ही करोगे सर, ठीक है। इनके लिए भी सर वो एडवांस टैक्स पे करने की डेट 15 मार्च ही है, ठीक। उसके बाद आती है बात सर 40 पर AE, याद है सर, ये प्लाइंग लीजिंग हायरिंग ऑफ गुड कैरियज वाले लोग, ट्रक वाले लोग, ट्रांसपोर्टर वाले लोग, 10 से ज्यादा गाड़ियां एक दिन में नहीं होना चाहिए, एक दिन में नहीं सर। हमें यहाँ पुट टू यूज से कोई मतलब नहीं, घंटा फर्क पड़ता है पुट टू यूज से, आपने खरीद लिया ना बस काफी है सर, बट 10 से ज्यादा गाड़ी नहीं होना चाहिए तब आपको ये मिलेगा। हमने बोला गाड़ी को दो पार्ट में डिवाइड करते सर, एक होगी हैवी गुड्स व्हीकल, एक होगी लाइट गुड्स व्हीकल। लाइट होगी तो 7500 पर मंथ इनटू नंबर ऑफ यूजेस, जितने मंथ आप यूज किए इनटू नंबर ऑफ गाड़ियां जितनी आपके पास है सर। और अगर हैवी गुड्स व्हीकल होगी तो सरकार ने बोला भैया एक काम करो फिर तो उसमें 1000 पर टन इनटू नंबर ऑफ टन इनटू नंबर ऑफ गाड़ी इनटू नंबर ऑफ मंथ्स आप जितना करोगे, आप इन दो अमाउंट से कम डिक्लेयर नहीं कर सकते 44AE में, इससे ज्यादा डिक्लेयर करना है सरकार बोली कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है सर। आई बात समझ बैठा दिमाग में। और हैवी गुड्स व्हीकल हम देखते हैं कैसे पता चलता है, 12,000 kg से ज्यादा होना चाहिए सर, ठीक है। इसके बाद एग्रीकल्चर इनकम, अब मैं बोल सकता हूँ सर इससे एकदम टिपिकली पूरा एग्रीकल्चर इनकम का क्वेश्चन तो नहीं आएगा, एकदम एग्रीकल्चर इनकम का ही पूरा क्वेश्चन एक आध पॉइंट पूछ देता है। एक एक बेसिक चीज तो हम जब एग्रीकल्चर इनकम देखते हैं तो एग्जेम्प्ट करते हैं, आउटसाइड इंडिया रहेगी तो टैक्सेबल है ना, ऐसा मत करना आउटसाइड इंडिया को भी एग्जेम्प्ट कर दिए, सालों इंडिया में एग्जेम्प्ट है, आउटसाइड इंडिया की एग्रीकल्चर इनकम टैक्सेबल है सर। कहाँ टैक्सेबल है? IUS में टैक्सेबल है, ध्यान रखना PGP में मत लेके आ जाना, ठीक है। एग्रीकल्चर इनकम इसको ध्यान रखना, इसमें जस्ट रीड करने वाली चीज है सर क्या क्या एग्रीकल्चर इनकम होती है और क्या क्या चीजें एग्रीकल्चर इनकम नहीं होती है, इसको एक बार रीड करना, मैं इसको रटने नहीं बोल रहा हूँ, एक बार इसको रीड करके चल जाना। एक आध कोई पॉइंट दे दिया तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि हाँ ये एग्रीकल्चर इनकम थी और ये एग्रीकल्चर इनकम नहीं थी, क्योंकि जो नहीं थी वो नॉर्मल बिजनेस इनकम है और वो टैक्सेबल, और जो एग्रीकल्चर इनकम है वो एग्जेम्प्ट है। आ रहा समझ? अगर मान लो एग्जाम में क्वेश्चन में दे दिया इनकम फ्रॉम ग्रोइंग फ्लावर्स इन ग्रोइंग फ्लावर, तो ध्यान रखना ये एग्रीकल्चर इनकम है भाई। हरी बात समझ, ध्यान रखना ये वाला पॉइंट मुझे सबसे ज्यादा खास लगता है, अच्छा रिलेवेंट पॉइंट रखता है जिसमें अच्छे खासे लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। CMA वालों के तो अभी क्वेश्चन में आया, एग्जाम में क्वेश्चन में आया रिसेंट पे, आप लोग के नहीं आया एग्रीकल्चर इनकम से आप सबका क्वेश्चन नहीं आया। CMA वालों को तो एक पर्टिकुलर 7 मार्क्स का क्वेश्चन बना दिया इसके ऊपर, 7 मार्क्स, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अच्छी प्रैक्टिस है एग्रीकल्चर इनकम की, ठीक है। फिर हाँ ये वाला पॉइंट जो है ये आप लोगों के लिए रिलेवेंस है, क्योंकि ये आप लोगों का केस सिनेरियोस में MCQ में आ जाता है, ये MCQ में घुस के पूछ देते हैं सर कितना परसेंट बिजनेस इनकम है और कितना एग्रीकल्चर है सर, ये थोड़ा सा ध्यान रखना सर, ठीक है। रबर वाला केस रहा तो 35-65, कॉफी वाली बात रही तो सर हम कॉफी को दो पार्ट में डिवाइड कर देते सर, ठीक है। कॉफी ग्रोन और क्योर्ड है, सिंपल वाली कॉफी है तो 25% बिजनेस एग्रीकल्चर ज्यादा है सर, और अगर ग्रोन क्योर्ड रोस्टेड ग्राउंडेड तो सरकार बोली भैया फिर उस केस में चेंज हो जाएगा 40-60 हो जाएगा, टी के केस में तो हमेशा से 40-60 था सर, ठीक है। ये एग्रीकल्चर इनकम निकालना और बिजनेस इनकम निकालना, मैं बोलता हूँ सर इसका एक क्वेश्चन जरूर करके जाना, इंस्टीट्यूट मैट में भी है हम करेंगे साथ में, और जरूर इसका क्वेश्चन एक बार देख के ही जाना चाहिए, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ एक ही गलती होगी, सिर्फ एक गलती होती है, ये वाला जो पॉइंट है ये मार्केट वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस यूज एज अ रॉ मटेरियल फॉर बिजनेस, ये वाला चीज नीचे आके माइनस होता है, ये बच्चे भूल जाते हैं बिजनेस इनकम निकालते टाइम। एग्रीकल्चर इनकम कोई गलत निकाल के नहीं आएगा सर, बिजनेस इनकम ही गलत निकालेगा और इसी पॉइंट को माइनस करना भूल जाएगा। समझ आई बात? ध्यान रखना सर इसको, ठीक है। फिर एग्रीकल्चर में याद है टैक्स निकालने का तरीका, एक बार बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से आप एग्रीकल्चर इनकम को ऐड करते हो उस पर टैक्स निकालते हो, फिर सर जो आपकी इनकम है उसमें ऐड करते हो एग्रीकल्चर इनकम और टैक्स निकालते हो, फिर दोनों में नेट अमाउंट देखते हो।
इसके एक बार प्रैक्टिस करके जानी चाहिए, एक बार की हुई है एकदम, ऐसा नहीं कि आखिरी दिन इसी पे घुस जाओ, बट एक बार देखी हुई रहना चाहिए। आई बात समझ? ये हमारा पीजीपी कंप्लीट हुआ रिवीजन, इसके क्वेश्चंस करना है सर अब, ठीक है? पीजीपी के क्वेश्चन देखते हैं अब। शान लिखो, बीएससी के हिसाब से क्या क्या चेंज आएगा? पहला एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता है, दूसरा सेक्शन 35 नहीं मिलता, तीसरा सेक्शन 35AD नहीं मिलता, ये तीन चीजें 115BAC के हिसाब से नहीं होती है। स्टार्ट करें, चल लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर, अबे कहाँ है, अच्छा डेप्रिसिएशन के क्वेश्चंस देखो सर। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एंड एडिशनल डेप्रिसिएशन फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25। If he has exercised the option of shifting out of the default tax asset under section 115 BAC, assuming that all the asset by are purchased by way of account pay check, तो हमें नॉर्मल टैक्स प्रोविजन के हिसाब से निकालना है। सर कैलसी चलाना, फटाफट चलाना सर, ये सिंपल क्वेश्चन है, ये कोई पीजीपी के कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है सर। मिस्टर एक्स अ प्रोप्राइटर एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस फर्निशेस द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्लांट एंड मशीन दिया हुआ है 30 लाख, दैट इज WDV एज ऑन 31 मार्च 2023 आफ्टर रिड्यूसिंग डिप्रिसिएशन फॉर द प्रीवियस ईयर 2022-23, ठीक है भाई। न्यू प्लांट एंड मशीन दिया हुआ है, परचेज एंड पुट टू यूज, ठीक है। तो सर ये 30 लाख पे हम नॉर्मल डेप्रिसिएशन क्लेम करेंगे, इसमें नॉर्मल भी क्लेम करेंगे प्लस एडिशनल भी क्लेम करेंगे, ठीक है। और ये 180 डेज से ज्यादा है सर, क्योंकि 8 जून को है, 8 जून से 31 मार्च, 180 डेज से ज्यादा होता है सर। फिर सर ये 8 लाख वाली जो एसेट है, इस ये 180 डेज से कम है सर, क्योंकि दिसंबर की कहानी है सर। तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन भी लेंगे प्लस एडिशनल भी लेंगे, बट दोनों 50% लेंगे सर, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर एक्वायर्ड एंड इंस्टॉल्ड इन द ऑफिस प्रीमाइसेस है सर, इस पे नॉर्मल मिलेगा सर, एडिशनल नहीं मिलता सर, क्योंकि ऑफिस प्रीमाइसेस है इसलिए नहीं है सर। अगर यही पावर जनरेटिंग विंग्स में होता या फिर फैक्ट्री में होता है कंप्यूटर, तो उस केस में हम एडिशनल भी ले लेते हैं। तो चलो फटाफट नॉर्मल डेप्रिसिएशन एडिशनल डेप्रिसिएशन कंप्यूट करो और मुझे डेप्रिसिएशन की अमाउंट बताओ सर। टोटल कर बता दो, या नॉर्मल अलग बता दो, एडिशनल अलग बता दो, ज्यादा अच्छा है। नॉर्मल डेप्रिसिएशन एडिशनल डेप्रिसिएशन बताओ भाई। आप कंप्यूट करोगे, आप सीखोगे, मैं निकालने गया तो मुझे तो वैसे ही सब कुछ आता है, एग्जाम आपको देना है। प्रैक्टिस करो, यही मेन प्रैक्टिस है। नॉर्मल 8,70,000, एडिशनल पक्का 4,80,000। चलो चेक कर लेते हैं, चार हफ्ते तो ये एडिशनल आप लोग का दिख गया। नॉर्मल डेप्रिसिएशन चेक करना पड़ेगा सर, ये 7,50,060 प्लस 60 कितना हो गया, आ गया 870, ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, देखो, अ कार परचेज बाय डॉक्टर सुमान ऑन 10/8/2020 फॉर 5,25,000 फॉर पर्सनल यूज एंड इज ब्रॉट इनटू प्रोफेशनल यूज ऑन 1/7/2023 बाय हिम व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू वाज 2,50,000. एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द कार बताने पूछा और अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन पूछा. तो सर हमने बोला था कार के केस में, कार अगर पहले पर्सनल पर्पस हो बाद में बिजनेस पर्पस भी हो तो भी उस केस में सर उसकी जो एक्चुअल कॉस्ट है उसी एक्चुअल कॉस्ट पे ही डेप्रिसिएशन लगता है सर. हमें मार्केट वैल्यू उस टाइम क्या थी उससे कोई मतलब नहीं होता, कोई मतलब नहीं. ठीक है, तो हम जो डेप्रिसिएशन क्लेम करेंगे 5,25,000 में ही 15% डेप्रिसिएशन क्लेम करेंगे. ठीक है, बट अगर ये बिल्डिंग होती तो बिल्डिंग में ऐसा नहीं करते. बिल्डिंग में हम क्या करते हैं, अगर पहले पर्सनल पर्पस है बाद में प्रोफेशनल या बिजनेस पर्पस के लिए होता है तो बिल्डिंग पे हम पहले डेप्रिसिएशन लगा के उसको बिजनेस पर्पस के लिए उसकी WDV निकालते हैं और उसके बाद फिर उस पे बिजनेस पर्पस पे डेप्रिसिएशन लगता है सर. ठीक है, ये ध्यान रखना सर. आगे बढ़ते और नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा ये क्वेश्चन तो मेहनत वाला था. A newly qualified chartered accountant, Mr. Dhawal, commenced practice and has acquired the following asset in his office for the financial year 23-24 at the cost shown against each item. Calculate the amount of depreciation, आपको amount of depreciation निकालने बोला that can be claimed from his professional income for the assessment year 24-25, assuming that all the assets were purchased by way of account pay check. ठीक है भाई, अच्छी बात है, अकाउंट पे ही चेक है. तो उसके बाद देखो क्या दिया हुआ है, कंप्यूटर इंक्लूडिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेट ऑफ एक्विजिशन पुट टू यूज. सर हमें तो पुट टू यूज की डेट से मतलब है सर. तो 1 अक्टूबर पुट टू यूज है, 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च क्या 180 डेज से ज्यादा है? यस 180 डेज से ज्यादा है. तो इस पे आप पूरा डेप्रिसिएशन क्लेम करोगे 40%. कंप्यूटर UPS है सर, 2 अक्टूबर को एक्वायर किया है, 8 अक्टूबर को पुट टू यूज है, 180 डेज से कम है. तो डेप्रिसिएशन सर 40% नहीं होगा, इसका भी 50% हो जाएगा. ठीक है, कंप्यूटर प्रिंटर 1 अक्टूबर को एक्वायर किया, पुट टू यूज भी 1 अक्टूबर को. बोलो कंप्यूटर प्रिंटर में कितना डेप्रिसिएशन? 40%, ध्यान रखना सर. ठीक है, और 180 डेज से ज्यादा है. बुक्स अदर देन एनुअल पब्लिकेशन आर ऑफ 12,000, इससे फर्क नहीं पड़ता सर. बुक्स में सीधा सीधा 40% डिस्काउंट है. ये 1 अप्रैल को है तो सर इसमें तो पूरा मिल जाएगा, कोई इशू ही नहीं है सर. ऑफिस फर्नीचर एक्वायर्ड फ्रॉम अ प्रैक्टिसिंग सीए, तो सर ये क्या बोलते हैं 1 अप्रैल को है तो इस पे भी पूरा 40% मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है. लैपटॉप है सर 26 सितंबर को परचेज किया था बट 8 अक्टूबर को पुट टू यूज हुआ है, तो सर 43,000 में 40%, इसका भी 50%. अरे सॉरी 40 लिख दिए क्या, 10%, सॉरी फर्नीचर में 10%. ठीक है, तो ये लैपटॉप पे 40% और उसका भी 50% क्योंकि 8 अक्टूबर को पुट टू यूज है सर, तो 180 डेज से कम है. ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये प्रैक्टिस के लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इसको. और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से मजेदार है. क्या बोल रहा है क्वेश्चन देखो, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन अलाउएबल अंडर सेक्शन 32 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 इन रिस्पेक्ट ऑफ द असेसमेंट ईयर 24-25. Assuming that all the assets were purchased by way of account pay check and Mr. Gama has exercised the option of shifting out of the default tax regime under provided under 115 BAC. So, ये आपको normal के हिसाब से निकालने बोल रहा है सर. देखो भाई, Mr. Gama, a proprietor, started a business of manufacturing of tire and tubes for the motor vehicle on 1/1/2023. The manufacturing unit was set up on 1/5/2023. He commenced his manufacturing operation on 1/6/2023. The total cost of the plant and machine installed in the unit was 120 crore. The said plant and machine include second-hand plant and machine bought for 20 crore and new plant and machine for scientific research relating to the business of the SSC acquired at a cost of 15 crore. So, sir, 120 crore ke 3 hisse. Ek to 20 crore, jo second-hand hai. Ek 15 crore, jo scientific research wali hai. Balance kitni bachi? 85 crore, jo new hai. तो सर जो सेकेंड हैंड है इसमें सिर्फ नॉर्मल डेप्रिसिएशन, साइंटिफिक रिसर्च वाले में तो कुछ भी नहीं मिलेगा सर, और जो न्यू वाली है इसमें नॉर्मल डेप्रिसिएशन प्लस एडिशनल डेप्रिसिएशन भी मिलेगा. तो बताइए सर डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है टोटल बताना, नॉर्मल एडिशनल सब ऐड करके.
बहुत इजी क्वेश्चन है, जस्ट अ प्रैक्टिस है ये तो। जी थर्टी टू पॉइंट चेक करते हैं जी। ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, गिरा मिस्टर ए फर्निशेस द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर द प्रीवियस ईयर 23-24, कंप्यूट द डेप्रिसिएशन अलाउएबल अंडर सेक्शन 35, ठीक है। व्हाइल कंप्यूटिंग हिज इनकम अंडर द हेड पीजीपी, इफ ही इज पेइंग टैक्स अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजिम 115 बीएसी भी आ गया, और इफ ही हैज एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रिजिम। देखो 115 बीएसी अगर बोल रहे हो तो फिर बात ही क्या है, क्योंकि सेक्शन 35 की डिडक्शन तो मिलती ही नहीं है सर 115 बीएसी में। तो उस केस में ये और नीचे क्या है सर, ये और ये भी कुछ मिलेगा ही नहीं 115 बीएसी के हिसाब से। ये देखो सर 115 बीएसी के हिसाब से कोई चीज मिल ही नहीं रही है सर, डिफॉल्ट टैक्स रिजिम में सेक्शन 35 की डिडक्शंस नहीं मिलती। बट एक ध्यान रखना, ये वाली आपको ध्यान रखना है सर, एक्सपेंडिचर इंकर्ड इन हाउस, इन हाउस साइंटिफिक रिसर्च कौन सा है पता है, सेक्शन 35(2)(ab), जो सेक्शन 35(2)(ab) है ये मिल जाएगा। अपन जो अपन नोट्स बनाए थे उसमें जाके लिख लो स्टार करके, सेक्शन 35(2)(ab) मिल जाएगा। ये एक लौता है जो मिल जाता है सेक्शन 35 में, ठीक है। जो अपन ऊपर नोट्स बनाए थे ना स्टार्टिंग में, हाँ आ गया नोट्स बनाए थे स्टार्टिंग में, आ गया बग गया। ये रहा, इसमें लिख लो एक्सेप्ट सेक्शन 35(2)(ab), 2ab क्या था सर, इन हाउस साइंटिफिक रिसर्च था सर, ठीक है। तो ये मिल जा रहा है सर, इसके अलावा बाकी नहीं मिलेगा। क्या था पेन नंबर, P5 ऊपर है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। बाकी अगर नॉर्मल टैक्स प्रोविजन में चले तो वो तो 100% सब मिल जाता है सर। आपको सिर्फ एक ही चीज नहीं मिलने वाली है, कौन सा, लैंड का नहीं मिलेगा खर्चा, बाकी सब मिल जाएगा। ध्यान रहेगा, याद रखना सर, सेक्शन 35(2)(ab) मिल जाएगा, इन हाउस मिल जाता है ना डिफॉल्ट टैक्स रिजिम के अंदर भी, क्योंकि ये याद नहीं आएगा एग्जाम में, बाकी सब चीज तो याद आ भी जाएगी। हाँ इसलिए मैं बताया, इसको अच्छे से नोट करके रख लेना, ध्यान रहेगा ताकि। के बाद नेक्स्ट क्या है, कहाँ है क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन 6 देखो सर, ठीक। कंप्यूट द इनकम अंडर द हेड पीजीपी फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 एंड द लॉस टू बी कैरी फॉरवर्ड, अज्यूमिंग दैट मिस्टर ए हैज एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रिजिम। अच्छा हुआ बोल दिया, नहीं तो 35(ad) तो पूरा ही नहीं मिलता है, फिर तो हम पढ़ते ही क्यों ये क्वेश्चन। एंड हैज फुलफिल्ड ऑल द कंडीशन स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 35(ad) एंड वॉन्ट टू क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 35(ad) एंड हैज नॉट क्लेम एनी डिडक्शन अंडर चैप्टर 6(a) अंडर द हेडिंग सी डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टन इनकम, ठीक है। Mr. A commenced operation of the business of setting up a warehousing facility for the storage of food grains, sugar, edible oil. याद करो मैंने पहले भी regular classes में भी जब ये questions कराए थे तब मैंने बताया था ये दोनों agriculture produce में आ जाते हैं सर, edible oil agriculture produce में नहीं आता, तो इसकी 35(ad) में deduction नहीं मिलती है। He has incurred expenditure of 80, 60, 50 respectively on the purchase of land and building for the during the period January to March. Exclusively for the above business, capitalize the same in the books of accounts as on 1st April 2023. The cost of land included in the above figure is 50, 40, 30. So land 50, 40, 30 है, मतलब 80 में से 50 क्या है land है, तो 30 क्या हो जाएगा building। तो sir देखो food grain, sugar,
एडिबल ऑयल सर, अगर सिर्फ मैं बिल्डिंग की बात करूं, क्योंकि लैंड का तो कुछ मिलता ही नहीं है, बिल्डिंग 30 हो जाएगा, यहाँ 60 से लेके माइनस के 40 का तो कितना हो गया 20, ठीक है। और सर तीसरा है कितना 50 से माइनस किए 30। अब आप बोलोगे सर यहाँ बिल्डिंग की वैल्यू क्यों निकाल रहे हो एडिबल ऑयल में, क्योंकि रीजन ये है सर, डिप्रिसिएशन तो मिलेगा ना सर, 35 AD नहीं मिलेगा बट डिप्रिसिएशन तो अभी भी मिलेगा ना सर बिल्डिंग में, और बिल्डिंग पे 10% डिप्रिसिएशन हम क्लेम करेंगे, 20 है सॉरी, ठीक है। उसके बाद आगे देखो, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23-24 ही इंकर्ड अ कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ 20, 15, 10 रिस्पेक्टिवली फॉर द एक्सटेंशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग परचेज एंड यूज एक्सक्लूसिवली फॉर द अबव बिजनेस। तो बिल्डिंग के लिए और खर्चा किया 20, 15 और 10, तो ये हो गया 50, 35 और ये 30, ठीक है, ये काम आएगा हमारे। उसके बाद देखो, द प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस ऑफ सेटिंग अप अ वेयरहाउसिंग फैसिलिटी फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन शुगर एडिबल ऑयल बिफोर क्लेमिंग द डिडक्शन अंडर 35 AD एंड सेक्शन 32 डेप्रिसिएशन फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 इज 16, 14, 31। ये आपको प्रॉफिट्स दिए हुए हैं सर, प्रॉफिट दिए हुए 16 कितना कितना था 31। तो सिंपल सी बात है सर, आप ये प्रॉफिट में से माइनस कर लोगे सर सेक्शन 35 AD के डिडक्शन, यहाँ 50 माइनस करोगे, यहाँ 35 माइनस करोगे, तो ये तो नेगेटिव आ जाएगा सर, 34 नेगेटिव, 21 नेगेटिव, और यहाँ पर सर आप डेप्रिसिएशन माइनस करोगे, माइनस करोगे डेप्रिसिएशन, यहाँ डैश ये डैश, ये 31 ही आएगा, यहाँ पर माइनस करोगे डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन कितना, बिल्डिंग 30 लाख की थी सर, 30 लाख का 10% कितना 3 डेप्रिसिएशन, तो ये 28। आया समझ, बेटा दिमाग में क्लियर हुआ? तो स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस क्या नॉर्मल बिजनेस से एडजस्ट हो सकता है? नहीं, नॉर्मल बिजनेस का लॉस होता तो वो हम स्पेसिफाइड से एडजस्ट कर लेते सर, आई बात समझ? प्रेजेंटेशन ये मैं रफ प्रेजेंटेशन क्यों बेन, प्रेजेंटेशन में रफ किया हूँ, वो पूरा फुल एंड फाइनल किया है, ये मैं आपको फिगर्स समझाया हूँ, वो तो पूरा प्रेजेंटेशन किया होगा, आंसर सेम ही आएगा मैम, आंसर कैसे बदल जाएगा, आंसर तो वही आएगा ना, मैंने क्या बोला प्रेजेंटेशन अलग है, मैं आपको अभी आंसर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कंसेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, प्रेजेंटेशन तो आपको इंस्टीट्यूट मैट देख के ही करना है सर, अभी अगर प्रेजेंटेशन में जाएंगे तो 4 घंटा लग जाएगा, खत्म ही नहीं होगा, मैट ही खत्म नहीं होगा, ठीक है, आए ये समझ? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, देखो सर, कंप्यूट द इनकम अंडर द हेड पीजीबी अज्यूमिंग दैट इज फुलफिल्ड ऑल द कंडीशंस स्पेसिफाइड इन 35 AD एंड ऑप्टेड फॉर क्लेमिंग द डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 AD एंड ही हैज नॉट क्लेम्ड एनी डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 अंडर द हेडिंग सी डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टन इनकम, ही हैज एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रिजिम अंडर सेक्शन 115BAC, मतलब नॉर्मल के हिसाब से चल रहा है सर, ठीक है। मिस्टर सूरज द प्रोप्राइटर कमेंस द ऑपरेशन ऑफ बिजनेस ऑफ अ न्यू 3-star होटल इन मदुराई तमिलनाडु ऑन 1/4/2023। He incurred a capital expenditure of 50 lakh during the previous year January to March, exclusively for the above business and capitalized the same in the books of account as on 1st April 2023. Further, during the previous year 23-24, he incurred a capital expenditure of 2 crore. ठीक है भाई. Out of which 1.5 crore was for the purpose of acquisition of land. तो ये तो मिलेगा नहीं सर. जो building वाला है वही मिलेगा सर. तो 2 crore में से 1.5 गया. 50 लाख बिल्डिंग वाला है सर, ठीक है। उसके बाद देखो, द प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस ऑफ रनिंग दिस होटल बिफोर क्लेमिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 AD वाज 25 लाख, तो इसमें ये डिडक्शन कितनी क्लेम करेगा सर, बताओ भाई ये डिडक्शन कितनी क्लेम करेगा, थर्टी फाइव एडी में डिडक्शन कितनी क्लेम करेगा, 50। और इस 50 को क्या करूं, पक्का
assuming that he is he also has another existing business of running a 4-star hotel in Coimbatore, which commenced the operation 15 years back, the profit from which was 120 lakh for the assessment year 24-25. Also assuming that the payment for capital expenditure was made by net banking. Thank you. तो क्या एडजस्ट हो जाएगा? यस सर, 35 एडी बिजनेस का लॉस 35 एडी बिजनेस के प्रॉफिट से एडजस्ट हो जाएगा. पहले वाले केस में लॉस आएगा कितने का? 75. क्या वो अपन 120 से एडजस्ट कर लेंगे? यस, बहुत सिंपल है सर, बहुत ही ज्यादा सिंपल है. ठीक है, इतना इजी एग्जाम में नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आना चाहिए. चलो देखो, एग्जामिन द टैक्स इंप्लीकेशन ऑफ सर ट्रांसफर इन द हैंड्स ऑफ अर्नव. देखो सर, Mr. Arnav is a proprietor having two units. Unit A carrying on the specified business of setting up and operating a warehousing facility for the storage of sugar. Unit B carries a non-specified business of operating a warehousing facility for the storage of edible oil. Unit A commenced operation on 1/4/2022 and it claimed deduction of 100 lakh incurred on the purchase of two buildings for 50 lakh each. ठीक है, for operating a warehousing facility for the storage of sugar under the section 35AD for the assessment year 23-24. However, in Feb 2024, unit A transferred one of its building to. अब क्या करें? एक बिल्डिंग ट्रांसफर कर दिया, अब क्या करूं? बताओ भाई, क्या करा जाए? किस साल का ईयर चाहिए मेरे को? वेरी गुड, उसी साल तो ट्रांसफर किए, उसी साल का डेप्रिसिएशन भी दे दो. तो फिर मतलब क्या हुआ सेक्शन बनने का? फिर आप क्या डिसअलाउ किए? फिर तो उसकी ऐश हो गई. सर 22-23 का अपन डेप्रिसिएशन क्लेम करेंगे क्योंकि बिजनेस कमेंस कब हुआ है? 22-23 में हुआ है सर. तो 22-23 का अपन 50 लाख पे 10% 5 लाख डेप्रिसिएशन क्लेम कर लेंगे. बचा 45 लाख हमारी इनकम ट्रीट की जाएगी सर. और जो 50 लाख बिल्डिंग हमने स्पेसिफाइड पर्पस के लिए यूज किए उसकी तो डिडक्शन आप आराम से ले सकते हो सर. आई बात समझ? इयर्स का ध्यान दो सर, होश आवास में चलो, नींद में चल रहे हो आधे लोग. आधे लोग ये बोल रहे फेब 2024 में ट्रांसफर हुआ, इसी साल का डेप्रिसिएशन भी दे दो. तो बेवकूफ, फिर डिसअलाउ क्या किया आप लोग? होश आवास में चलो, ये पीजीपी है. थोड़ा भी ध्यान इधर उधर के ना सट्ट से साफ हो जाओगे सर, हवा भी नहीं लगेगी आपको. ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन पेज नंबर ये रहा, ये रहा, ये वाला तो बहुत इजी था सर, ये बहुत इजी था. मेरे को याद है ये क्वेश्चन जहां पर वो बंदा टीडीएस नहीं काटा था. तो हमने बोला था अगर वो टीडीएस नहीं काटता तो सामने वाला क्या हो जाएगा? वो डिसअलाउ हो जाएगा सर पेमेंट जो भी आपने किया. याद है सेक्शन 40? जी वही है, ये बहुत सिंपल है सर. सैलरी पे किया टू इट्स एम्प्लॉय मिस्टर एक्स, क्रेडिटेड एंड पेड इन मार्च. ठीक है, 30% डिसअलाउ हो जाएगा. याद है हम पढ़े थे सर, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था. ठीक है, सेक्शन 192 का इम्प्लीकेशन है. अब हम टीडीएस भी ध्यान रखेंगे सर, क्योंकि हम टीडीएस पढ़ चुके. तो सेक्शन 40 में डिसअलाउ हो जाएगा. सेक्शन 192 के हिसाब से इसने टीडीएस काटा नहीं है सर. ठीक है, आई बात समझ? इसके बाद एक और क्वेश्चन था इसका नीचे. अच्छा, ये दोनों 30% डिसअलाउ हो जाएगा ना, क्योंकि ये सर रेसिडेंट है, रेसिडेंट को पेमेंट हो रहा है. अगर ये नॉन रेसिडेंट को होता तो 100% ही डिसअलाउ हो जाता. वुड योर आंसर चेंज इफ द डेल्टा लिमिटेड हैज डिडक्टेड टैक्स ऑन डायरेक्टर रेमुनरेशन इन अप्रैल 2024 एट द टाइम ऑफ पेमेंट एंड रेमिटेड द सेम इन जुलाई 2024. क्या होगा सर? इस केस में क्या होगा? ये तो जन्मों की पुरानी कहानी है, बताओ क्या होगा?
नेक्स्ट ईयर मिलेगी, इस साल मिलेगी, सोच के जवाब देना सर। मैं बात कर रहा हूँ 23-24 या फिर 24-25। आप लोग बोल रहे 24-25, मैं बोल रहा हूँ 23-24। शर्त लग बताओ 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 मैम, अच्छे से पढ़ के इनकम टैक्स का हर टेस्ट दिए अपन, बताइए। हाँ जो पूछूंगा वो उसमें नहीं थी, जो पूछूंगा उसमें नहीं थी, प्रूफ कर, प्रूफ कर ना। क्यों 24-25, क्यों 23-24 नहीं? मैं बोलता हूँ सर ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, अगर आपने टीडीएस डिडक्ट कर दिया और पे कर दिया तो क्यों नहीं मिलेगा प्रीवियस ईयर में? और आप बोल रहे 24-25, आप ये मान रहे हो कि रिटर्न फाइलिंग के बाद, जबकि मैं बोलता हूँ कंपनी है, कंपनी के लिए रिटर्न फाइलिंग की डेट 31 अक्टूबर है सर, तो ये तो जुलाई की बात है सर। आप देखो ध्यान दो, ये देखो प्रूफ करो मेरे को गलत। और ऐसा नहीं है मैं गलत नहीं हो सकता, प्रूफ करो। दोनों के अपने रीजन हो सकते हैं, आपके और मेरे, पढ़ो अच्छे से और बताओ मुझे। जल्दी यार, पूरा दिन नहीं बिता देना इसमें, क्योंकि बहुत सारा पढ़ना है। देख लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। देख लो देख लो, आराम से देख लो, कोई हड़बड़ी नहीं है। बोलो जल्दी, पूरा दिन थोड़ी बिताना है सर। क्यों? ठीक है चलो, प्रीवियस ईयर 24-25 ना, क्यों क्यों क्यों? बोल क्यों? अजीब अनपढ़ बेवकूफ, मेरे को रीजन चाहिए। क्यों 24-25? मैं तो 23-24 बोल रहा हूँ। क्या मेरे को भी नहीं समझ आया है तो? हाँ ये तो क्या क्या बोली मेरे को भी नहीं समझ आया है सर। टीडीएस डिडक्ट और पेमेंट दोनों चीज नेक्स्ट ईयर हो रही है सर, इस साल कुछ भी नहीं हो रहा है, ना डिडक्ट हो रहा है ना पेमेंट हो रहा है। तो सरकार बोलती है जब दोनों चीजें नेक्स्ट ईयर हो रही है तो ये खर्चा भी आपको नेक्स्ट ईयर ही अलाउ होगा।
मतलब तेको बोला वापस जस्टिफाई कर, तू रुक गया, तू जस्टिफाई करता मैं काम मना, तो मैं तो डाउटफुल में डालूंगा ना, मेरा तो काम ही यही है, आपको सोचना है सर, एग्जाम में गारंटी थोड़ी कि यही आ जाएगा सर, ठीक है सर, टीडीएस डिडक्ट नेक्स्ट ईयर हुआ है, पेमेंट भी नेक्स्ट ईयर हुआ है, तो सरकार बोलती है इस साल आप ये खर्चा क्लेम नहीं कर सकते, अगर डिडक्ट इस साल होता, पेमेंट सर 31 के पहले ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न होता तो आपको ये खर्चा मिल जाता सर, आपने पेमेंट पहले कर दिया, डिडक्ट भले बाद में कर रहे हो, ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न तो आपको ये खर्चा मिल जाता, दोनों में से एक चीज पहले हो जानी चाहिए, अगर एक भी चीज पहले नहीं हो रही है, दोनों चीजें नेक्स्ट ईयर हो रही है, तो फिर सरकार बोलती है खर्चा नेक्स्ट ईयर ही मिलेगा आपको, ठीक है जी जी। देखो अगला इलस्ट्रेशन, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 23-24 द फॉलोइंग पेमेंट्स एंड एक्सपेंडिचर्स वेर मेड बाय वेर इनकर्ड बाय राजा अ रेसिडेंट इंडिविजुअल हुज टर्नओवर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर डज नॉट मतलब एंडेड कितना है सर 99 लाख। अब ये बवाल है सर क्योंकि ये टीडीएस की बातें करेगा सर। चलो सर टीडीएस याद है, याद है 100 करोड़ पागल है कि भाई 1 करोड़ पागल। ब्रीफली डिस्कस वेदर एनी डिसअलाउंसेस अराइजेस अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 40 अज्यूमिंग दैट द पे इज इन ऑल द केसेस मेंशन अबव हैज नॉट पेड द टैक्स इफ एनी व्हिच हैज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड बाय मिस्टर राजा। ये पे तो नहीं हुआ है, चलो भाई पहला दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑफ 45,000 वाज पेड टू रहमान एंड कंपनी अ रेसिडेंट पार्टनरशिप फर्म विदाउट डिडक्टिंग टैक्स एट सोर्स। बताओ भाई याद है टीडीएस, तो फिर आगे बात करते सर, क्योंकि अगर टीडीएस याद नहीं है तो पहले टीडीएस जिस दिन हम रिवाइज करेंगे तब ये क्वेश्चन कर पाएंगे, नहीं तो अभी तो नहीं कर पाओगे सर। याद है बोलो भाई 193, 194A, 4 कुछ है ऐसा दिमाग में 194G, 194H याद है कुछ? अगर याद है टीडीएस तो ये करते हैं, नहीं तो बाद में करेंगे सर, क्योंकि ये अभी नहीं हो पाएगा, फिर जब तक टीडीएस याद नहीं है तो कैसे करेंगे। मुझे क्या पता, फिर ये लाइन जो नीचे दी हुई है ये इरिलेवेंट हो जाएगी, आप छवि एक्सक्लूडेड है इसमें, क्योंकि आपको पता ही नहीं है पीजीपी क्या है तो आपको क्या ही बात करेंगे आपसे हम, बताइए तो फिर इसका मतलब क्या हो जाएगा। आई तो तू पूरी एब्सेंट थी तो मैं तेरे से क्या ही बात करूं, बस वो स्टार्टिंग डेप्रिसिएशन खत्म है, बस उतना तक खत्म हो गया मैं, उसके आगे की कहानी है। बताओ बताओ एक काम करो, जब आप लोग टीडीएस पढ़ लोगे ना, जब टीडीएस हम रिवाइज करेंगे तब ये क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि अभी कर हाँ ठीक है, तो फिर डिसअलायंस वेरी गुड, टीडीएस याद है तेको थोड़ा थोड़ा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, जब तक टीडीएस नहीं आएगा वो क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है उसमें 192 और अगला वाला 194H उसका रिलेवेंस है सर, तो वो पहले टीडीएस याद होगा तब वो बनेगा, टीडीएस याद नहीं है तो वो भी नहीं बनेगा। और सर याद रखना है एग्जाम में वो मान के चलता है कि आप टीडीएस का प्रोविजन का वर्किंग नोट दे के आओगे, नहीं दोगे तो वो मार्क्स काट देगा, उसको क्या पता कि आपको याद नहीं है। मैंने बताया था कोई भी चीज जितनी जगह उसका कनेक्शन आएगा वो सब चीजें उसको चाहिए, जितनी जगह उसका कनेक्शन आएगा आपको मेंशन करना है, बस यही डिफरेंस हो जाता है टॉपर और मिड स्टूडेंट पे। मिड स्टूडेंट क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा ये लिख के आएगा सेक्शन 40 में डिसअलाउड, टॉपर क्या लिख के आएगा एज इज टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 1 करोड़ देयरफॉर एज पर सेक्शन 194 एंड या एच ले लो जो भी ले लो कमीशन वाला 194H द अमाउंट डज नॉट एक्सीड देयरफॉर ही इज नॉट लायबल टू पेमेंट ऑफ टीडीएस एंड देयरफॉर देयर विल बी नो डिसअलाउंस अंडर सेक्शन 40। ऐसे पूरा लिखेगा तब मार्क्स मिलते हैं पूरे, नहीं तो क्या आपको पकड़ में दे देगा वो चिल्लर से पार्टी टैक की हरकत करने का दे देगा, 15,000 से ऊपर गया तो कमीशन में 5% टीडीएस है, 5% मल्टीप्लाई करने का देगा आपको मार्क्स। चलो अ फर्म हैज पेड 7,50,000 एज रेम्युनरेशन टू इट्स पार्टनर फॉर द प्रीवियस ईयर 23-24 इन अकॉर्डेंस विद इट्स पार्टनरशिप डीड एंड हैज अ बुक प्रॉफिट ऑफ 10 लाख। लो भाई ये तो बच्चे वाला किस्सा है सर, 10 लाख बुक प्रॉफिट है, तो पहले 3 लाख तक
270,000, बाकी 7 लाख का 60% कितना हो जाएगा? 420,000, 420,000 प्लस 270,000 कितना हो जाएगा? 690,000. इसने कितना पे किया है? 7.5. कितना मैक्सिमम हो सकता है? ये तो ऐसा होना चाहिए, बिना केल्सी के कैलकुलेशन होना चाहिए, ऐसे टिप पे होना चाहिए, तब मजा आता है सर, तब पेपर बनाने में मजा. आपको क्या लगता है, आप पेपर में हर चीज के लिए उठा के लिए केल्सी यूज करोगे? लिख के ले लो, जितना केल्सी पे डिपेंडेंट हो उतना पेपर के लिए टाइम शॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि जब जब आप कैलसी उठाने जाओगे टाइम वेस्ट होगा. बहुत सारे कैलकुलेशन टिप में होना चाहिए, बहुत सारे कैलकुलेशन. हाँ, बड़े लेवल का ही एकदम कैलकुलेशन आ जाए जो भाई, तो फिर करो कैलसी में, क्या ही बात है. बट छोटे मोटे कैलकुलेशन तो आपके टिप में होना चाहिए, नहीं तो लिख के ले लो अकाउंट्स का पेपर छोड़ के आओगे. चैलेंज है, स्टैम्प पेपर में लिख के ले लो मेरा अकाउंट्स का पेपर छोड़ के आओगे सर, चैलेंज है. उसमें भी कैलकुलेशन होते हैं, कौन बोला नहीं होते. मैं भी तो अकाउंट्स दिया हूँ सर, मेरा कैलकुलेशन होते हैं. आप हर चीज को ऐड करने चल जाओ, 10,000 प्लस 15,000. अबे बेवकूफ, इतना तो चलना चाहिए 25 है. कुछ कैलकुलेशन तो पढ़ के आने चाहिए, कि पढ़ के पढ़ते रहे और कैलकुलेशन होते रहे दिमाग में, वैसा होगा तभी अकाउंट्स का पेपर पूरा बनेगा. नहीं तो आप भूलो मत सर, आपके एएस पूरे हैं. आप वो अकाउंट्स दे रहे हो जो एक जमाने में लोग दिया करते थे सर, पूरा अकाउंट्स. आप वो अकाउंट्स दे रहे हो, आप लोग भूल गए हो, जागो. पास के एग्जेम्पशन आते थे लोगों के, जबरदस्त पेपर जाते थे लोगों के, और एएस के दम पे तो लोग पास हो जाते. गजब. मैं भी एएस के दम पे पास. एएस तो ऐसे थे टिप पे याद होते थे, इतना सड़ा तो होता है एएस, कुछ होता ही नहीं है. चार थ्योरी और चार क्वेश्चन खत्म. एएस चार पेज में, तो एएस में कुछ होता ही नहीं है. देखो आज तक मेरा तो अकाउंट्स में, जो मैं ग्रुप वन दिया था उसमें भी अकाउंट्स में मेरा 84 था, ग्रुप टू में भी मेरा अकाउंट्स में 63 था. अकाउंट्स में कम हो ही नहीं सकता, इतना इजी सब्जेक्ट है, कुछ होता ही नहीं है. जो होता है उठा के कैलकुलेशन करते रहो, दन 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 कैलकुलेशन ही करना है, और क्या ही है. आपके कैलकुलेशन टिप में होना चाहिए, नहीं तो आप लिख के ले लो, कॉस्ट का पेपर छूट जाएगा. वो कैलकुलेशन कितनी है कॉस्ट में, आप लोग वो मार्जिनल स्टैंडर्ड बजट पढ़ो, पूरी दुनिया में कैलकुलेशन है, इतनी कैलकुलेशन है. आपका कैलकुलेशन थोड़ा भी वीक हुआ मतलब आपका पेपर छूटना स्टार्ट हुआ. हाँ, कैलकुलेशन वीक है तो भी एक पेपर अच्छा जाएगा, दैट इज लॉ, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन नहीं है. हाँ, ऑडिट भी अच्छा जाएगा, एफएम में कैलकुलेशन. जगा रहा हूं, लास्ट 4 महीने बचे, रिवर्स काउंटिंग कर लो सर, मेरे को तो गिनना ही मत. 4 ही महीना बचा है सर, इस 4 महीने के बीच में आप लोग बीकॉम भी देने वाले हो, अलग लेवल के टैलेंटेड. जो भी दे रहा होगा मेरे को क्या पता कौन दे रहा है भाई. चलो नहीं, छोड़ भी दिए तो 4 महीना बचा, 4 महीना मीन्स टोटल 120 डेज. 120 डेज ही तो हुए ना, 30 से मल्टीप्लाई कर लो. लो भाई 125 ले लो, 31 का महीना मान लो, आपको जो मानना मान लो. ज्यादा से ज्यादा आपका 120 दिन बचा. 120 दिन में मान के चलो 20 दिन आपकी तबियत खराब, इधर उधर दोस्ती यारी, बर्थडे, अपना बर्थडे, पड़ोसी का बर्थडे, बॉयफ्रेंड का बर्थडे, मेरा बर्थडे, सब आ जाएगा. ठीक है, 20 दिन तो ये गया जो आपका टाइम वेस्ट होगा. किसी दिन मूड ही नहीं करेगा पढ़ने का, किसी दिन घर वाले पढ़ने नहीं देंगे. ठीक है, बीच में होली आएगी, सब मनाओगे आप लोग. ठीक, वो सब हो गई, डिस्टर्ब हो गई. ठीक है, आप नहीं मनाओगे तो क्या हुआ, दुनिया तो मनाएगी, वो डिस्टर्ब करेगी. तू मेरे से लिख के ले ले, तू अभी पिछले दिन में कितने दिन पढ़ पाई है जो 20 दिन तेरा डिस्टर्ब नहीं होगा. 20 दिन डिस्टर्ब, 120 दिन में तेरा 20 दिन डिस्टर्ब नहीं होगा. तो और किस में बोल रहा हूँ पागल, 1 महीने में 20 दिन डिस्टर्ब करेगी क्या, तो पढ़ेगी कैसे. वेरी गुड, होता है होता है, पीजीपी चैप्टर में सबके साथ होता है. तो 100 दिन बचे सर, 100 दिन आपको 6 सब्जेक्ट को देना है. प्रोबेबली एक सब्जेक्ट को 17-18 दिन से ज्यादा आप दे ही नहीं पाओगे, दे ही नहीं पाओगे. इस 17 दिन में आपको चैप्टर रिवाइज करना है, कोर्स कंप्लीट करना है, उसको पढ़ना भी है, याद भी करना है, टेस्ट भी देना है, और रिवाइज भी करना है, और एग्जाम देना है. एक्स्ट्रा ब्रिलियंट हो आप लोग, रिवर्स काउंटिंग चालू कर दो सर. ठीक है, टू बी फ्रैंक, वेरी फ्रैंक, जितने टॉपर रैंकर्स है वो अब दुनियादारी से परे हो चुके हैं. जिनको एक अटेम्प्ट में पास होना है वो सब दुनियादारी से परे हो चुके हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है अब, क्योंकि सबको पता 4 महीना बचा है सर. कोई हाल में पास नहीं हो पाएगा अगर कोई 4 महीना प्रॉपर नहीं पढ़ा तो. सीए इंटर बोध ग्रुप निकालने के लिए 3 महीने में निकलते लोग, बट वो 3 महीना कैसा होता है पता है, ये दरवाजे के जस्ट नीचे थाली आ रही है, खा रहे हैं, वॉशरूम कनेक्टेड है, बाहर की दुनिया पता ही नहीं है.
कौन मर रहा है कौन जिंदा है नहीं पता है, तब वो 3 महीने में बहुत लोग पास होते हैं, तभी छो पाते हैं, नहीं तो नहीं हो पाएगा, कोई नहीं हो पाएगा कुछ भी। हाँ जेल भी उससे अच्छी होती है, उससे भी भाई यार जेल में कम से कम कुछ तो हो सकता है, यहाँ कुछ नहीं हो सकता, आपको मतलब ही नहीं है बाहर क्या हो रहा है, बिल्कुल नहीं। तब निकलता है बोध ग्रुप, बोध ग्रुप वाले लोगों की जिंदगी ऐसे ही नहीं होती, तब बोध ग्रुप। हाँ नहीं नहीं आप सीरियस हो जाओ, 4 महीना बचा है, अगर किसी को भी ढंग से इज्जत से बोध ग्रुप निकालना है या एक ग्रुप भी अच्छे से निकालना है तो आप एकदम सीरियस होके पढ़ो, बहुत डैम सीरियस हो जाओ। 4 महीना कहां दिन एक एक कटते ना हवा नहीं लगती, सही बता रहा हूँ, विश्वास करो। कई बार ऐसा होता है यार आधे दिन के बीच में मन नहीं करता, अरे यार दिमाग में कुछ नहीं जा रहा, स्टक हो गए एकदम, ब्लैंक हो गए हम दिमाग से, बहुत सारी चीजें होती है सर, बहुत सारी चीजें। हाँ जिस दिन मन ना करे आप एक काम करो, वो चीज पढ़ना स्टार्ट कर दो जो सबसे प्यारी लगती है, सबसे प्यारी लगती है, IHP पढ़ लो, खाली कुछ है ही नहीं उसमें, और ज्यादा इजी पढ़ना है बेसिक कंसेप्ट पढ़ लो, और इजी पढ़ना है रेसिडेंशियल स्टेटस पढ़ लो, कुछ नहीं पढ़ना है क्लबिंग पढ़ लो, GST का इंट्रोडक्शन पढ़ लो। गाली देना चालू करना सरकार को, 2000 से चालू किया था, 2017 में GST लाए, क्या कर रहे थे 17 साल, बैठ के गाली दो, पर कुछ पढ़ो, पढ़ाई छोड़ ही नहीं सकते आप किसी हाल में, नहीं छोड़ सकते आप, अब वो टाइम ही नहीं है, अब आप थोड़ा भी टाइम वेस्ट करोगे तो इसका इम्पैक्ट आप पे ही आएगा। चलो सर पढ़ते हैं, देखो इस क्वेश्चन में बुक प्रॉफिट निकालना है और सर रेम्यूनरेशन निकालना है। देखो राव एंड जैन पार्टनरशिप फर्म कंसिस्टिंग ऑफ 2 पार्टनर्स रिपोर्ट अ नेट प्रॉफिट ऑफ 7 लाख, रिपोर्ट डिडक्शन ऑफ द फॉलोइंग आइटम बिफोर, है ना, सैलरी ऑफ 20,000 ईच पर मंथ पेबल टू 2 वर्किंग पार्टनर्स ऑफ द फर्म एज पर एज ऑथराइज बाय द डीड ऑफ द पार्टनरशिप। तो 20,000 इंटू 2 इंटू 12 कितना आएगा, ये 4,80,000 आएगा शायद, शायद यही आ रहा ना, ठीक है। डेप्रिसिएशन ऑन द प्लांट एंड मशीन कितना दिया हुआ सर, 1,50,000, तो डेप्रिसिएशन तो आप इसमें से माइनस करोगे, क्या ही इशू है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15% दिया हुआ है, हम तो सिर्फ 12 ही अलाउ करते हैं सर। द अमाउंट ऑफ कैपिटल एलिजिबल फॉर द इंटरेस्ट इज 5 लाख, तो 5 लाख का 12% 60,000, तो आप क्या करोगे इसमें से 60,000 माइनस करोगे, ये दोनों माइनस करोगे, माइनस करने के बाद जो आएगा आपका वो आएगा बुक प्रॉफिट, फिर बुक प्रॉफिट के साथ आप निकालोगे अलाउएबल रेम्यूनरेशन, कितना पे कर सकते थे, पे कितना किया वो तो हमने पता कर लिया, कितना पे कर सकते थे वो आपको पता करना है। तो पहले बुक प्रॉफिट बताओ कितना आ रहा है, चलो बुक प्रॉफिट आ गया, अलाउएबल रेम्यूनरेशन बताओ सर, पक्का 3,84,000 सर, इतना अलाउएबल है, इतना पे कर रहे हैं, मिलेगा कितना 3,84,000, सिंपल इजी, 3,84,000। पढ़ना स्टार्ट कर दो, टाइम बहुत कम है, सच बता रहा हूं, मत टाइम वेस्ट करो, विश्वास करो मत टाइम वेस्ट करो। नहीं पढ़ ले बहन, क्योंकि पढ़ने वालों की जो सिंसेरिटी होती है वो अलग दिखती है, उन्हें कोई मतलब ही नहीं है बहन, प्लस नहीं जो पढ़ रहा है उसके चेहरे से सिंसेरिटी दिखती है, हंसना नहीं हंसना तो मैं बोला ही नहीं कभी, तू घूम ना रात भर घूम, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, बट तेरा जो टारगेट है अभी दिखा, मैं तेरे से पूछूंगा नेक्स्ट 1 महीने का शेड्यूल दिखा दे, तू मेरे को तेरा पढ़ने का क्या है दिखा दे, नहीं है तेरे पास, जो सिंसेयर होगा उसका शेड्यूल सेट है कि मेरे को ये महीने में ये चीज खत्म करनी है, ये टॉपिक्स खत्म हो जाना चाहिए, इतना मेरा कंप्लीट होना चाहिए, तब मैं अगले महीने का टारगेट सेट करूंगा। अरे दिमाग में तो रहेगा, चलो ठीक है सुनेंगे। बता भी देगी तो कौन सा तू उसको फॉलो कर लेगी, देखो सब अपना अपना ही फॉलो करोगे ना, कोई किसी से मैच, अबे बच्चे हो के भी मैचिंग खेलता है, अच्छा तेरा ये है मेरा भी यही रहेगा, ऐसा तो नहीं है ना, बड़े हो गए हो। चलो देखो, हाँ एक्स लिमिटेड कंट्रीब्यूट्स 20% ऑफ द बेसिक सैलरी टू द अकाउंट ऑफ द एम्प्लॉई अंडर अ बेसिक अंडर अ पेंशन स्कीम रिफर टू इन ATCCD। सर 20% नहीं, 10% कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है, याद है ना, DA is 40% of the basic salary and its forming part. तो ठीक है भाई, हमें तो सैलरी पता करना पड़ेगा पहले, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ रिडक्शन अंडर सेक्शन 36। तो सर वो तो 10% ही मिलने वाला है सर, बेसिक सैलरी कितनी दी हुई है 10 लाख,
अच्छा ये डिसअलायंस पूछ रहा है वो बात की बात है, डिसअलायंस तो बहुत बात की बात है। पहले तो सेक्शन कितना है सर, 10 लाख बेसिक सैलरी है, डीएस का 40% तो कितना हो गया सर 4 लाख, टोटल मिला के कितना हुआ 14 लाख, 14 लाख। और सर ये कंट्रीब्यूट किया कितना है 20% ऑफ बेसिक सैलरी, बट कर कितना सकता है 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए 1,40,000। तो कितना कंट्रीब्यूट किया ये 2 लाख, कितना कर सकता था 1,40,000, कितना डिसअलाउ हो गया। ये रहा अगला, ये वाला क्वेश्चन इजी था, ये बहुत सिंपल था, याद है सर हमने ये सीखा था कि सर इंटरेस्ट जितना पे होता है उतना ही अलाउ होता है, सेक्शन 43 बी बीच में आ जाता है सर। वो बोलता है सर कि अगर आपने इंटरेस्ट को लोन में कन्वर्ट किया है तो वो अलाउ थोड़ी होता है, जितना आप एक्चुअली पे करते हो वही अलाउ होता है। ये बहुत सिंपल इजी क्वेश्चन है, आप इसको रीड करोगे तो भी हो जाएगा सर, ये कोई एकदम रॉकेट साइंस वाला क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, क्योंकि पीजीपी के अच्छे क्वेश्चन अभी जिंदा है सर नीचे, वो करना है सर मेन। पिन नंबर बताओगे क्या? ये रहा, ये तो एकदम ही इजी है सर, याद है सर हम क्या देखते थे सर, सेक्शन 44AA देखते थे सर, किसके लिए, स्पेसिफाइड प्रोफेशनल्स के लिए। और हमने क्या बोला था सर, इनका 3 साल 1,50,000 से ज्यादा एक्सीड करना चाहिए तभी इनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की बात है। तो यहाँ तो सर 1 साल कम हो गया ना, मेंटेन ही नहीं करना है सर, टेंशन ही नहीं है। ये रहा, नहीं आ गया, ये रहा ना, पहले नीचे क्वेश्चन पढ़ते क्या दिया हुआ है। इस प्रवीण मिस्टर प्रवीण आल्सो एलिजिबल फॉर प्रिजम्प्टिव डिटरमिनेशन ऑफ हिज इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर द असेसमेंट ईयर 24-25। If so, determine his income from retail trade as per the applicable presumptive provision. Sir, ये question important है. Amendment के ऊपर question है sir ये. MCQ में आ सकता है. In case Mr. Praveen want to declare profit as per the books of accounts from the retail trade, what are his obligation under the Income Tax Act 1961? What is the due date or filing of return of income under both the options? ठीक है, okay, fine. चलो start करते हैं. मिस्टर प्रवीण एंगेज इन अ रिटेल ट्रेड, रिपोर्ट अ टर्नओवर, देखो सर टर्नओवर। अगर मैं पुराना वाला प्रोविजन पढ़ के आया हुआ होता तो मैं बोलता भैया 2 करोड़ के ऊपर तो 44 एडी मिलता ही नहीं है सर, बट अब अमेंडेड है और अमेंडेड में 3 करोड़ की बात है, बट 5% से ज्यादा कैश रिसिप्ट नहीं होना चाहिए सर, वो हमें देखना पड़ेगा आगे, देखते हैं सर। For the financial year 23-24, amount received in cash during the previous year 23-24 is 14 lakh. भैया करो, मेरे को नहीं पता, इसका 5% करो। 14,92,000 आ रहा है ना सर, तो ये तो 14 लाख ही कर रहा है सर, तो 5% से कम कर रहा है कैश में, तो क्या ये बंदा अभी भी 44AD ले सकता है? यस ले सकता है सर। And balance through prescribed electronic mode on or before the 31st October 2024. His income from the said business as per the books of account is 15 lakh, computed as per the provision of chapter 60. Profit and gain from the business or profession of the Income Tax Act 1961. Retail trade is the only source of income for Mr. Praveen for the assessment year 23-24 was the first year for which he declared his business income in accordance with the provision of presumptive 44AD. तो ये बोल रहा है, इज मिस्टर प्रवीण एलिजिबल फॉर डिटरमिनेशन ऑफ हिज इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर 44AD? यस, वो 44AD ले सकता है सर। तो वो बोल रहा है अगर आप 44AD के हिसाब से इसकी इनकम बोल रहे हो तो फिर इसकी इनकम कितनी हुई, निकालो कितना होगा सर बताओ। 14 लाख कैश में सर, तो जो कैश में है वो 8% है, बचा हुआ इलेक्ट्रॉनिक मोड पे तो उस पर 6%, निकालो बताओ कितना आ रहा है उसकी इनकम। निकालो और बताओ इनकम कितनी आ रही है। ये आ रही है, चलो चेक कर लेते हैं क्या आप लोगों ने सही निकाला है। हाँ ये रहा,
18,19,000 ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, इन केस मिस्टर प्रवीण वांट टू डिक्लेयर प्रॉफिट एज पर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स फ्रॉम रिटेल ट्रेड, व्हाट आर हिज ऑब्लिगेशन। भैया कितना डिक्लेयर करना था, 18,19,000, ये बंदा बुक ऑफ प्रॉफिट के हिसाब से कितना कर रहा है, 15,00,000, क्या कम डिक्लेयर कर रहा है? यस सर। अब क्या करना पड़ेगा, बुक्स भी मेंटेन करना पड़ेगा, टैक्स ऑडिट भी कराना पड़ेगा सर, यही है सर। अब इसको बुक्स भी मेंटेन करना पड़ेगा, टैक्स ऑडिट भी कराना पड़ेगा, और याद रखना सर, एक बार आपने 44 एडी के हिसाब से कम इनकम दिखा दी तो अगले 5 साल आपको ये सेक्शन मिलेगा नहीं सर, ठीक है, ये चीज ध्यान रखने वाली बात। इसके बाद क्या बोल रहा है, व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न इज रिटर्न ऑफ इनकम अंडर बोथ द ऑप्शन। अगर आप 44 एडी फॉलो करते हो सर तो सरकार बोलती कोई दिक्कत नहीं है, तुम क्या हो इंडिविजुअल पर्सन, 5% से ज्यादा कैश रिसिप्ट नहीं है, तो उस केस में तुम्हारे लिए जो 44 ए बी की लिमिट है वो 10 करोड़ वाली है, ये याद आ रहा है? आधे लोग सोच रहे हैं, आधे लोग सोच रहे सिर्फ मेरे को देख रहे हैं कि सर आगे कुछ बोलेंगे तो शायद कुछ समझ आ जाए, याद आ जाए। फोर्टी फोर ए बी के अपन 3 लिमिट पड़े थे, 1, 2, 10 44 एडी, हाँ थैंक यू, जिसमें से 44 एडी वालों के लिए हमने 2 करोड़ की लिमिट पड़ी थी, ठीक है, 1 करोड़ जनरल लिमिट थी, 10 करोड़ की उसके लिए थी जो 5% ज्यादा कैश रिसिप्ट या पेमेंट नहीं करता। तो आपसे ड्यू डेट्स पूछ रहे सर, दोनों केस में ड्यू डेट, एक जब वो 44 एडी ले रहा है और एक केस जहाँ पर वो 44 एडी नहीं मानता, तो 44 एडी नहीं मानेगा तब क्या होगा सर, उसको बुक्स मेंटेन करना पड़ेगा, टैक्स ऑडिट करवाना पड़ जाएगा, उस केस में क्या हो जाएगा सर, तो सर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा, टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा कि नहीं कराना पड़ेगा। बहुत गजब क्वेश्चन है ये, क्योंकि आपको ये सोचना है 44 एबी की कौन सी वाली लिमिट अप्लाई हो जाएगी इसके ऊपर, 10 करोड़ की 2 करोड़ की 1 करोड़, ये पहले सोचो, पहले तो ये सोचो, बात की बात है ड्यू डेट्स, तो ड्यू डेट तो बहुत बाद में आएगी सर। जल्दी जल्दी बताना, पहले तो मेरे को ये बताना 44 एडी अगर अप्लाई करता है, पहला केस है ना 44 एडी अप्लाई कर रहा है तो उस केस में कितनी लिमिट, सॉरी ड्यू डेट क्या है, तो फिर सेकंड केस जहां 44 एडी नहीं ले रहा है वो टैक्स ऑडिट करा रहा है कि नहीं, हाँ। क्यों कराएगा, 5% से कम है कैश रिसिप्ट, पर वो है ना 44 एडी में नहीं है, मान गया, बट अगर तू अपन पढ़ के आया 44 एबी में जहां पर हमने ये बोला था 5% ज्यादा कैश रिसिप्ट या पेमेंट नहीं है, तो उस केस में सर आप चाहो तो 10 करोड़ की लिमिट अप्लाई कर लो, तो मैं बोलता हूँ 10K अप्लाई कर लेते ना, और 10K अप्लाई करोगे तो इसका तो टर्नओवर 3 से भी कम है, तो बच गया फिर तो। प्यारा क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन है सर। क्या बोल रही है, क्या पढ़ रही है, मेरे को भी नहीं समझ आया, आज से क्या लाइफ है। हाँ वो तो तू जो बोल रही है वो सही है, मैं तो खुद बोल रहा हूँ, आप समझो ये क्वेश्चन को समझने का तरीका, देखो आप इसको लिमिट पे रखना, इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को हम लिमिट पे कैसे रखते हैं, या तो 44 एडी ले रहा है और नहीं ले पा रहा है, और अगर नहीं ले पा रहा है तो क्या लिमिट हो गई, 44 एडी ले लिया तो वो तो आग बंद करके 31 जुलाई है, फिर क्या ही पढ़ रहे हो। अगर 44 एडी नहीं ले पा रहा है सर, वो अगर कम इनकम दिखा रहा है, कम इनकम दिखा रहा है तो टैक्स ऑडिट होगा, ऑटोमेटिक आना चाहिए सर, उस केस में फिर टर्नओवर को इग्नोर कर देना, कि अगर वो जानबूझ के कम दिखा रहा है तो फिर उस केस में वो 44 एडी से बाहर हुआ, एडी से बाहर हुआ मतलब उसको टैक्स ऑडिट करवाना पड़ गया, करवाना पड़ गया, जिसके कारण उसके लिए ड्यू डेट क्या हो जाएगी, 31 अक्टूबर। आई बात समझ, ये पीछे इसके प्रॉपर रीजन और लॉजिक है, अच्छा क्वेश्चन है, अमेंडमेंट का क्वेश्चन है, आ सकता है सर 2 मार्क्स में है, सीधा अपन 31 जी, अच्छा क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से तो बेहतरीन है, आप इसको ध्यान रखें तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 17 देखो सर, याद है ये व्हीकल वाला केस पढ़े थे हम, बड़ा प्यारा क्वेश्चन था ये, तो टेस्ट में भी दिया था। मिस्टर एक्स कमेंस द बिजनेस ऑफ ऑपरेटिंग गुड्स व्हीकल ऑन 1/4/2023। He purchased the following vehicles during the previous year 23-24. Compute his income under 44AE. Sir, हमें क्या put to use से कोई मतलब होता है? नहीं सर, put to use से कोई मतलब नहीं होता, आंसर कोई चेंज होगा नहीं सर, ये सेम क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर चुके हैं, बट इसका आप मेरे को कैलकुलेट करके बताइए सर कितनी इनकम आ रही है, मैं चाहता हूँ आप कैलकुलेट करके बताइए। बस ये याद रखना ये दो हैवी गुड्स व्हीकल में जाएंगे क्योंकि 12,000 से ऊपर है सर, ये चारों के चारों लाइट गुड्स व्हीकल में जाएंगे सर, लाइट गुड्स ये हैवी गुड्स, आप मल्टीप्लाई करिए मंथ्स सब चीजें कैलकुलेट करिए और मेरे को बताइए सर, क्योंकि मैं कैलकुलेट करूंगा तो सेंस ही नहीं बनेगा, मेरे को तो याद है बस इतना बता देता हूं मैं, 7500 और यहां पर 1000 पर टर्न है, है ना, ये पर टर्न है, ये पर मंथ है, ठीक है, आप कैलकुलेट करिए क्योंकि मंथ्स कैलकुलेट करना जरूरी है सर, सही कैलकुलेट करना और जल्दी से बताना। इसके बाद और कितने नीचे क्वेश्चन बचे राम मालिक, इसके बाद इलस्ट्रेशन एक ही है ना, उसके बाद फिर नीचे, अरे माफ किया कुछ नहीं, कुछ नहीं। चलो चलो फटाफट बनाओ, मल्टीप्लाई तो करना है, 7500 इंटू 2 इंटू 12, 7500 इंटू 1 इंटू 1, 7500 3 into 9, 7500 into 1 into 3, 1000 into 15 into 2 into 8, 8 महीने, फिर 1000 into 1 into 2 into 15, कोई बात नहीं, तुम्हें कहाँ फुट बोला, मैं तो मेरा, अरे बोला कोई बात नहीं, वो तसल्ली देना बोलते ना उसको, वो दिया है मैं तेको, पढ़ लो दिन कम है, और नहीं तो मैं ग्रुप में मैसेज करना स्टार्ट कर दूंगा, बता रहा हूँ मैं, लास्ट 120 डेज लेफ्ट, कितना रहा 682 500, अरे 15 टन है, 1000 पर टन, हाँ ये आ रहा है जिसका, ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सर, मिस विविता अ रेसिडेंट एंड एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया हैज डिराइव्ड द फॉलोइंग इनकम फ्रॉम वेरियस ऑपरेशन रिलेटिंग टू प्लांटेशन एंड एस्टेट्स ओन्ड बाय हर, ये तो एग्रीकल्चर इनकम वाली बातें आ गई, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेंट्रीफ्यूज्ड लेटेक्स प्रोसेस फ्रॉम रबर, रबर के केस में क्या था सर, याद है ना, बिजनेस इनकम एग्रीकल्चर इनकम, ये मल्टीप्लाई आप कर लेना, होमवर्क रहेगा। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ कॉफी ग्रोन एंड क्योर्ड इन यारक्यूट तमिलनाडु, नेक्स्ट इनकम फ्रॉम सेल ऑफ कॉफी ग्रोन क्योर्ड रोस्टेड ग्राउंडेड इन कोलंबो, सेल कंसीडरेशन वाज रिसीव्ड इन चेन्नई, बोलो भाई 100%. आंख बंद करके ना पड़े सर, इंडिया के बाहर जो भी होता है वो एग्रीकल्चर इनकम कब से हुई, ये तो शुरू से स्टार्टिंग में चैप्टर के कल रिवाइज करा रहा था तब भी मैं यही बोला था
ये इंडिया से बाहर है तो वो एग्रीकल्चर इनकम मानी ही नहीं जाती है, ठीक है, वो हम यूएस में टैक्सेबल करते हैं या बिजनेस इनकम। हाँ टी तो इजी है सर, शिमला इंडिया में ही ना। चल अगला वाला बता दो भाई। कोचीन इंडिया में नहीं है, इंडिया में, इंडिया में। प्राइमरी प्री प्राइमरी भी आएगा, नर्सरी है तो मैं तो कुछ बोला ही नहीं इस बार, इस बार मैं कहा बोला सर नर्सरी की इनकम पूरी एग्रीकल्चर इनकम ट्रीट की जाती है, कुछ भी बिजनेस इनकम नहीं होती है सर, मल्टीप्लिकेशन आप घर में करेंगे है। चलो और चैप्टर के नीचे के क्वेश्चंस करेंगे आओ। चलो सर 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 थोड़ा फास्ट है ना क्वेश्चंस पे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है, हमारे पास 50 मिनट है, 49। चलो देखो, मिस्टर वीनस एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेस्टिसाइड फर्निशेस द फॉलोइंग पर्टिकुलर रिलेटिंग टू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एट चेन्नई फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। डेप्रिसिएशन की मेहनत है। डब्ल्यूडीबी ऑफ प्लांट एंड मशीन ऑन 31 मार्च 2023 30 लाख। ओके, डेप्रिसिएशन इंक्लूडिंग एडिशनल डेप्रिसिएशन फॉर द प्रीवियस ईयर 2022-23, तो ये माइनस ही नहीं किया, इसको हमको माइनस करना है इसमें। न्यू प्लांट एंड मशीन परचेज ऑन 1/9/2023, इसमें नॉर्मल भी मिलेगा, एडिशनल भी मिलेगा और पूरा मिलेगा। न्यू प्लांट एंड मशीन ऑन 1 December सर, इसपे नॉर्मल भी मिलेगा, एडिशनल भी मिलेगा, बट दोनों मिला के 50% ही मिलेगा। कंप्यूटर परचेज ऑन 3rd January सर, नॉर्मल तो क्लेम कर ही सकते हो बट वो भी 50% सर। All assets are purchased by account pay check. All assets were put to use immediately. New machine purchased on 1/12/2023 and the computer has been installed in the office. किसमें? और न्यू प्लांट एंड मशीन बोलो किस में मिल जाएगा मशीनरी। आप डिसाइड करो, मेरे को नहीं पता। इंग्लिश फाउंडेशन से पढ़ के आए, इंग्लिश 40 मार्क्स तो पॉकेट में पास हो गई। मैं तो नहीं आई थी, वो कैबलरी और वो मैं नहीं पढ़ाया था, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच वो कैबलरी में नहीं पढ़ाया था। होलियट साल ये क्या, होलियट साल ये क्या, अरे हो गया अपन पढ़े। बताओ जल्दी बताओ, न्यू प्लांट एंड मशीन, जो न्यू मशीनरी परचेज ऑन 1/12 है, इस पे एडिशनल मिलेगा कि नहीं? हाँ वो तो 50% ही होगा अगर मिलेगा तो भी, क्योंकि 1 December मिलेगा। सोच
वो नेक्स्ट वाले पॉइंट का मिल रहा है उसका एक्सपीरियंस रहा होगा लास्ट में भाई जो सुन रहा था कि जल्दी बताइए भाई सर, न्यू प्लांट एंड मशीन और कंप्यूटर दोनों ऑफिस में, अगर ऑफिस में है तो एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता सर, ठीक है? तो यहाँ पर जो हम एडिशनल लिखे ना, ये एडिशनल नहीं मिलेगा सर, नॉर्मल ले लो सर, वो भी 50% ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 न्यू मशीनरी हैज बीन परचेज्ड ऑन 31/10/2022 लास्ट ईयर का बता रहा है सर ये, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर 22/23 है और हम बैठे हैं सर प्रीवियस ईयर 23/24 में सर, फॉर 10 लाख एडिशनल डेप्रिसिएशन बिसाइड नॉर्मल हैज बीन क्लेम देयर ऑन, तो उस टाइम हमने नॉर्मल भी क्लेम किया था बट एडिशनल भी क्लेम किया था, बट दोनों हमने 50% क्लेम किया होगा उस साल, क्यों? क्योंकि 31 अक्टूबर की परचेज है तो 180 डेज से कम हुई रही होगी, तो उस टाइम जो डेप्रिसिएशन एडिशनल क्लेम किए होंगे वो आधा क्लेम किए होंगे, तो बैलेंस आधा इस साल क्लेम करेंगे, ठीक है? 10 लाख का 10% 1 लाख इस साल क्लेम करेंगे। डेप्रिसिएशन रेट फॉर द मशीनरी 15% है, ठीक है? SCC has no brought forward losses or unabsorbed depreciation बता रहे, कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन अवेलेबल, बताओ भाई डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है, फाइनल बताओ डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है, निकालो और बताओ टोटल डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है, बताओ फाइनल, सब 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 एक साथ करके बताओ, फाइनल फाइनल बताओ, लास्ट निकालो, कितना रहा है टोटल, टोटल बताओ कितना, पक्का यही है ना आंसर, टैली किया क्या पीछे से, एक बार टैली कर लो ना पीछे से, मेरे को पता नहीं है, अरे दो आंसर निकालना है ना, एक 115 BAC के हिसाब से बाद में निकालेंगे, पहले नॉर्मल तो निकालो, नॉर्मल नॉर्मल 115 BAC में तो एडिशनल मिलेगा ही नहीं, तो वो तो वहां तो नॉर्मल जो निकाले वही हो जाएगा आंसर फाइनल, वो राउंड फिगर किया है, ठीक है 9.69 राउंड फिगर कर दिया है, अब 115 BAC के हिसाब से निकालेंगे तो एडिशनल हटा दो, एडिशनल हटा के नॉर्मल बताओ कितना आ रहा है, 8.89 यही आ रहा है, कंफर्म नॉर्मल निकालना ना अपन को, क्योंकि एडिशनल तो मिलेगा नहीं सर 115 BAC के हिसाब से, तो नॉर्मल वाला जो नॉर्मल वाला उसका टोटल बता दो, हाँ राउंड अप ठीक है, चेक कर लो पीछे भी यही है क्या, अरे नॉर्मल नहीं यार, तू रुक तो बहन बताओ 115 BAC के हिसाब से डेप्रिसिएशन कितना है, पीछे दिखा रहा है बताओ, नहीं तो 588750 नहीं तो चेक करना पड़ेगा मेरे को, मतलब 115 BAC वाला 588750, अरे वो उसके कारण राउंड फिगर राउंड ऑफ का दिक्कत है, इन लोग राउंड ऑफ करके चल रहे हैं, अपन राउंड ऑफ नहीं किए हैं, अपन पूरा पूरा अमाउंट कैलकुलेट किए, राउंड ऑफ करोगे तो वो मैच हो जाएगा, बताओ ना कितना आ रहा है 115 BAC 6.69 ही आ रहा है, ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हो,
पहले नीचे पढ़ते सर, नीचे तो कुछ दिया ही नहीं है, मतलब इस क्वेश्चन में भी डेप्रिसिएशन की मेहनत है सर। चलो देखो सर, अच्छा क्वेश्चन है, 115 बीएससी की प्रैक्टिस करवा दी आपकी कि एडिशनल नहीं लेना है, सिर्फ नॉर्मल लेना है। अगला देखो सर, मिस्टर अभिमन्यु इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, ही ऑप्ट टू क्लेम डेप्रिसिएशन ऑन डब्ल्यूडीबी पर्पस फॉर द फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स कंप्यूट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन अलाउएबल एज पर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 अज्यूमिंग एज एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रिजिम। मतलब ये क्या चलना चाह रहा है, नॉर्मल प्रोविजन, तो यहाँ पर एडिशनल मिलेगा सर, ठीक है। WDV दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, ये तो माइनस करना पड़ेगा सर आपको इसमें से। न्यू प्लांट एंड मशीन 12 अक्टूबर को परचेस किया गया सर, तो सर नॉर्मल और एडिशनल दोनों 50% मिलेगा सर, ठीक। मशीनरी इंपोर्टेड फ्रॉम कोलंबो, दिस मशीनरी हैज बीन यूज्ड ओनली इन कोलंबो अर्लियर एंड द एसईसी इज द फर्स्ट यूजर इन इंडिया, सेकंड हैंडेड है सर। नॉर्मल तो क्लेम कर लो, एडिशनल नहीं मिलेगा सर, ठीक है। अच्छा नॉर्मल पूरा मिलेगा ना। न्यू कंप्यूटर इंस्टॉल्ड इन द जनरेशन विंग, सर 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 फैक्ट्री घुस गया ये तो कंप्यूटर, तो नॉर्मल भी लोगे आप 40 प्लस एडिशनल भी लोगे 20। अच्छा ये परचेज है 15/7 को, तो 15/7 से लेके 31 मार्च 180 डे से कई ज्यादा है सर, तो कंप्यूटर में आप 60% डेप्रिसिएशन क्लेम कर दोगे सर। अब आप मुझे डेप्रिसिएशन के अमाउंट बताओ सर, फाइनल कितना आ रहा है सब एड करके टोटल फाइनल डेप्रिसिएशन का। पूरा बता रहा है सब सब करके, नॉर्मल एडिशनल सब करके, बाकी लोगों का चेक करते यही आ रहा है क्या, चेक करो भाई। ये बता रहा है हर्ष, बाकी मेरे को नहीं पता। कुछ जरूरी था क्या, आप लोग एक काम करो, ये क्वेश्चन सॉल्व करो, एक मिनट में आ रहा हूँ, हाँ एक मिनट में आ रहा हूँ।
चलो सॉरी फॉर डिले, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। देखो examine the reasons the allowability of the following expenses incurred by Mr. Manav, a wholesale dealer of commodity under the Income Tax Act. देखे थे क्या ये क्वेश्चन मेरे जाने के बाद? While computing profit and gain from the business and profession for the assessment year 24-25, if he exercises the option of shifting out. ये क्वेश्चन तो मेरे को लग रहा है इजी है। देखो कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल बिल्डिंग इन कंप्लायंस विद सीएसआर एक्टिविटी, ये खर्चा तो मिलता ही नहीं अपन को। दूसरा परचेज ऑफ बिल्डिंग फॉर द पर्पस ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस ऑफ सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग अ वेयर हाउसिंग फैसिलिटी, पता 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 क्या चीज? जी और भी है, सब ले जाओ, चलो बाद में देख लेना भाई। तो दूसरा क्या है, परचेज ऑफ बिल्डिंग फॉर purpose of a specified business of setting up and operating a warehousing facility for the storage of food grain, kya ye mil jayega? Haan. Ye mil jayega sir, bilkul mil jayega. Kaun sa section? 35AD, theek hai? Agla dekho sir, interest on loan paid to X 50,000 on which tax has not been deducted. Tax deduct nahi kiya hai sir. चलो डिसअलाउ तो कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है, सेक्शन 40 में डिसअलाउ कर दोगे। वो टर्नओवर क्यों दिया है पता है? टीडीएस का इम्प्लीकेशन भी पूछ रहा है वो सामने से। हाँ भैया 1 करोड़ के ऊपर चले गए टर्नओवर, टीडीएस की बातें आ जाएगी सर, ठीक है? थोड़ा सा ध्यान रखना, पीडीपी के साथ टीडीएस साथ साथ चलता है सर। सीटीटी तो मिल जाता है, सीटीटी और एसटीटी तो खर्चा मिल जाता है, सेक्शन 36 में पड़े सर। एग्जामिन विद रीजन फॉर द फॉलोइंग सब डिविजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, भाई ट्रू और फॉल्स बताना भाई। देखो For a dealer in shares and security, STT paid in a recognized stock exchange is a permissible business expenditure. क्या मिल जाता है? हाँ सर, STT और CDT मिल जाता है, हम पढ़ के आए। True. Where a person follow mercantile system of accounting, an expenditure of 25,000 has been allowed on accrual basis. In a later year, in respect of the said expenditure, SSC makes the payment of 25,000 to a... Cross check है. कैश मिलेगा? डिसअलाउ हो जाएगा सर ये एक्सपेंडिचर हमें, ठीक है? अगला देखो, इज इट मैंडेटरी टू क्लेम डेप्रिसिएशन? ₹25,000 कैन बी प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम द बिजनेस इन द ईयर ऑफ पेमेंट, क्या हम इस 25,000 को इनकम ट्रीट करेंगे? यस, इनकम ही तो ट्रीट करेंगे, इसलिए तो डिसअलाउ किया ना। अब समझ आया ना, डिसअलाउ किए, पहले अपन एक्रूअल बेसिस में ले लिए थे, बाद में डिसअलाउ हुआ तो क्या हो गया, मेरी इनकम हो गई। डेप्रिसिएशन क्लेम करना क्या मैंडेटरी है? यस। मेडिक्लेम प्रीमियम पेड टू जीआईसी बाय मिस्टर लोकेश फॉर हिज एम्प्लॉइज बाय एन अकाउंट पे चेक ऑन 27/12/2023 इज अ डिडक्टेबल एक्सपेंडिचर अंडर सेक्शन 36, क्या लगता है सर मिल जाएगा? यस सर, एम्प्लॉइज के लिए तो हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है बाय अदर देन कैश होना चाहिए सर। Under Section 35 DDA, amortization of expenditure, voluntary retirement, ये तो 1/5 मिलता है सर, एक बार में पूरा expenditure कहाँ मिलता है सर, याद है ना सर? इसके बाद देखो, an individual engaged in trading activity and exercise the option of shifting out of the default tax regime, मतलब normal चल रहा है सर, can claim additional depreciation under Section 32 Subsection 1, Clause 2A, in respect of the new plant and machine acquired. कौन बोलते जा रहा साथ साथ? पागल हो गई क्या? कैसे कर रही है? किस कोई मंत्र वंत्र पढ़ रही है क्या? मैं बोला साथ साथ कौन बोल रहा है? In respect of the new plant acquired and installed in the trading concern, where the increase in value of the said plant, such plant as compared to the approved base year is more than 10%. बताओ भाई। बताओ सर, एडिशनल डेप्रिसिएशन न्यू प्लांट एंड मशीन इंस्टॉल्ड भूल गए,
manufacture or production of any article or thing or in generation or distribution of power. सर ये तो ट्रेडिंग है, कहां लेगा ये एडिशनल, इसको तो एडिशनल देते भी नहीं हम. Examine with reason the allowability of the following expenses under the Income Tax Act 1961 while computing the income from PGBP. देखो सर, provision made on the basis of actuarial valuation for the payment of gratuity 5 lakh. However, no payment on the account of gratuity was made before the due date of filing of return. क्या ये मिल जाएगा provision? सोच लो. जल्दी बताओ भाई, थोड़ा जल्दी बस. हाँ सर, क्या ये खर्चा मिलेगा? नो सर, क्योंकि कुछ पेमेंट हुआ ही नहीं है तो ये खर्चा मिलेगा ही नहीं सर. ठीक है, पेमेंट होता तो प्रोविजन भी मिल जाता. ठीक है, परचेज ऑफ ऑयल सीड ऑफ 50,000 इन कैश फ्रॉम अ फार्मर ऑन अ बैंकिंग डे. बताओ भाई, फार्मर से तो कर सकते हैं ना सर, मिल जाएगा सर. टैक्स ऑन नॉन मॉनिटरी परचेज प्रोवाइडेड टू एन एम्प्लॉई 20,000. डिसअलाउंस के लिस्ट में लास्ट वाला पॉइंट जो है यही है सर, ये खर्चा नहीं मिलता है. पेमेंट ऑफ 50,000 रुपीज बाय यूजिंग क्रेडिट कार्ड फॉर फायर इंश्योरेंस मिल जाएगा सर, क्या दिक्कत है? क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सब तो चलते हैं सर. सैलरी पेमेंट ऑफ 10 lakh टू मिस्टर एक्स आउटसाइड इंडिया बाय अ कंपनी विदाउट डिडक्टिंग टैक्स एट सोर्स. मिस्टर एक्स हैज नॉट पेड टैक्स ऑन सच सैलरी. सेक्शन 40 डिसअलाउ कर देता है सर, नॉन रेसिडेंट को पेमेंट कर रहे हो 100% डिसअलाउ हो जाएगा. पेमेंट मेड इन कैश ऑफ रुपीज 30,000 टू अ ट्रांसपोर्टर इन अ डे 35 किलोमीटर मिल जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं है. एग्जामिन विद रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स विद रिगार्ड टू द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961. पेमेंट मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन 16 Feb 2024 फॉर 25,000 थ्रू अ कॉस्ट चेक. कहां मिलता है सर, वो तो कैश माना जाता है सर, मिलेगा ही नहीं. It is a condition precedent to write up in the books of accounts the amount due from a debtor to claim deduction for bad debt. क्या बोल रहे सर? बताओ भाई. बताओ भाई. बैड डेट हम कब क्लेम कर पाते हैं? जब हम एक्चुअली में उसको क्या राइट ऑफ करें. याद है ना, प्रोविजंस तो अलाउड ही नहीं है बैड डेट के लिए. इन्होंने क्या बोला था सर, हम पूछ ही नहीं रहे कौन क्या कैसा, कुछ नहीं पूछते. आप सिंपल बैड डेट अगर आप क्लेम करना चाहते हो तो आप क्लेम कर सकते हो, हम आपसे कोई रीजन नहीं पूछते. तो हम राइट ऑफ करके तो क्लेम कर सकते हैं. फेलियर टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ चैप्टर 17B इंटर एलियर फ्रॉम द अकाउंट्स पेबल टू अ नॉन रेसिडेंट एज अ रेंट और रॉयल्टी विल रिजल्ट इन डिसअलाउंस. क्या डिसअलाउंस होता है? यस सर, EDS आपने काटा ही नहीं है सर, पेमेंट किया है सर, तो 100% डिसअलाउड है सर. चलो बड़ा क्वेश्चन देखते हैं, बड़े क्वेश्चन से सर, फटाफट स्पीड से बनाना सर. ठीक है, इसी की मेन प्रैक्टिस करनी होती है, यही मेन क्वेश्चन से. आओ सर. ठीक है, चलो देखो क्या दिया हुआ. मिस्टर शिवम अ रिटेल ट्रेडर ऑफ कोचिन. रिटेल ट्रेडर है, ध्यान रखना. ऑफ कोचिन गिव्स दैट फॉलोइंग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2024. चलो भाई, हम पहले क्रेडिट साइड पढ़ते हैं क्योंकि कम आइटम होते हैं. सेल, क्लोजिंग स्टॉक, ग्रॉस प्रॉफिट, इनकम फ्रॉम यूटीआई. क्या सोचने लग गई थी? अगला भी देखिए. ठीक है, ओपनिंग स्टॉक से हमें कोई दिक्कत नहीं है. परचेज, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, सैलरी दिया हुआ है, रेंट एंड रेट्स एंड इंटरेस्ट ऑन लोन है. डेप्रिसिएशन ये वाला तो नहीं आता है सर, एस पर इनकम टैक्स आता है, ये बुक्स वाला तो नहीं आएगा. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी से हमें कोई दिक्कत नहीं है, पोस्टेज एंड टेलीग्राम से दिक्कत नहीं है. लॉस ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ
सेल ऑफ शॉर्ट शेयर्स शॉर्ट टर्म सर ये यहाँ नहीं आता है सर, ये कैपिटल गेन हेड में जाएगा सर। अदर जनरल एक्सपेंस हमें कोई दिक्कत नहीं है, नेट प्रॉफिट यही तो हमारी जान है सर, इसी से हम स्टार्ट करेंगे चीजें। स्टार्ट करो लिखना, चालू करो, नेट प्रॉफिट लिखो, एड और लेस लिखो, स्टार्ट करो सर। मैं क्लासेस के टाइम इसको लिख लिख के बनवाया हूं, अब आप लोग ट्राई करो, नहीं ट्राई करोगे तो मेरे को तो आदत है सब चीजों की। लिखो नेट प्रॉफिट फिर एड लेस लिखेंगे, ठीक है। नेट प्रॉफिट लिखना, एड लिखना, फिर थोड़ा गैप दे देना, थोड़ा गैप देना और उसके बाद लेस लिखना। एड में आइटम ज्यादा रहेंगे हमेशा, लेस में आइटम कम रहते हैं सर, ठीक है। अब आ जाओ, एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे और एक एक एडजस्टमेंट देखते रहेंगे और करते भी जाएंगे सर, ठीक है। देखो सर, पहले अपन क्या करते हैं, एग्जाम में ध्यान रखना सर, पहले एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ के नोटिंग करते जाओगे एक एक, उसके बाद ट्रीटमेंट स्टार्ट करना सर, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ कर दोगे। देखो, इट वॉज फाउंड दैट सम स्टॉक्स वर ओमिटेड To be included in both opening and closing stock, the value of which are opening stock दिया हुआ है, closing stock दिया हुआ है। तो एक काम करते हैं ना, यहाँ पर opening में one लिख लेता हूँ, closing में भी one लिख लेता हूँ, ताकि मेरे को ध्यान रहेगा adjustment में कि इससे related adjustment है। Salary include 10,000 paid to his brother, which is unreasonable to the extent of 2,000। तो सर ऊपर salary देखो सर, यहाँ पर लिख लेते हैं two। कोई भी स्टूडेंट अभी जब प्रैक्टिस कर रहे हो, पहले 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 नए नए प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से इज्जत से स्टेप बाय स्टेप करना। जब आप एकदम अच्छे से मतलब बैठ जाए, दिमाग में आदत आ जाए, फ्लो आ जाए, तो फिर साथ साथ एडजस्टमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते एडजस्टमेंट कर सकते हैं, बट वो बाद में करना, अभी शुरू से नहीं करना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, कोई ना कोई ट्रांजेक्शन छोड़ दोगे। द होल अमाउंट ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी वॉज पेड इन कैश बाय वे ऑफ वन टाइम पेमेंट टू मिस्टर राकेश, सॉरी रमेश। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कहाँ है भाई, ये रहा, ठीक है। इसके बाद अगला देखो सर, डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स 1,00,000, प्रोविडेंट लॉस वाज 1,05,000, वाज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो हमें डेप्रिसिएशन निकालना है एज पर इनकम टैक्स। ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ सर 4,20,000, अ न्यू प्लांट एंड मशीन अंडर द सेम ब्लॉक वॉज बॉट ऑन 1/7/2023 फॉर 70,000, टू ओल्ड प्लांट वेयर सोल्ड फॉर 50,000। तो भैया 4,20,000 प्लस 70 माइनस 50 4,40,000, इसका 15% 66,000, ठीक है 66,000। तो एक काम करते हैं, 66 तो लिख लो, क्योंकि जब अपन एडजस्टमेंट करेंगे तो ध्यान रहेगा सर। डेप्रिसिएशन कहाँ दिया होता है, ये रहा, इससे रिलेटेड फोर्थ आइटम है। उसके बाद दिया हुआ है रेंट एंड रेट्स इंक्लूड जीएसटी लाइबिलिटी ऑफ 3,400 पेड ऑन 7/4/2024। क्या दिक्कत है इससे हमें, नहीं इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्यों सर, क्योंकि ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ये पे कर दिया है सर। डेट क्या थी, ये सेक्शन कौन सा है सर, सेक्शन 43B, याद आया, याद है ना, टैक्स, उसमें लिखा हुआ था टैक्स ड्यूटी। तो रेंट एंड रेट्स क्या है, फिफ्थ, कहा है रेंट एंड रेट्स, अगला देखो, अदर जनरल एक्सपेंस इंक्लूड 2,000 पेड एज डोनेशन टू पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट। सर डोनेशन तो डिसअलाउड है सर, अलाउड ही नहीं है डोनेशंस। एक काम करते कहां गए, ये रहा, ठीक है। इसके बाद क्या दिया हुआ है, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द प्रॉफिट एंड गेन ऑफ मिस्टर शिवम अंडर द प्रेजम्प्टिव 44AD। 44AD के हिसाब से भी निकालना है, नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से भी निकालना है सर। और ये बोल रहा है सर कि होल ऑफ द टर्नओवर इज रिसीव थ्रू अकाउंट पे चेक, इससे फर्क पड़ता है सर, ठीक है, क्योंकि हमें 6% लेना रहेगा टर्नओवर का, ठीक है भाई। तो एक काम करो, 44AD प्यार से पहले निकाल लेते हैं, चुपचाप इसका 6% करो और 44AD को साइड कर दो, निकाल के रख लो इसको लिख के, क्योंकि बहुत सिंपल है। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, क्रेडिट साइड के एक एक आइटम पढ़ते हैं, एडजस्टमेंट करना चालू कर देते हैं। देखो सेल में तो हो गया काम, क्लोजिंग स्टॉक में एडजस्टमेंट था सर, फर्स्ट नंबर का एडजस्टमेंट है, आओ सर। तो देखो भैया ओमिटेड है, क्लोजिंग स्टॉक आप ओमिट कर दियो, तो क्लोजिंग स्टॉक को आपको क्या करना है सर, बढ़ाना है। बढ़ाने से मेरा नेट प्रॉफिट क्या होता है, बढ़ता है। और ओपनिंग स्टॉक को भी आप ओमिट कर दियो, तो ओपनिंग स्टॉक भी बढ़ाना है, तो उससे मेरा नेट प्रॉफिट क्या होता है, कम होता है। तो एक जाएगा एड में, एक जाएगा लेस में, लिखो सर फटाफट फास्ट। लिखे, चलो अगला देखो सर, क्रेडिट साइड में आइटम इनकम फ्रॉम यूनिट्स ऑफ यूटीआई।
ये भैया यहाँ का टैक्सेबल ही नहीं है, तो इसको आप क्या करते हो कि लेस, ये सीधा आईयूएस में जाता है, हटाओ इसको यहाँ से, लेस में जाके लिखो इनकम फ्रॉम यूटीआई 2400, शॉर्ट में लिखना सर अभी, क्लियर। अब आ जाते सर डेबिट साइड में, डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक का अपन ने ट्रीटमेंट कर लिया, परचेस से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं है, ग्रॉस प्रॉफिट से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं है, सैलरी, सैलरी से रिलेटेड दिक्कत है सर, और नीचे सेकंड वाला एडजस्टमेंट क्या बोलता है, सैलरी इंक्लूड 10,000 पेड टू हिज ब्रदर व्हिच इज अनरीजनेबल टू द एक्सटेंट ऑफ 2,000, तो सर सेक्शन 40A सबसेक्शन 7 डिसअलाउ बोलता है सर, सॉरी 40A सबसेक्शन 2 वो डिसअलाउंस बोलता है सर, एक्सेसिव और अनरीजनेबल पेमेंट्स, तो ये सर एक्सेसिव और अनरीजनेबल कितना 2,000, तो 2,000 अपन क्या करेंगे एड कर लेंगे, सैलरी लिख के ऐड 2,000, ठीक है। उसके बाद रेंट एंड रेट्स 36,000 का दिया हुआ, इससे रिलेटेड फिफ्थ एडजस्टमेंट है सर, ये जीएसटी लायबिलिटी का, इसका कुछ नहीं करना है, मैंने आपको बताया था कुछ नहीं करना भी बड़ी चीज होती है सर, कुछ नहीं करना है। अगला पढ़ते सर, उसके बाद ये हुआ इंटरेस्ट ऑन लोन, इससे रिलेटेड भी कुछ नहीं करना है। डेप्रिसिएशन अब भी निकाले हो सर आप 66,000, पर डेप्रिसिएशन के लिए आप मेहनत करोगे सर, आप क्या करोगे पहले ये वाला डेप्रिसिएशन ऐड करोगे और 66,000 डेप्रिसिएशन माइनस करोगे, करो सर। हुआ, इसके बाद है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इससे रिलेटेड हमने ये पढ़ा था सर, ये कैश में था, तो इसको हम क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे, करो ऐड। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पोस्टेज एंड टेलीग्राम से हमें कोई दिक्कत नहीं रही, लॉन्ग लॉस ऑन सेल ऑफ शेयर्स ये यहां नहीं आता सर, इसको ऐड करो सर, ये कैपिटल गेन ऐड कर सर, ऐड करो। उसके बाद दिया हुआ है अदर जनरल एक्सपेंस, इसमें दिया हुआ था सर याद है वो पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट में डाला कितना 2,000 अपन क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे, ऐड करो और निकालो। अब बताओ सर पीजीपी की इनकम कितनी है, 1,30,000। चेक करो सबकी यही आ रही है और पीछे भी चेक कर लो क्या यही आ रही है, क्या यही है, ठीक समझ आया कैसे क्वेश्चन करना है पीजीपी का, बहुत इजी होते हैं सर, यू नीड टू बी काम एंड कूल पेशेंट, बनते क्वेश्चन, कोई रॉकेट साइंस कुछ अलग थोड़ी कहा जाएगा सर, जो पढ़े हो वही आएगा, उससे अलग थोड़ी दुनिया है जी। चले क्वेश्चन नंबर 8 में ध्यान दो सर, क्वेश्चन नंबर 8 करते सर, ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत छोटा क्वेश्चन है, देखो सर, मिस्टर सुखविंदर इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ प्लाइंग गुड कैरियज, ऑन 1st अप्रैल 2023 ही ओन्स 10 ट्रक्स आउट ऑफ विच 6 आर हेवी गुड्स व्हीकल, द ग्रॉस व्हीकल वेट ऑफ सच व्हीकल इज 15,000 kg, मतलब 15 × 1,000 × 6 व्हीकल है ना, ध्यान रखना। ऑन 2nd मई 2023 ही सोल्ड वन ऑफ द हेवी गुड्स व्हीकल, ए भाई पहले बात तो इसके पास 10 ट्रक थी, 10 में से 6 हेवी गुड्स व्हीकल थी, 4 लाइट गुड्स व्हीकल थी, 6 में से भी भाई ने एक को सेल कर दिया है ना, और सेल कब किया है, मई में किया है, मई में किया है ना सेल, ठीक है ध्यान रखना। आगे देखो, ही सोल्ड वन ऑफ द हेवी गुड्स व्हीकल एंड परचेज अ लाइट गुड्स व्हीकल ऑन 6 मई, तो लाइट गुड्स व्हीकल एक खरीद लिया, तो ये 4+1 हो गई, ये 4 तो साल भर थी, एक जो है वो मई में ही परचेज किया है, ठीक है आगे आगे कहानी। द न्यू व्हीकल कुल्ड हाउएवर बी पुट टू यूज, सर पुट टू यूज से तो हमें कोई मतलब ही नहीं है 44A में, पुट टू यूज से तो कोई मतलब नहीं होता। कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर सुखविंदर फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 टेकिंग नोट ऑफ द फॉलोइंग डाटा, और भी चीजें दी हुई है सर आपको, ये फ्रेट चार्जेस कलेक्टेड दिया हुआ है, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, और अदर ऑफिस एक्सपेंस दिया हुआ है सर, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, ये आपका सर नॉर्मल नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से चलता तो ये सब चीजें होती है सर, ठीक है। तो आपको मेहनत किस में करना है, 44AE में मेहनत करना है, नॉर्मल तो वो खुद निकाल के दे रहा है सर, मेहनत ही नहीं है, तो यहां पर आप जब मेहनत करोगे तो सर ये एक गाड़ी एक महीना, 5 गाड़ी 15 × 1,000 × 12, समझ आई कहानी, ये समझ आया ना, 5 गाड़ी पूरे साल भर थी हमारे पास, 4 गाड़ी इंटू 7,500 × 12 महीने थी ना ये हमारे पास, ये तो पूरे 12 महीने थी, फिर एक गाड़ी 7,500 × 11
क्योंकि ये मई से आई है हमारे पास. समझ आया मैंने क्या बोला? निकालो 44A की इनकम कितनी आ रही बताओ. थर्टीन फिफ्टी सेवन फाइव हंड्रेड. देखो भाई ये आ रही है क्या? यही आ रही है सबकी 1357500. ये आ गई 44A के हिसाब से. अब ध्यान दो सर, सर 44A के हिसाब से एग्जाम में इसको निकालने के बाद भी अदर बिजनेस इनकम जो है ना वो ऐड करना, इसको मत छोड़ देना. इसको क्यों छोड़ोगे सर? अदर बिजनेस एंड नॉन बिजनेस इनकम इसको थोड़ी छोड़ दोगे सर. हाँ अब आप कंपेयर कर सकते हो कि सर अगर हम 44A के हिसाब से चले और अदर के हिसाब से चले तो हमारी इनकम किसमें ज्यादा है किसमें कम है और उसके बेसिस में हमें क्या ऑप्ट करना चाहिए और नहीं करना चाहिए. क्लियर है? किसी को कोई डाउट तो पूछो. हाँ किसमें? हाँ इसमें दो महीने लो ना, अप्रैल और मई. मई में भी तो यूज किया ना दो महीना. थर्टीन सेवेंटी टू फाइव हंड्रेड. एक दिन भी एक महीने का होगा तो वो महीना पूरा काउंट करना, भूलना मत. ये आ गया? उसको कंपेयर करना और चेक करना 44A के हिसाब से कितनी इनकम है, नॉर्मल के हिसाब से कितनी. नॉर्मल के हिसाब से बहुत कम है सर. ठीक है और नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं सर. देखो क्वेश्चन नंबर नाइन्थ. मिस्टर राजू मैन्युफैक्चरर एट चेन्नई gives the following information, following manufacturing, trading and profit and loss for the year ended 31st March 2024. चालू करते हैं क्रेडिट साइड से क्योंकि सबसे कम आइटम्स होते हैं सर. सेल, क्लोजिंग स्टॉक, ग्रॉस प्रॉफिट, डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी यहाँ नहीं आता सर, आईयूएस की कहानी है. इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर नेट ये एग्जेम्प्ट होती है सर. हम पढ़ क्यों रहे हैं? आओ नीचे. बस क्रेडिट में इतना ही है. डेबिट चलते हैं. ओपनिंग स्टॉक से हमें कोई दिक्कत नहीं है. परचेज ऑफ रॉ मटेरियल से दिक्कत नहीं है. मैन्युफैक्चरिंग वेजेस एंड एक्सपेंसेस से दिक्कत नहीं है. ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है. एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस दिए हुए हैं. एसजीएसटी पेनल्टी दी हुई है सर. ओ माय गॉड, पेनल्टी दी हुई है सर. ये आएगी पेनल्टी इन केस ऑफ इन्फ्रेक्शन ऑफ लॉ नहीं आती है. पेनल्टी इन द नेचर ऑफ कंपनसेटरी आती है. ठीक है. जीएसटी पेड दिया हुआ है, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है. बट इसकी ड्यू डेट से मैटर करता है कब पे किया सर. जनरल एक्सपेंस दिया हुआ है. इंटरेस्ट टू बैंक ऑन मशीनरी टर्म लोन. अब ये इंटरेस्ट कौन सा वाला है ये देखना पड़ेगा सर. पुट टू यूज से पहले वाला है या पुट टू यूज के बाद वाला है. डेप्रिसिएशन ये वाला तो आता नहीं है. अगर इनकम टैक्स वाला दिया होगा तो पहले नीचे देखेंगे सर. फॉलोइंग आर द फर्दर इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द फाइनेंशियल ईयर 23-24. Administrative charges include 46,000 paid as commission to brother of the SSC. The commission amount to the market rate is 36,000. 36 dena chahiye tha, 46 diya hai, 10,000 jyada diya hai. Sir, disallow ho jayega. Administrative expense ka first treatment. The SSC has paid 33,000 in cash to a transporter on 29th December 2023. This amount is included in manufacturing expense. Assuming that the provision relating to TDS are not applicable to this payment. Wow, very nice. तो कोई दिक्कत ही नहीं है सर. Manufacturing expense में ऐसा हमें कुछ करना ही नहीं पड़ेगा सर. अगला. A sum of 4,000 per month was paid as a salary to staff throughout the year. And this has not been recorded in the books of accounts. तो आप इसको सर as an expense claim भी कर सकते हो और unexplained expenditure बोलोगे तो IUS में treat कर सकते हो. आपके पास दोनों option है. आपको जो treatment करना है आप कर सकते हो. Institute ने बोला आपके पास दोनों option है. ठीक. Bank term loan interest actually paid up to 31st March 2023 was 2024 was 20,000 and the balance was paid in November 2024. Sir, November में ये pay किया. ये कौन बंदा है सर? मिस्टर राज. सर चलो मान लो टैक्स ऑडिट के लिए भी होगा तो लास्ट डेट क्या है सर? 31st अक्टूबर. सर ये तो नवंबर में पे कर रहे हैं तो ये जो इंटरेस्ट की कहानी है. पॉइंट नंबर कौन सर? फोर्थ. कहाँ गया? ये रहा सर, ये पॉइंट नंबर फोर्थ.
इसमें से 40,000 इंटरेस्ट अपन क्या करेंगे, ऐड कर देंगे सर। हाउसिंग लोन प्रिंसिपल रीपेड ड्यूरिंग द ईयर वॉज 50,000 एंड इट रिलेट टू अ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बाय हिम इन प्रीवियस ईयर 22-23 फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन। इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन वॉज 23,000। ठीक है, ये प्रिंसिपल रीपेड हुआ था 50,000, ये इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन है 23,000। हाउसिंग लोन वॉज टेकन फ्रॉम द कैनरा बैंक, दिस अमाउंट वॉज नॉट डील्ड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन अबव। हम इसको सीधा सीधा क्या करेंगे, आईएचपी में क्लेम करेंगे। बस आप लोग का दिमाग ही नहीं चल रहा है, प्रिंसिपल रिपेमेंट है, एटीसी में डिडक्शन भी तो है। उसके बाद देखो सर टोटल इनकम निकालने बोला है, मतलब आईएचपी का भी ट्रीटमेंट है, सब आएगा, आईयूएस भी आएगा। डेप्रिसिएशन अलाउएबल अंडर द एक्ट इज टू बी कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, डब्ल्यूडीबी एज ऑन 31 मार्च 2023 माइनस डेप्रिसिएशन 11,90,000। ठीक है, एडिशन ड्यूरिंग द ईयर यूज फॉर मोर देन 180 डेज 2 लाख, टोटल एडिशन ड्यूरिंग द ईयर 4 लाख। तो सर 4 लाख में से 2 लाख ऐसा है जो 180 डेज से ज्यादा का है, 2 लाख वो है जो 180 डेज से कम का है। तो 2 लाख पे आप 50% कर दोगे डेप्रिसिएशन, मतलब 7.5% डेप्रिसिएशन करोगे, और 2 लाख पे 15% डेप्रिसिएशन करोगे, और ये 11,90,000 में पूरा 15% डेप्रिसिएशन रहेगा। ठीक है, तो इससे हमारा डेप्रिसिएशन आ जाएगा, मतलब जो ऊपर डेप्रिसिएशन दिया हुआ है ना सर, ये इररिलेवेंट है। 6 पॉइंट था ना मेरे से, हाँ 6 पॉइंट। कंप्यूट द टोटल इनकम एज्यूमिंग ही पेज अंडर वो, तो ये बंदा 115 BAC ले रहा है सर। अब अगर 115 BAC ले रहा है तो याद रखना सर, एडिशनल डेप्रिसिएशन इग्नोर कर देना सर। ठीक है, साइंटिफिक रिसर्च तो दिया ही नहीं है क्वेश्चन में, तो क्या ही दिमाग लगाओगे सर। ठीक है, 35 AD की कुछ बात ही नहीं हुई है, तो क्या ही दिमाग लगाओगे। तो बस कुछ खास है नहीं है, करो ट्रीटमेंट, बनाओ क्वेश्चन, बस एडिशनल डेप्रिसिएशन इग्नोर कर देना, बनाओ क्वेश्चन, ट्राई करो, नहीं बनेगा तो मैं बता दूंगा सर, ट्राई तो करो, प्रैक्टिस करो। सॉरी बुक का है मैम, ओहो इंस्टीट्यूट की मैट का है मैम, अच्छा, और सैलरी के दो गाड़ी की डिग्गी भी होती है। बाप रे बाप, ब्रिलियंट, एक्सलेंट। चलो बनाओ बनाओ बनाओ, फास्ट क्वेश्चन बनाओ, ये क्वेश्चन है, इसके बाद एक और क्वेश्चन है, फिर सैलरी के दो बचे हुए थे वो कंप्लीट करते हैं, फिर देखते हैं आईयूएस। दोनों ही नहीं लाए हैं, डिंकी क्यों नहीं लाई, ओ माय गॉड। बनाओ बनाओ, फास्ट ट्रीटमेंट करो सर,
अगर कुछ बोला नहीं है कि ये पेनल्टी किससे रिलेटेड है, कुछ समझ भी नहीं आ रहा है, तो आप डिसअलाउ कर दीजिए. हाँ क्योंकि पेनल्टी, हाँ क्योंकि कुछ बोला ही नहीं है पेनल्टी से रिलेटेड, एक भी पॉइंट नीचे नहीं दिया कि इन्फ्रेक्शन ऑफ लॉ है, कंपनसेटरी नेचर है. कंपनसेटरी होती तो हम अलाउ कर देते, बट इन्फ्रेक्शन ऑफ लॉ है तो अलाउड नहीं होती है पेनल्टीज. और कुछ क्वेश्चन में ना बोले तो आप सीधा सीधा डिसअलाउ कर दो और नोट दे दो. नोट लगेगा इसमें क्या आप इसका ट्रीटमेंट क्या करते हैं. $399,500 क्या बता रहे टोटल इनकम. $399,500 भाई ये आ रहा है एक जन का. और कोई आंसर. इजी क्वेश्चन है सर, कुछ नहीं है क्वेश्चन में. इसमें तो आपको जीएसटी पेड से रिलेटेड भी घुमाया नहीं कुछ. चाहता तो घुमा सकता था सर डेट अलग देके, वो भी नहीं किया आपके साथ. आ रहा है 399,500. चलो सबका बना बनाओ बनाओ बनाओ. कोई पॉइंट पे डाउट तो पूछो, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे सर. सैलरी के दो ट्रीटमेंट्स हैं, आप एक उसको एज एन एक्सपेंस क्लेम कर लो और दूसरा उसको अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर ट्रीट करो. अगर अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर ट्रीट करोगे तो उसको आईयूएस में लेके जाओगे सर, फिर वो यहाँ नहीं आएगा. वो आपके ऊपर है आप क्या ट्रीटमेंट करोगे. जो भी करोगे नोट दे के आना बस. नोट नहीं दोगे तो सामने वाले को पता नहीं चलेगा कि आप क्या ट्रीटमेंट कर रहे हो. ठीक है दूर चाहिए. हो गया सबका. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते. मिस्टर तेंजी इज एंगेज इन अ कंपोजिट बिजनेस ऑफ ग्रोइंग एंड क्योरिंग फर्दर प्रोसेसिंग कॉफी इन अ कुर्ग कर्नाटका. द होल ऑफ द कॉफी ग्रोन इन दिस प्लांटेशन इज क्योर्ड. Relevant information pertaining to the year ended 31st March 2024 are given below. Opening balance of the car, only asset in the block, as on 1/4/2023 is 3 lakh. That is the WDV, this minus karke nikala isne. Opening balance of the machine diya hua hai, 15 lakh. Expenses incurred for growing coffee, 3,10,000. Expenses for curing coffee, 3 lakh. Sale value of the cured coffee 22 lakh diya hua hai. Theek hai. Beside being used for the agriculture purpose, the car is also used for the personal use. Personal ke liye bhi car ko liya hai. Theek hai. Disallowance for personal use may be taken at 20%. So, jab bhi aap car ka depreciation nikaloge na sir, 15%, to usme bhi 20% kya hoga? Disallow? Matlab 80% hi depreciation milega sir aapko. The expenses incurred for running, car running and maintenance, ये जो खर्चा है ये पूरा नहीं मिलेगा सर, ये भी 80% मिलेगा क्योंकि कार 20% पर्सनल पर्पस है. The machine were used in the coffee during business operation, मतलब मशीन पे आपको डेप्रिसिएशन क्लेम करना है. इजी क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में. बनाओ सर, पूरी मेहनत तो मतलब डेप्रिसिएशन में ही करना है. इस क्वेश्चन में कुछ खास है नहीं सर. 22 lakh माइनस 3 lakh माइनस 3,10,000 माइनस कार का डेप्रिसिएशन माइनस मशीन का डेप्रिसिएशन, जो आएगी इनकम उसको डिवाइड कर लेना सर. कॉफी है
वेरी गुड, पूरी दुनिया राम कथा रामायण होने के बाद हमें परसेंट नहीं पता है कि किस पे कितना परसेंट डेप्रिसिएशन लगता है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। कितना आ रहा है भाई? इजी तो है, कहां टक गए हो? कितना आ रहा है? 12 लाख 89,000। अच्छा, एक आंसर ये, दूसरा है 12,29। हाँ, बिना बांटे हुए, वो तो बांटना तो है सर, वो तो बांटना ही पड़ेगा। बिना बांटे हुए कितना आ रहा है? कहाँ से ले आई? हाँ, 45, और उसका भी तो 80% ही ले पाओगे ना आप? तो 1289 फाइनल है, ठीक। इसको किस रेशियो में डिवाइड करना है? 25-75 कि 40-60? देख लो। ठीक है, आया समझ? ये हमारा पीजीईपी कंप्लीट हुआ, पीजीईपी के क्वेश्चंस कंप्लीट। ठीक है जी, थैंक यू।